हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है विक्रम तो विक्रम फिल्म का हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्जन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर मैं एक डिटेलिंग देने वाला हूँ इसी के साथ फिल्म के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर मैं प्रॉपर डिटेलिंग देने वाला हूँ इसके अलावा फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जिसमें स्टोरी एनालिसिस स्टोरी एक्सप्लेनेशन होने वाली है विक्रम टू के ऊपर बातचीत करेंगे केदी के साथ फिल्म किस तरह से जुड़ी हुई है उसके ऊपर भी बातचीत करने वाले है इसके अलावा इस फिल्म के रिव्यू में हम स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में जानने वाले टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में चर्चा करेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा विक्रम जो 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है विक्रम फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया गया था जहाँ पर विक्रम फिल्म को तमिल मलयालम और कन्नड़ा में सेम नाम दिया गया था वहीं पर तेलुगू और हिंदी वर्जन में विक्रम हिट लिस्ट नाम से फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया है वो एल सी यू यूनिवर्स का हिस्सा है यानी कि लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स तो लोकी सिनेमेटिक यूनिवर्स लोकेश कनक राज जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने क्रिएट किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म का जो 986 वाला वर्जन है विक्रम जो आ, कमल हसन की सबसे पहली विक्रम फिल्म थी उससे कैरेक्टर लिया हुआ है के फिल्म से इस फिल्म को कनेक्ट किया हुआ है लिंक किया हुआ है उसके बाद में विक्रम टू के लिए जिस तरह से कहानी छोड़ी हुई है वो सभी चीज़ें इस फिल्म के यूनिवर्स को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल में लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स की सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी बहस चल रही है ये एक एक्शन थ्रिलर जोनर वाली फिल्म थी जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें लोकेश कनक ने की हुई है जहाँ पर डायलॉग्स में उनको रत्ना कुमार ने मदद की हुई थी प्रोड्यूसर कमल हसन और आर महेंद्रन है जिन्होंने राज कमल फिल्म इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो कमल हसन विजय सेतुपति फाद फासिल आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे नरेन, दर्शन चंबन विनोद जोश कालिदास जयराम संतना भारती इंगव कुमारवेल वसंती गायत्री शंकर जी मारीमुथु अरुलदोस स्वस्तिका कृष्णन गौतम सुंदरराजन माया एस कृष्णन महेश्वरी चाणक्यन आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे वहीं पे शिवानी नारायण म्याना नंदिनी संपत राम गोकुलनाथ रमेश तिलक विनोद जाफर सद्दीकी श्री कुमार अरुणोदयन अनिस पद्माभन पोंडी रवि आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके अलावा सूर्या का रोलेक्स के रोल में एक केम्यो अपीरियंस है तो ये इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने फिल्म में इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इसके अलावा अर्जुन दास हरीश उथामन धिना हरीश पिराडी मोनिका आपको इस फिल्म में केम्यू अपीरियंस में देखने को मिलेंगे जिन्होंने कैदी फिल्म से अपने रोल को रिप्राइज किया हुआ है जहाँ पे का का रोल था का था अनबू डाय कलम धीना का रोल था कामाची हरीश पेराडी ने स्टीफन राज का रोल प्ले किया हुआ था मोनिका ने अमुदा का रोल प्ले किया हुआ था जो कनक राज है लोकेश कनक राज उनकी 2019 की केदी फिल्म आई थी जिसमें कार्तिक का रोल दिल्ली था ओवरऑल भी इस फिल्म में आपको वॉइस ओवर के रूप में देखने को मिलता है तो उस फिल्म से इस किरदार को इतने किरदार को लिया गया था जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सीन के लिए इस फिल्म का जो लोकी यूनिवर्स है उसको क्रिएट करने के लिए वो सभी चीजें कनेक्ट की हुई थी इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी गिरीश गंधारन ने की हुई है एडिटिंग की हुई फिलोमिन राज ने म्यूजिक दिया हुआ अनिरुद्ध रविचंदर ने जिन्होंने फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इतना बेहतरीन है जिसके चलते वो काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ है नाइनटीन के जो विक्रम का एक टाइटल ट्रैक था उसको लेके भी फिल्म का एक बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है इस फिल्म में टोटल आपको पाँच गाने सुनने को मिलेंगे जिसको तमिल तेलुगु हिंदी तीनों वर्जन के लिए क्रिएट किया हुआ है और इन गानों के राइट्स खरीदे हुए सोनी म्यूजिक वालों ने जिन्होंने अच्छी खासी प्राइज में फिल्म के इन गानों के राइट्स खरीदे हुए हैं एडिटिंग की फिल्म इन राज ने जिन्होंने फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे चौवन मिनट की देखने को मिलेगी करीबन करीबन तीन घंटे की इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया है फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है रेड जायंट मूवीज ने तमिल वर्जन के लिए और हिंदी वर्जन के लिए पेन मूवीज ने इस फिल्म को पेन मरुदगर स्टूडियो के तहत डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तो फिल्म के पास डिस्ट्रीब्यूटर भी काफी ज्यादा थे लेकिन तीन जून को काफी बड़ी बड़ी फिल्में आई थी तेलुगु की तरफ से आई थी मेजर पेन इंडिया फिल्म थी वहीं पे विक्रम तमिलनाडु की तरफ से और हिंदी की तरफ से पृथ्वीराज चौहान नाम से पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज नाम से अक्षय कुमार की एक पेन इंडिया फिल्म आई थी टोटल तीन ऐसी पेन इंडिया फिल्म थी जो एक ही दिन पे रिलीज़ की गई थी जिसके चलते स्क्रीन्स बहुत ही लिमिटेड मिले थे सभी वर्जन्स के अलग अलग स्टेट में उसके बावजूद फिल्म ने सभी फिल्मों ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया सिर्फ पृथ्वीराज को छोड़ के इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो लोकेश कनगराज वैसे भी कमल हसन के बहुत बड़े फैन हैं तो वो उनके लिए एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे उनके साथ मिलकर एक फिल्म बनाना चाहते थे और उन्होंने ये सभी चीज़ें कई बार कही हुई थी उन्होंने इससे पहले सत्या वीरो जैसी फिल्मों में उन उनके साथ आ, काम कर उन, उनके वो काम देख वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे जिसके चलते वो डायरेक्टर बनना चाहते थे बाद में डायरेक्टर बनने के बाद वो एक सही प्रोजेक्ट की तलाश में थे जिसके चलते बाद में उनको ये प्रोजेक्ट मिला विक्रम का और उन्होंने सोचा कि इस फिल्म में उनके साथ ये फिल्म बनाने वाले इससे पहले उनकी दो में एक स्क्रिप्ट थी उन्होंने रजनीकांत को नेरिट की थी दिसंबर दो में लेकिन उस स्क्रिप्ट के ऊपर बाद में काम नहीं हुआ धलाई 169 के नाम के साथ मार्च 2020 में उसको शेड्यूल किया गया था लॉन्च किया गया था लेकिन कोविड नाइन्टीन की वजह से चीज़ें काफ़ी डिले हो गई और उसके बाद में लोकेश कनक ने डिफरेंट प्रोजेक्ट और अनाउंस किया जहाँ पे उन्होंने बताया कमल हसन उस फिल्म के लीड रोल में सितंबर 2020 में उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी ऑफिशियल पोस्टर वो 16 सितंबर 2020 को रिलीज किया गया था टेंटेटिव टाइटल रखा गया था कमल हसन टू थर्टी फोर सॉरी टू थर्टी टू यानी कि दो तो सौ बत्तीसवीं कमल हसन की फिल्म है जिस वजह से टाइटल को टेंटेटिव टाइटल यही रखा गया था और उसके बाद में इस फिल्म का जो गाना है जैसे कि विश्व विश्व रूपम से लिया गया था जो प्रमोशनल टीज़र है उसमें यूज़ किया गया था जहाँ पे अक्टूबर 2020 में चेन्नई में टीज़र को वो लॉन्च किया गया था उसके बाद में कोविड 19 के रेगुलेशन को फॉलो करते हुए फिल्म की शूटिंग को लेट किया गया जहाँ एक्टर्स के बर्थडे के ऊपर यानी कि कमल हसन के बर्थडे के मौके पर 7 नवंबर 2020 को इस फिल्म का टाइटल टीजर रिवील किया गया था जहां पे कमल हसन के ऊपर एक प्रॉपर टाइटल टीजर रिवील किया गया था जिसमें बताया गया था फिल्म का टाइटल है विक्रम और ये फिल्म का टाइटल ऑलरेडी कमल हसन इस टाइटल के साथ न उन्नीस में एक फिल्म की हुई थी तब लोगों को नहीं पता था कि उस फिल्म के साथ इस फिल्म का कनेक्शन है उस फिल्म का जो कमल हसन का किरदार है ठीक वही किरदार इस फिल्म में वो रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को पोस्टपोन किया गया कोविड की वजह से बाद में प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट तो किया गया था जहां पर फिल्म के अलग अलग लोकेशन के ऊपर फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट तो किया गया था और कास्टिंग में भी फिल्म की कास्टिंग में काफ़ी लंबा समय लगा था दो से लेकर दो तक फिल्म की कास्टिंग चली थी डिफरेंट डिफरेंट एक्टर को लेकर जहाँ पे लीड रोल के लिए विजय सेतुपति और फाद फासिल कमल हसन के साथ जुड़े और इतने बड़े नाम जुड़ने के कारण फिल्म और भी ज़्यादा चर्चित हो गई फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 16 जुलाई 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पे फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो 6 अगस्त को रखा गया था उसके बाद में इस फिल्म के अलग अलग लोकेशन पे शूटिंग स्टार्ट की गई थी तो कोविड 19 के चलते फिल्म की शूटिंग में बहुत कम क्रू मेंबर थे जितने भी थे उसको वैक्सीनाइज करना यानी कि प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते फिल्म का शेड्यूल शूट किया गया था जिसमें काफ़ी टाइम लगा हुआ था फिल्म का सेकंड शेड्यूल था वो 19 सितंबर 2021 में शूट किया गया था चेन्नई में वहीं पे फिल्म का सेकंड शेड्यूल है उसको रेपअप करने में 2 अक्टूबर 2021 आ चुका था 13 अक्टूबर से फिल्म का तीसरा शेड्यूल स्टार्ट किया गया था जिसको शूट करने में काफ़ी लंबा समय लगा था जहाँ पे दो ऐसे सिक्वेंस है जिसको तमिलनाडु पुलिस म्यूजियम में चार दिनों के लिए शूट किया गया था जहाँ पे 24 पच्चीस अक्टूबर के ये दो दिन थे और बाद में 27 28 अक्टूबर को शूटिंग की गई थी इस लोकेशन के ऊपर उसके बाद में ऑफिशियल परमिशन डिनाइड होने के बाद फिल्म की शूटिंग को दूसरी जगह पे रखने के लिए पोस्टपोन किया गया था 17 नंबर 2021 को फिल्म का एक महीने वाला लंबा शेड्यूल कोयम्बतर में रखा गया था जहाँ पे कमल हसन सेतुपति और फासिल तीनों उस शेड्यूल में शामिल थे कोमल कमल हसन को कोविड नाइन्टीन होने की वजह से फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा बाद में उनको यूएस ले गया ले जाया गया यूएस में कुछ शूटिंग थी वो पोर्शन कंप्लीट किया गया उसके बाद में फिल्म का जो एक पचास डैमेज कार वाला एक सीक्वेंस था उसको शूट करने के लिए पूरा शेड्यूल सेट किया गया था बाद में फ़िल्म को आखिरी में दिसंबर 2021 में एक शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे कुछ एक्शन सीक्वेंस कुछ चीज़ें बाकी थी उसको कंप्लीट करवाया गया इस तरह से फिल्म के अलग अलग शेड्यूल को सेट किया गया था कुछ शेड्यूल में कमल हसन सेतुपति को साथ में रखा गया था जहाँ पे पाँच फरवरी दो का फाइनल शेड्यूल था वहाँ पर वो क्लाइमेक्स वाला पोर्सन है वहीं पर शूट किया गया था उन दोनों के बीच में और उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से रेप अप करने में एक मार्च 2022 आ चुका था उसके बाद में फ़िल्म के पोस्ट प्रोडक्शन म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग वीएफएक्स इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया और बाद में फिल्म का फाइनल कट किया गया म्यूज़िक के बारे में बात करें तो सोनी म्यूजिक के पास इस फिल्म के राइट्स है गानों के जहाँ पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट के दोनों को उन्होंने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म और दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर इन गानों को अवेलेबल किया हुआ है इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था अलबाकर रिकॉर्ड चेन्नई और किरमोस योर स्टूडियो चेन्नई में इन दो स्टूडियो में इस फिल्मों के गानों को रिकॉर्ड किया गया था 15 मई 2022 को सोनी म्यूजिक के द्वारा इन गानों को अवेलेबल किया गया था जिसके म्यूजिक को क्रिएट किया हुआ है निरुद्रा रविचंदन ने फिल्म में टोटल पाँच गाने पहला गाना है पथला पथला जिसके लिरिक्स लिखे हुए कमल हसन ने गाया हुआ है कमल हसन और अनिरुद्ध रविचंदर ने वहीं पे विक्रम जो टाइटल है उसको लिखा हुआ है विष्णु इडावन ने 네, सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर तीसरा गाना था वेस्टेड जिसके लिरिक्स लिखे हुए हसन बर्ग ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर चौथा गाना था पोरकांडा सिंगम जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे विष्णु इडवान ने 네, और सिंगर थे रवि जी पांचवा गाना था वंस ऑपन ए टाइम जिसके लिरिक्स लिखे हुए हसन बर्ग ने और सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंद्र और ठीक ये सभी चीजें तेलुगु वर्जन के लिए भी इन गानों को रिक्रिएट किया गया था जहाँ पे कुछ लिरिसिस्ट और सिंगर अलग थे इन गानों के हिंदी ट्रांसलेशन में जो टाइटल थे उसके बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पे पहला था बदले बदले रेप एक्सटेंडेड वर्जन जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राकेब आलम ने रेप लिखे लिरिक्स लिखे हुए थे रफ्तार ने सिंगर थे कमल हसन और रफ्तार दूसरा गाना था बदले बदले जिसके लिरिक्स राकेब आलम ने लिखे हुए थे सिंगर थे कमल हसन तीसरा गाना था विक्रम टाइटल ट्रेक जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राकीब आलम और अनिरुद्ध रविचंदर और सिद्धार्थ महादेव ने उनको गाया हुआ था चौथा गाना था वेस्टेड जिसके लिरिक्स हेसनबर्ग ने लिखे हुए थे सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर पांचवा गाना एक शेर हो तुम जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राकीब आलम ने और सिंगर थे जुबिन नोटियाल छठा गाना था वंस ऑफ ऑन ए टाइम जिसके लिरिक्स लिखे हुए हेसनबर्ग ने और सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर तो इस तरह से हिंदी वर्जन के भी ट्रैक को क्रिएट किया गया था और इन गानों को डिसेंट रिस्पांस मिला था और जब ये गाने फिल्म के साथ चढ़ चल दिखाई दिए थे फीचर हुए थे तब लोगों के सभी चीज़ें और भी बेहतर वे में पसंद आई थी और इसके बाद में फ़िल्म की मार्केटिंग की गई थी जहाँ पे फिल्म के टीज़र ट्रेलर ऑडियो लॉन्च किया गया था सात नवंबर दो हज़ार इक्कीस को कमल हसन के बर्थडे के मौके के ऊपर सभी चीज़ों को लॉन्च किया गया था उसके बाद में धीरे धीरे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत इस फिल्म की मार्केटिंग और साथ ही में रियलिटी शो के तहत भी जैसे कि हिंदी में कपिल शर्मा शो के तहत भी फिल्म के प्रमोशन को किया गया था अब इस फिल्म की कहानी के ऊपर हम बातचीत करें तो इस फिल्म की कहानी में आपको काफी सारे किरदार देखने को मिलते दे, हैं पहले उसके बारे में डिटेलिंग दे देता हूं कमल हसन आपको कमांडर अरुण कुमार विक्रम के रोल में दिखाई देंगे एक एजेंट विक्रम जो एक चीफ है नाइनटीन जो पायलट ब्लैक स्कोड था उसके और वो एक इनको गिटो के तौर पर कर्नन के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा विजय सेतुपति आपको शांतनम के रोल में दिखाई देंगे जो एक ड्रग लॉर्ड और लीडर है जो वेट्टी वाइग्रन गेंग है उसका लीडर है इसके अलावा फाद फासिल आपको एजेंट अमर के रोल में दिखाई देंगे जो ब्लैक ऑफ स्कोड का कमांडर है नरेंद्र ने इंस्पेक्टर विजय का रोल प्ले किया हुआ है दर्शन ने विक्रम जूनियर का रोल प्ले किया हुआ है जो विक्रम ग्रैंड सन है वहीं पे चम्बन विनोद जोश ने पोलिस चीफ जोश का रोल प्ले किया हुआ है कालिदास जयराम को ए सी का रोल दिया गया है जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वहीं से वो बिलोंग करते हैं जहाँ पे वो विक्रम के बेटे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शांतना भारती ने एजेंट ओपीलापन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट थे नाइनटी जो पायलट ब्लैक स्कॉड है उसके लिए जिसका जिम ओनर के तौर पर इनको गिटो टाइटल दिया गया था इन गो इलंगो कुमारवेल आपको एजेंट लॉरेंस के रोल में दिखाई देंगे जो वेपन स्पेशलिस्ट थे नाइनटी का जो पायलट ब्लैक स्कॉड है उसके लिए और वो एक कैब ड्राइवर का रोल प्ले कर रहे थे इनको गिटो के मोड़ के ऊपर इसके अलावा वासंती को इस फिल्म में एजेंट टीना का रोल दिया गया है जो साइकोलॉजिकल वारफेयर स्पेशल एजेंट थी जहाँ पे वो नाइनटी एटी पायलोट ब्लैक स्कॉड में शामिल थी जिन्होंने वालिमल का रोल प्ले किया हुआ है, जो एक डोमेस्टिक हेल्पर है इसके अलावा गायत्री शंकर ने इस फिल्म में गायत्री अमर का रोल प्ले किया हुआ है जो अमर की वाइफ है स्वस्तिका कृष्णन ने प्रभंजन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है जो विक्रम की डॉटर इन लो है जी मारे मुथ्थू आपको कमिश्नर पुलिस नागराज के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे अरुल डोज रुद्र प्रताप के रोल में दिखाई देंगे गौतम सुंदर राजन को वीरा पांडेन का रोल दिया गया माया एस कृष्णन ने इस फिल्म में एक एस्कोर्ट का रोल प्ले किया हुआ है महेश्वरी चाणक्यन ने इस फिल्म में शांतनम की फर्स्ट वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है शिवानी नारायण ने शांतनम की सेकंड वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है नंदी ने सांतनम की थर्ड वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे संपत राम ने इस फिल्म में संपत के मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है जो वेगन वट्टी गेंगे उसके मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है गोकुलनाथ ने वेट्टी वाइगन के मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है रमेश तिलक आपको इलांगा के रोल में दिखाई देंगे जो वेट्टी वाइगन के मेंबर है विनोद भी मुन्ना के रोल में दिखाई देंगे वो भी वेट्टी वाइगन का जो मेंबर है वहीं पे जाफिर सदीक श्री कुमार अरुण वो सभी लोग जैसे कि अनिष पद्माना भन वो सभी लोग मेंबर के रोल में दिखाई देंगे जहाँ पे श्री कुमार अलुदोस आपको ब्लैक ऑफ स्कोड के मेंबर के तौर पे दिखाई देंगे या फिर सदीक विनोद आपको वेटरी वाइगर रन के स्कोर्ड में दिखाई देंगे सॉरी गैंग में दिखाई देंगे अनस्पदना बन आपको ब्लैक स्कोड में देखने को मिलेंगे वहीं पे पोंडी रवि को पुलिस ऑफिसर का रोल दिया गया था सूर्य का एक एक्सटेंडेड केम्योपीरेंस है जो क्लाइमेक्स में आता है पूरी फिल्म में जो रोलेक्स नाम लिया जाता है वो उनका ही किरदार रहता है बाद में किंग पिन जो इनलीगल ड्रग रेकेड है वो वही चला रहे हैं तो उनका जो ड्रग्स का नुकसान हुआ है जिन उनके साथ जो जुड़े हुए हैं जो के जी फिल्म से बिलोंग करते हैं उसमें अर्जुन दास हरीश उथामन धीना हरीश पेडाडी मोनिका और दिल्ली यानी कि कार थी तो उनके सभी किरदार मैंने बता दिए जैसे कि अनबू अदय कलम कामाची स्टीफन राज अमुदा और दिल्ली तो इतने एक्टरों को कैदी फिल्म से भी रिप्राइस किया हुआ है तो इस फिल्म की को जो पहले कैदी फिल्म में जो ड्रग्स चोरी होता है जिसको दिल्ली एक जगह से दूसरी जगह बचा के ले आता है ये सभी चीजें आपको जो देखने को मिलती है वो इस फिल्म के साथ कनेक्टेड है वो सभी चीजें वो जो ड्रग्स है वो रोलेक्स का था वहीं पे इस फिल्म में जो ड्रग्स चोरी होता है वो विजय सेतुपति का बताया जाता है बाद आखिर में पता चलता है कि वो भी रोलेक्स का है तो रोलेक्स ने काफ़ी घाटा खाया हुआ है जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा खुखार हो चुका है और उसके बाद में फिल्म को एंड कर दिया जाता है तब देखते हैं कि विक्रम टू में किस तरह से इन सभी चीज़ों को डेवलप किया जा सा है कहानी के ऊपर बातचीत करें तो एक फिल्म की कहानी है वो एक हेवी ऐसा ड्रग कंटेनर रहता है वो चेन्नई से मिसिंग होता है वो वो ड्रग कंटेनर के मालिक थे शांतनम और वो रोल प्ले कर रहे विजय सेतुपति जो ह्यूजली अपसेट है इस रोबरी के चलते बाद में इस केस को क्रैक करने के लिए एक अंडर कवर कॉप को बुलाया जाता है जिसका नाम है अमर जिसका रोल प्ले करे फाद फासिल जब वो इस सीन में आते हैं तो अब इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये रोबरी कोई नोटर में मास्क मैन है उसके द्वारा की जा रही है और वो सिटी में काफ़ी सारे ऐसे क्राइम कर रहा है और उसका कनेक्शन सीधा एक ड्रंकड पियकड़ आदमी है कर्नन उसके साथ जुड़ा हुआ है और वो रोल प्ले करे कमल हसन तो अब ये कर्नन कौन है उसकी बैक स्टोरी क्या है वो किस तरह से इस माफिया सेटअप के साथ इन्वॉल्व है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है इस फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग नज़र आती है फिल्म की कहानी में काफी डिटेलिंग है काफी लेयर है जिसको काफी बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश किया हुआ है सभी कैरेक्टर को जिस तरह से बारीकी डिटेल के साथ लिखा हुआ है जिस तरह से छोटे से छोटे किरदार का फिल्म में इंपॉर्टेंट दिखाया हुआ है तो कहानी में काफी ज्यादा मेहनत की हुई थी उतनी बेहतरीन वे में डायरेक्टर ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी लिखा हुआ है उनके नेरेशन की तारीफ करनी पड़ेगी काफी ज्यादा मजबूत नजर आता है हाथ इस फिल्म में एक मीठी रोल प्ले कर रहे हैं उन्होंने अपने पार्ट को काफी बेहतरीन तरीके से निभाया हुआ है वो काफी जगह जगह पर एक सबल परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते है और अपने डायलॉग डिलीवरी अपनी इमोशनल परफॉर्मेंस के थ्रू वो फिल्म में सभी ऑडियंस को अच्छी तरह से एंगेज और कनेक्ट करके रखते हैं विजय सेतुपति इस फिल्म में जिस तरह से एक माफिया डॉन का रोल प्ले कर रहे हैं उनको देखने देखते समय आपको जरूर अच्छा लगेगा जहाँ पे वो ड्रग्स वाले सीन लेते जहाँ पे वो ड्रग्स का एक टेबलेट लेके मुंह में दबा लेते उसके बाद में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है वो काफ़ी बढ़िया नजर आता है विजय सेतुपति के जो फेशियल एक्सप्रेशन थे बॉडी लैंग्वेज थी स्क्रीन प्रेजेंस था उनके जो डायलॉग डिलीवरी थी खास करके वो जो और डायलॉग डिलीवरी थोड़ी अलग डायलॉग डिलीवरी देखने को मिलती है वो हिंदी वर्जन में नहीं पता चलेगा अगर तमिल वर्जन देखोगे तो आपको वो डायलॉग डिलीवरी फील होगी तो वो सभी चीज़ों में उन्होंने काफ़ी मेहनत किए हुई और और भी बेहतर लग आ रही नज़र आ रही थी उस किरदार को काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया हुआ है अपने छोटे से किरदार के साथ वो फिल्म में काफ़ी बेहतरीन इम्पेक्ट क्रिएट करने में कामयाब रहे थे हालांकि उनका किरदार बेटर वे में लिखा जा सकता था लेकिन जिस सा भी किरदार लिखा उसके ऊपर उनका काम ज़्यादा अच्छा था इसके अलावा उनके जितने भी फाद फ़ासिल और कमल हसन के साथ सीन फिल्माए गए कन्फ्रेंटेशन के वो काफ़ी लाजवाब है उसका एग्जीक्यूशन काफ़ी बढ़िया और परफेक्ट नज़र आ रहा था इस फिल्म के एक और मेजर प्लस पॉइंट है वो है अनिरुद्ध रविचंदर उनका बैकग्राउंड स्कोर सेकंड हाफ़ में जिस तरह से उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर के साथ सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए वो अनदर लेवल पे फ़िल्म के कुछ सीन्स सा आपको शायद थोड़े बहुत बोरिंग और डल नज़र आ सकते थे लेकिन इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इतना अव्वल दर्जे का है इतना बेहतरीन है जिस वजह से ये सभी चीज़ें और एक लेवल पे अप चली जाती है और वो सभी चीजों की मेज का कमी खलती नहीं है लास्ट बट नॉट द लेस्ट कमल हसन उन्होंने इस फिल्म में ऐसा कम किया हुआ है चौक काफ़ी बढ़िया है उनका ये एक्शन अवतार इस एज में जिस तरह से वो एक्शन अवतार कर रहे हैं उनकी डायलॉग डिलीवरी उनका बॉडी लैंग्वेज अलग अलग सेट्स उनके देखने को मिलते हैं जिस तरह से अपने किरदार में जो पंच वो मारते हैं वो सभी चीज़ें काफ़ी पावरफुल थी उनका ये पावर पैक परफॉर्मेंस आपको ज़रूर पसंद आएगा सेकेंड हाफ में उन्होंने जिस तरह से एक्शन ब्लॉक क्रिएट किए हुए वो सभी सुपभ है ये सभी चीज़ें न्यूट्रल ऑडियंस और फैंस को खास करके पसंद आएगी हाँ फिल्म के फर्स्ट हाफ से ऑडियंस कुछ ऑडियंस ऐसी इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में जिस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है जिस तरह से स्टोरी को इस्टेब्लिश किया हुआ है कैरेक्टर को इस्टब्लिस किया हुआ है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया जाता है जिसके चलते कुछ लोगों को वो सभी चीज़ें स्लो या थोड़ी बोरिंग लग सकती है लेकिन अगर शांति से बैठ के देखोगे तो वो स्क्रीन प्ले को इस तरह से लिखा जाता है जिसके चलते सेकंड हाफ आप में आपको ज़रा भी रेस्ट करने का टाइम नहीं रहता है फिल्म का सेकंड हाफ पूलॉन एक्शन से भरपूर है जहाँ पे इमोशनल एक्शन ड्रामा वो सभी चीज़ों का परफेक्ट मिश्रण रखा हुआ है और क्लाइमेक्स में तो फिल्म फाड़ देती है फिल्म का इंटरऑल क्लाइमेक्स इतना दमदार है जिसके चलते आपको ये सभी चीज़ें ज़रूर पसंद आएगी फिल्म के छोटे से छोटे किरदार को जिस तरह से हमारे सामने करेक्टाइज करेक्टराइज़ करके दिखाया हुआ है जिस तरह से उनको पेश किया गया है वो सभी चीज़ें भी अच्छा खासा घुसब क्रिएट कर देती हैं इस फिल्म का जो बीजेम है वो काफ़ी ज़्यादा टोप नोट था जिस वजह से वो सभी चीज़ें और बेहतर नज़र आती है कैमरा वर्क काफ़ी अव्वल दर्जे का था इस तरह के डार्क थीम में जिस तरह से कम कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो लाजवाब था फिल्म के जो क्लाइमैक्स है सेकंड हाफ ही ले लो इंटरवल ब्लॉक है जहाँ पे जिस तरह से कैमरा चलाया गया है फाइटिंग सिक्वेंस के तहत वो लाजवाब था और वैसा कैमरा वर्क मैंने अभी तक कोई फिल्मों में नहीं देखा हुआ है इस फिल्म में उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से उन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है सूर्या का जिस तरह से क्लाइमेक्स में एक छोटा सा इंट्रो दिखाया जाता है वो पूरी तरह से इस फिल्म में विलन का किरदार में जो सेटअप सेट किया हुआ था उसमें एक हाई परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहते हैं उनका जो केम्यू ऑपिरन्स है फिल्म को चार चांद लगा देता है और वो रोलेक्स वाले किरदार में काफ़ी जच रहे थे वो एक खुखार ड्रेडेड क्रिमिनल नज़र आ रहे थे इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे सभी चीज़ें रियल नज़र आ रही थी लाइटिंग का अच्छा यूज़ है कलर टोन बढ़िया तरीके से फिल्म के डायलॉग काफ़ी नीट रखे हुए हैं जहाँ पे एक्शन सीन्स में तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल मेन एक्शन सीन्स में तो काफ़ी नीट डायलॉग सुनने को मिलते हैं इसके अलावा जो इमोशनल डायलॉग है दूसरे कुछ डायलॉग्स है उसमें काफ़ी आपको अहमियत पता चलेगी उन डायलॉग्स की और वो डायलॉग्स काफी देवता वाले क्रिएट किए हुए इस फिल्म में जिस तरह तो से क्लाइमेक्स देखने को मिलता है सूर्या देखने को मिलता है वो ऑडियंस को एक हाई पॉइंट पर ला रख देता है और वो सेकंड हाफ देखने की उत्सुकता और बढ़ा देता है हाँ फिल्म के फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत छोटा किया जा सकता था तो शायद जो ऑडियंस को सभी चीजें इग्नोर इग्नोरेंस लग रही थी वो नहीं लगती कुछ रिपीटेड सीन्स को भी काट सकते थे अदरवाइज बाकी टोटली totally फिल्म इतनी परफेक्ट है जिसमें कोई भी कामी नहीं है फिल्म की स्टोरी फिल्म का स्क्रीन प्ले फिल्म का डायलॉग फिल्म की राइटिंग इसके अलावा फिल्म का कैमरा वर्क म्यूजिक डायरेक्शन इसके अलावा फ़िल्म की जो ट्विस्ट और टर्नस है वो सभी चीज़ें इतनी परफेक्ट है जिस वजह से इस फिल्म को काफ़ी मज़बूती वे में टेक्निकल परफॉर्मेंसेस सभी तरह से मजबूत फिल्म माना जाएगा तो ये एक्शन थ्रिलर फिल्म आपको मिस नहीं करनी चाहिए जहाँ पे फिल्म का ड्रामा एक्शन इमोशंस सभी चीज़ें परफेक्ट वे में एग्जीक्यूट हुए हैं फिल्म के इमोशन इतने बेहतरीन है जो एक्शन देखते समय आपको जरूर महसूस होंगे इस फिल्म को जरूर स्टार्ट नोट के स्लो नोट के साथ स्टार्ट किया जाता है लेकिन फिल्म को जिस तरह से धीरे धीरे गियर अप किया जाता है तो एक्शन आप पे का सेकंड आपको ज़रूर एंटरटेन करेगा कमल हसन का कम आपको जरूर पसंद आएगा फात फासिल कमल हसन और विजय सेतुपति तीनों में से एक तो ऐसा रहता है जो स्क्रीन पर आपको हमेशा देखने को मिलेगा जिसके चलते फिल्म का स्क्रीन प्ले को जरूर पसंद आएगा तो ये फिल्म मिस नहीं करनी चाहिए अगर नहीं देखी हो तो जरूर देखनी चाहिए अब रिलीज के ऊपर बातचीत करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म को यूए सर्टिफिकेट के साथ 174 मिनट के रन टाइम के साथ 3 जून 2022 को मेजर तेलुगु फिल्म और साथ ही में आ, हिंदी फिल्म पृथ्वीराज के साथ रिलीज किया गया था सम्राट पृथ्वीराज के साथ तो फिल्म को हिंदी वर्जन में थोड़े स्क्रीन्स कम मिले थे लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने सभी वर्जन में धमाका मचाया हुआ है जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स के ऑडियंस की तरफ से इतने ज़्यादा पॉजिटिव और साथ ही में इतने बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते फिल्म इतना बढ़िया तरीके से वर्क करी कि फिल्म ने वीकेंड काफ़ी लंबा लिया होता था खास करके तमिल वर्जन से फिल्म इतना बेहतरीन वे में कलेक्शन करके दे रही थी जिसके चलते फिल्म ने कुछ ही दिनों में प्रॉफिटेबल बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था इस फिल्म में टोटल आई पे छब्बीस वोट मिले हुए जिसमें आठ आठ की हाई रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इस फिल्म को कितना ज़्यादा पसंद आया था इस फिल्म को कितना पॉजिटिव बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया हुआ है और ये भी विक्रम फिल्म कमल हसन के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई वन ऑफ द हाईएस्ट क्या सबसे ज्यादा हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली फिल्म उनके करियर की साबित हुई है जहाँ पे कमल हसन के डायरेक्टर यानी कि इस फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनक ने जो उनके फैन भी है उन्होंने एक परफेक्ट ट्रिब्यूट दिया हुआ है इस फिल्म का बजट करीबन 120 से एक करोड़ था तो उस बजट के सामने फिल्म ने करीबन साढ़े चार सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन निकाला हुआ है जहाँ पे तमिलनाडु से फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था हिंदी वर्जन में कम प्राइस में बेचा हुआ था जिसके चलते हिंदी वर्जन में फिल्म हिट साबित हुई थी जिस तरह से फिल्म ने कलेक्शन किया था वो चौंका देने वाला था इस फिल्म ने तमिलनाडु से ही पच्चीस करोड़ का पहले दिन कलेक्शन किया हुआ था केरला से पाँच करोड़ का कर्नाटक से चार करोड़ का आंध्र प्रदेश से पौने चार करोड़ का तेलंगाना से डेढ़ करोड़ का वहीं पे टोटल जो इंडिया का कलेक्शन था वो चौंतीस करोड़ था पहले दिन के कलेक्शन की बात कर रहा हूँ चौबीस करोड़ था तो दोनों का मिला के अट्ठावन करोड़ और इस फिल्म ने जरूर काफी बेहतरीन रिस्पांस हासिल किया है लोगों ने उतनी उम्मीदें नहीं लगाई हुई थी इस फिल्म ने हंड्रेड करोड़ का क्लब सिर्फ दो दिन में पार किया हुआ था जो काबिल तारीफ है फिल्म ने दो दिनों में सौ करोड़ पचहत्तर लाख का इंडिया में कलेक्शन क्या हुआ था जहाँ पे ओवरसीज़ का टोटल कलेक्शन पचास करोड़ था इस तरह से फिल्म ने पहला वीकेंड है वो डेढ़ सौ से एक सौ सत्तर करोड़ का लिया हुआ था जहाँ पे तमिलनाडु से तिरासी करोड़ बीस करोड़ केरला से तेरह करोड़ कर्नाटका से सोलह करोड़ तेलुगु लैंग्वेज स्पीकिंग स्टेट से और बाकी के साढ़े पाँच करोड़ नॉर्थ इंडिया रेस्ट ऑफ इंडिया से कलेक्ट किए हुए थे तेलुगु कन्नड़ा हिंदी मलयालम जितने नॉर्थ इंडिया में स्क्रीन्स मिली थी उससे इस फिल्म का ओपनिंग वीकेंड काफ़ी मजबूत था जिसके चलते यूएसए में भी तेरह करोड़ तेईस लाख का ओपनिंग विकेट लिया गया था वहीं पे चार करोड़ का यूके में और ऑस्ट्रेलिया में साढ़े तीन करोड़ का इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया वो काफ़ी खतर, खतरनाक था वो डे बाई डे और बेहतर कलेक्शन कर रही थी जिसके चलते फिल्म ने दो करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सिर्फ सात दिनों में हासिल किया था फिल्म ने चौथे दिन में ही 2.10 मिलियन रसिया से कलेक्ट किए हुए थे दो मिलियन डॉलर मिडल ईस्ट से कलेक्ट किए हुए थे एक मिलियन डॉलर मलेशिया से कलेक्ट किए हुए थे और पॉइंट मिलियन सिंगापुर से कलेक्ट किए हुए थे नॉर्वे और रशिया में इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे भी फिल्म ने अच्छा खासा रिस्पेक्टेड टोटल हासिल किया था पहले वीक में तो इस तरह से फिल्म पहले वीक ने दो करोड़ का कॉल कलेक्शन किया और ये हाईएस्ट ग्रोसिंग तमिल फिल्म साबित हुई थी 2022 की जहाँ पे बेस्ट फिल्म को आसानी से सरपास कर दिया था जहाँ पे फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया वो चार जून 2022 तक 436 करोड़ तक पहुँच गया था और वन ऑफ़ दी हाइस्ट ग्रोसिंग तमिल फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई तो फिलहाल में ये फिल्म करीबन साढ़े चार आठ सौ करोड़ के आसपास की फिल्म बन चुकी है जहाँ पे हिंदी वर्जन उतना चला नहीं अगर हिंदी वर्ज़न चलता दूसरे फिल्मों के मुकाबले तो ये फिल्म हज़ार करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार कर सकती थी लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने जितना लंबा रन लिया हुआ है जिस तरह से कलेक्शन किया हुआ है वो काबिल तारीफ है जिस तरह से विक्रम फिल्म के साथ लोकेश कनगराज ने एक बढ़िया ट्रिब्यूट दिया हुआ है कमल हसन जी को साथ ही में कमल हसन जी का जो एक कम देखने को मिलता है जो अपने

जहाँ पे करीबन 112 करोड़ रुपए उन्होंने पे किए हुए फरवरी 2022 में इसके राइट्स बेचे गए थे तो थिएट्रिकल रिलीज़ के एक महीने पहले इस फिल्म के राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे 112 करोड़ में फिल्म के तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन के राइट्स बेचे गए थे अगर ये फिल्म रिलीज़ होती उसके बाद बेचते तो और ज़्यादा मिलते लेकिन उससे पहले बेच दिए थे उसके बावजूद एक करोड़ मिले हुए जिसके राइट्स स्टार इंडिया नेटवर्क के पास है तो ये फिल्म आपको तमिल हिंदी तेलुगू कन्नड़ा मलयालम वर्जन में डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास डिजनी प्लस होटस्टार का सब्सक्रिप्शन है तो विक्रम फिल्म सभी वर्जन में देख सकते हो जहाँ पे हिंदी और तेलुगू वर्जन में विक्रम हिट लिस्ट के नाम से देखने को मिलेगी बाकी जो तीन लैंग्वेज है तमिल कन्नडा मलयालम उसमें विक्रम नाम दिया हुआ है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्टार नेटवर्क के पास इस फिल्म के राइड्स है तो ये फिल्म आपको ओ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन विक्रम नाम से तमिल मलयालम कन्नड़ा वर्जन में वहीं पे विक्रम हिटलिस्ट नाम से हिंदी और तेलुगु वर्जन में फिल्म देखने को मिलेगी इसके अलावा सेटेलाइट राइट से वो हिंदी वर्जन के खरीदे हुए स्टार गोल्ड वालों ने तो ये फिल्म आपको सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर विक्रम हिटलिस्ट नाम से बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप सैटेलाइट और ओ दोनों वजन फिल्म के एंजॉय कर सकते हो सभी वजन जैसे कि तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम के लिए विक्रम जो 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है विक्रम फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया गया था जहां पर विक्रम फिल्म को तमिल मलयालम और कन्नड़ा में सेम नाम दिया गया था वहीं पर तेलुगू और हिंदी वर्जन में विक्रम हिट लिस्ट नाम से फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया है वो एल यूनिवर्स का हिस्सा है यानी कि लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स तो लोकी सिनेमेटिक यूनिवर्स लोकेश कनक राज जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने क्रिएट किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म का जो 986 वाला वर्जन है विक्रम जो आ, कमल हसन की सबसे पहली विक्रम फिल्म थी उससे कैरेक्टर लिया हुआ है के फिल्म से इस फिल्म को कनेक्ट किया हुआ है लिंक किया हुआ है उसके बाद में विक्रम टू के लिए जिस तरह से कहानी छोड़ी हुई है वो सभी चीज़ें इस फिल्म के यूनिवर्स को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल में लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स की सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी बहस चल रही है ये एक एक्शन थ्रिलर जोनर वाली फिल्म थी जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन सभी चीजें लोकेश कनक ने की हुई है जहाँ पे डायलॉग्स में उनको रत्ना कुमार ने मदद की हुई थी प्रोड्यूसर कमल हसन और आर महेंद्रन है जिन्होंने राज कमल फिल्म इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म की कास्ट की बात करें तो कमल हसन विजय सेतुपति फाद फासिल आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे नरेन दर्शन चंबन विनोद जोश कालिदास जयराम संतना भारती इलांगव कुमारवेल वसंती गायत्री शंकर जी मारीमुथु अरुलदोस स्वस्तिका कृष्णन गौतम सुंदरराजन माया एस कृष्णन महेश्वरी चाणक्यन आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे वहीं पे शिवानी नारायण म्याना नंदिनी संपत राम गोकुलनाथ रमेश तिलक विनोद जाफर सदकी श्री कुमार अरुणोदयन अनिस पदमाभना पोंडी रवि आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके अलावा सूर्या का रोलेक्स के रोल में केम्यो अपीरियंस है तो ये इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने फिल्म में इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इसके अलावा अर्जुन दास हरीश उथामन धिना हरीश पिराडी मोनिका आपको इस फिल्म में केम्यो अपीरियंस में देखने को मिलेंगे जिन्होंने केदी फिल्म से अपने रोल को रिप्राइज किया हुआ है जहाँ पे अर्जुन दास का रोल था अनबू हरी सुथामन का था अदय अडाई कलम धीना का रोल था कामाची हरीश पेराडी ने स्टीफन राज का रोल प्ले किया हुआ था मोनिका ने अमुदा का रोल प्ले किया हुआ था जो कनक राज है लोकेश कनक राज उनकी 2019 की केजी फिल्म आई थी जिसमें कार्तिका रोल दिल्ली था ओवरऑल भी इस फिल्म में आपको वॉइस ओवर के रूप में देखने को मिलता है तो उस फिल्म से इस किरदार को इतने किरदार को लिया गया था जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सीन के लिए इस फिल्म का जो लोकी यूनिवर्स है उसको क्रिएट करने के लिए वो सभी चीजें कनेक्ट की हुई थी इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी गिरीश गंधारन ने की हुई है एडिटिंग की हुई फिलोमिन राज ने म्यूजिक दिया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदर ने जिन्होंने फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इतना बेहतरीन है जिसके चलते वो काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ है नाइनटीन एटी की जो विक्रम का एक टाइटल ट्रैक था उसको लेके भी फिल्म का एक बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है इस फिल्म में टोटल आपको पाँच गाने सुनने को मिलेंगे जिसको तमिल तेलुगू हिंदी तीनों वर्जन के लिए क्रिएट किया हुआ है और इन गानों के राइट्स खरीदे हुए सोनी म्यूजिक वालों ने जिन्होंने अच्छी खासी प्राइस में फिल्म के इन गानों के राइट्स खरीदे हुए हैं एडिटिंग की फिल्म इनराज ने जिन्होंने फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है

वहीं पे विक्रम तमिलनाडु की तरफ से और हिंदी की तरफ से पृथ्वीराज चौहान नाम से पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज नाम से अक्षय कुमार की एक पेन इंडिया फिल्म आई थी टोटल तीन ऐसी पेन इंडिया फिल्म थी जो एक ही दिन पे रिलीज की गई थी जिसके चलते स्क्रीन बहुत ही लिमिटेड मिले थे सभी वर्जन के अलग अलग स्टेट में उसके बावजूद फिल्म ने सभी फिल्मों ने काफी बढ़िया कलेक्शन किया सिर्फ पृथ्वीराज को छोड़ के इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो लोकेश कनगराज वैसे भी कमल हसन के बहुत बड़े फैन हैं तो वो उनके लिए एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे उनके साथ मिलकर एक फिल्म बनाना चाहते थे और उन्होंने ये सभी चीज़ें कई बार कही हुई थी उन्होंने इससे पहले सत्या वीरो मंडी जैसी फिल्मों में उन उनके साथ आ, काम कर उन, उनके वो काम देख के वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे जिसके चलते वो डायरेक्टर बनना चाहते थे बाद में डायरेक्टर बनने के बाद वो एक सही प्रोजेक्ट की तलाश में थे जिसके चलते बाद में उनको ये प्रोजेक्ट मिला विक्रम का और उन्होंने सोचा कि इस फिल्म में उनके साथ ये फिल्म बनाने वाले इससे पहले उनकी दो में एक स्क्रिप्ट थी उन्होंने रजनीकांत को नेरिट की थी दिसंबर दो में लेकिन उस स्क्रिप्ट के ऊपर बाद में काम नहीं हुआ धलाई 169 के नाम के साथ मार्च 2020 में उसको शेड्यूल किया गया था लॉन्च किया गया था लेकिन कोविड नाइन्टीन की वजह से चीज़ें काफ़ी डिले हो गई और उसके बाद में लोकेश कनक ने डिफरेंट प्रोजेक्ट और अनाउंस किया जहाँ पे उन्होंने बताया कमल हसन उस फिल्म के लीड रोल में सितंबर 2020 में उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी ऑफिशियल पोस्टर वो 16 सितंबर 2020 को रिलीज किया गया था टेंटेटिव टाइटल रखा गया था कमल हसन टू थर्टी फोर सॉरी टू थर्टी टू यानी कि दो तो सौ बत्तीसवीं कमल हसन की फिल्म है जिस वजह से टाइटल को टेंटेटिव टाइटल यही रखा गया था और उसके बाद में इस फिल्म का जो गाना है जैसे कि विश्व विश्व रूपम से लिया गया था जो प्रमोशनल टीज़र है उसमें यूज़ किया गया था जहाँ पे अक्टूबर 2020 में चेन्नई में टीज़र को वो लॉन्च किया गया था उसके बाद में कोविड 19 के रेगुलेशन को फॉलो करते हुए फिल्म की शूटिंग को लेट किया गया जहाँ पे एक्टर्स के बर्थडे के ऊपर यानी कि कमल हसन के बर्थडे के मौके पर 7 नवंबर 2020 को इस फिल्म का टाइटल टीजर रिवील किया गया था जहां पे कमल हसन के ऊपर एक प्रॉपर टाइटल टीजर रिवील किया गया था जिसमें बताया गया था फिल्म का टाइटल है विक्रम और ये फिल्म का टाइटल ऑलरेडी कमल हसन इस टाइटल के साथ ना उन्नीस में एक फिल्म की हुई थी तब लोगों को नहीं पता था कि उस फिल्म के साथ इस फिल्म का कनेक्शन है उस फिल्म का जो कमल हसन का किरदार है ठीक वही किरदार इस फिल्म में वो रिप्राइज करते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को पोस्टपोन किया गया कोविड की वजह से बाद में प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था जहाँ पे फिल्म के अलग अलग लोकेशन के ऊपर फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और कास्टिंग में भी फिल्म की कास्टिंग में काफ़ी लंबा समय लगा था 2018 से लेकर 2021 तक फिल्म की कास्टिंग चली थी डिफरेंट डिफरेंट एक्टर को लेकर जहाँ पे लीड रोल के लिए विजय सेतुपति और फाद फासिल कमल हसन के साथ जुड़े और इतने बड़े नाम जुड़ने के कारण फिल्म और भी ज़्यादा चर्चित हो गई फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 16 जुलाई 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पे फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो 6 अगस्त को रखा गया था उसके बाद में इस फिल्म के अलग अलग लोकेशन पे शूटिंग स्टार्ट की गई थी तो कोविड नाइन्टीन के चलते फिल्म के शूटिंग में बहुत कम क्रू मेंबर थे जितने भी थे उसको विक्सनाइज करना यानी कि प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते फिल्म का शेड्यूल शूट किया गया था जिसमें काफ़ी टाइम लगा हुआ था फिल्म का सेकंड शेड्यूल था वो 19 सितंबर 2021 में शूट किया गया था चेन्नई में वहीं पे फिल्म का सेकंड शेड्यूल है उसको रेप अप करने में 2 अक्टूबर 2021 आ चुका था 13 अक्टूबर से फिल्म का तीसरा शेड्यूल स्टार्ट किया गया था जिसको शूट करने में काफ़ी लंबा समय गया था जहाँ पे दो ऐसे सिक्वेंस है जिसको तमिलनाडु पुलिस म्यूजियम में चार दिनों के लिए शूट किया गया था जहाँ पे 24, 25 अक्टूबर के ये दो दिन थे और बाद में 27, 28 अक्टूबर को शूटिंग की गई थी इस लोकेशन के ऊपर उसके बाद में ऑफिशियल परमिशन डिनाइड होने के बाद फिल्म की शूटिंग को दूसरी जगह पे रखने के लिए पोस्टपोन किया गया था 17 नवंबर 2021 को फिल्म का एक महीने वाला लंबा शेड्यूल कोयम्बतर में रखा गया था जहाँ पे कमल हसन सेतुपति और फासिल तीनों उस शेड्यूल में शामिल थे कोमल कमल हसन को कोविड नाइन्टीन होने की वजह से फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा बाद में उनको यूएस ले गया ले जाया गया यूस में कुछ शूटिंग थी वो पोर्शन कंप्लीट किया गया उसके बाद में फिल्म का जो एक पचास डैमेज कार वाला एक सीक्वेंस था उसको शूट करने के लिए पूरा शेड्यूल सेट किया गया था बाद में फ़िल्म को आखिरी में दिसंबर 2021 में एक शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे कुछ एक्शन सीक्वेंस कुछ चीज़ें बाकी थी उसको कंप्लीट करवाया गया इस तरह से फिल्म के अलग अलग शेड्यूल को सेट किया गया था कुछ शेड्यूल में कमल हसन सेतुपति को साथ में रखा गया था जहाँ पे पाँच फरवरी दो का फाइनल शेड्यूल था वहाँ पर वो क्लाइमेक्स वाला पोर्सन है वहीं पर शूट किया गया था उन दोनों के बीच में और उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से रेप अप करने में एक मार्च 2022 आ चुका था उसके बाद में फ़िल्म के पोस्ट प्रोडक्शन म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग वीएफएक्स इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया और बाद में फिल्म का फाइनल कट किया गया म्यूज़िक के बारे में बात करें तो सोनी म्यूजिक के पास इस फिल्म के राइट्स है गानों के जहां पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट के दोनों को उन्होंने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म और दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर इन गानों को अवेलेबल किया हुआ है इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था अल्बाकर का रिकॉर्ड चेन्नई और किरमोस इंडोर स्टूडियो चेन्नई में इन दो स्टूडियो में इस फिल्मों के गानों को रिकॉर्ड किया गया था 15 मई 2022 को सोनी म्यूजिक के द्वारा इन गानों को अवेलेबल किया गया था जिसके म्यूजिक को क्रिएट किया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदन ने फिल्म में टोटल पांच गाने पहला गाना है पथला पथला जिसके लिरिक्स लिखे हुए कमल हसन ने गाया हुआ है कमल हसन और अनिरुद्ध रविचंदर ने वहीं पे विक्रम जो टाइटल रखे उसको लिखा हुआ है विष्णु इडावन ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर तीसरा गाना था वेस्टेड जिसके लिरिक्स लिखे हुए हिजनबर्ग ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर चौथा गाना था पोरकांडा सिंगम जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे विष्णु इडवान ने और सिंगर थे रवि जी पांचवा गाना था वंस ऑफो ने टाइम जिसके लिरिक्स लिखे हुए सन बर्क ने और सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंद्र और ठीक ये सभी चीज़ें तेलुगु वर्जन के लिए भी इन गानों को रिक्रिएट किया गया था जहाँ पे कुछ लिरिसिस्ट और सिंगर अलग थे इन गानों के हिंदी ट्रांसलेशन में जो टाइटल थे उसके बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पे पहला था बदले बदले रेप एक्सटेंडेड वर्जन जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राकेब आलम ने रेप लिखे लिरिक्स लिखे हुए थे रफ्तार ने सिंगर थे कमल हसन और रफ्तार दूसरा गाना था बदले बदले जिसके लिरिक्स राकेब आलम ने लिखे हुए थे सिंगर थे कमल हसन तीसरा गाना था विक्रम टाइटल ट्रेक जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे अनिरुद्ध रविचंदर और, और सिद्धार्थ महादेव ने उनको गाया हुआ था चौथा गाना था वेस्टेड जिसके लिरिक्स हेसनबर्ग ने लिखे हुए थे सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर पांचवा गाना एक शेर हो तुम जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राकीब आलम ने और सिंगर थे जुबिन नोटियाल छठा गाना था वन सफोने टाइम जिसके लिरिक्स लिखे हुए बर्ग ने और सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर तो इस तरह से हिंदी वर्जन के भी ट्रैक को क्रिएट किया गया था और इन गानों को डिसेंट रिस्पांस मिला था और जब ये गाने फिल्म के साथ चढ़ चल दिखाई दिए थे फीचर हुए थे तब लोगों के सभी चीज़ें और भी बेहतर वे में पसंद आई थी और इसके बाद में फिल्म की मार्केटिंग की गई थी जहाँ पे फिल्म के टीज़र ट्रेलर ऑडियो लॉन्च किया गया था सात नवंबर 2021 हज़ार इक्कीस को कमल हसन के बर्थडे के मौके के ऊपर सभी चीज़ों को लॉन्च किया गया था उसके बाद में धीरे धीरे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत इस फिल्म की मार्केटिंग और साथ ही में रियलिटी शो के तहत भी जैसे कि हिंदी में कपिल शर्मा शो के तहत भी फिल्म के प्रमोशन को किया गया था अब इस फिल्म की कहानी के ऊपर हम बातचीत करें तो इस फिल्म की कहानी में आपको काफी सारे किरदार देखने को मिलते दे, पहले उसके बारे में डिटेलिंग दे देता हूं कमल हसन आपको कमांडर अरुण कुमार विक्रम के रोल में दिखाई देंगे ए के एजेंट विक्रम जो एक चीफ है 1987, जो पायलट ब्लैक स्कॉड था उसके और वो एक इनकोगिटो के तौर पर कर्न के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा विजय सेतुपति आपको शांतनम के रोल में दिखाई देंगे जो एक ड्रग लॉर्ड और लीडर है जो वेट्टी वाइग्रन गेंग है उसका लीडर है इसके अलावा फाद फासिल आपको एजेंट अमर के रोल में दिखाई देंगे जो ब्लैक ऑफ स्कॉड का कमांडर है नरेंद्र ने इंस्पेक्टर विजय का रोल प्ले किया हुआ है दर्शन ने विक्रम जूनियर का रोल प्ले किया हुआ है जो विक्रम के ग्रैंड सन है वहीं पे चम्बन विनोद जोश ने पुलिस चीफ जोश का रोल प्ले किया हुआ है कालिदास जयराम को ए सी का रोल दिया गया है जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वहीं से वो बिलोंग करते है जहाँ पे वो विक्रम के बेटे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शांतना भारती ने एजेंट उपिला का रोल प्ले किया हुआ है जो एक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट है नाइनटीन जो पायलट ब्लैक ब्लैकोड है उसके लिए जिसका जिम ओनर के तौर पर इनको डिग तो टाइटल दिया गया था इन गालो इलंको कुमारवेल आपको एजेंट लॉरेंस के रोल में दिखाई देंगे जो वेपन स्पेशलिस्ट थे नाइनटी का जो पायलट ब्लैक स्कोड है उसके लिए और वो एक कैब ड्राइवर का रोल प्ले कर रहे थे इनकोगेटो के मोड़ के ऊपर इसके अलावा वासंती को इस फिल्म में एजेंट टीना का रोल दिया गया है जो साइकोलॉजिकल वारफेयर स्पेशल एजेंट थी जहाँ पे वो नाइनटी एटीन पायलट ब्लैक की स्कॉड में शामिल थी जिन्होंने वालि का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डोमेस्टिक हेल्पर है इसके अलावा गायत्री शंकर ने इस फिल्म में गायत्री अमर का रोल प्ले किया हुआ है जो अमर की वाइफ है स्वस्तिका कृष्णन ने प्रभंजन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है जो विक्रम की डॉटर इन लो है जी मारे मुथू आपको कमिश्नर पुलिस नागराज के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे अरुल डोज रुद्र प्रताप के रोल में दिखाई देंगे गौतम सुंदर राजन को वीरा पांड्यन का रोल दिया गया है माया एस कृष्णन ने इस फिल्म में एक एस्कोट का रोल प्ले किया हुआ है महेश्वरी चाणक्यन ने इस फिल्म में शांतनम की फर्स्ट वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है शिवानी नारायण ने शांतनम सेकंड वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है नंदी ने सांतानम की थर्ड वाइफ का रोल प्ले किया संपत के मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है रमेश तिलक आपको इलांगा के रोल में दिखाई देंगे जो वेट्टी वाइगन के मेंबर है विनोद भी मुन्ना के रोल में दिखाई देंगे वो भी वेट्टी वाइगन का जो मेंबर है वहीं पे जाफिर सदीक श्री कुमार अरुण धाई वो सभी लोग जैसे कि अनिश पदमा वो सभी लोग आ, मेंबर के रोल में दिखाई देंगे जहाँ पे श्री कुमार अलुदोस आपको ब्लैक ऑफ स्क्वाड के मेंबर के तौर पे दिखाई देंगे जहां पर सदीक विनोद आपको वेटरी वाइगर रन के स्कोड में दिखाई देंगे सॉरी गैंग गे, में दिखाई देंगे अनिस पद्मनाभन आपको ब्लैक सॉफ स्कॉड में देखने को मिलेंगे वहीं पे पौंडी रवि को पुलिस ऑफिसर का रोल दिया गया था सूर्य का एक एक्सटेंडेड केम्योपीरेंस है जो क्लाइमेक्स में आता है पूरी फिल्म में जो रोलेक्स नाम लिया जाता है वो उनका ही किरदार रहता है बाद में किंग पिन जो ली इनलीगल ड्रग रेकेड है वो वही चला रहे हैं तो उनका जो ड्रग्स का नुकसान हुआ है जिस उनके साथ जो जुड़े हुए हैं जो केजी फिल्म से बिलोंग करते हैं उसमें अर्जुन दास हरीश उथामन धीना हरीश पेडाडी मोनिका और दिल्ली यानी कार थी तो उनके सभी किरदार मैंने बता दिए जैसे कि अनबू अदय कलम कामाची स्टीफन राज अमुदा और दिल्ली तो इतने एक्टरों को कैदी फिल्म से भी रिप्राइस किया हुआ है तो इस फिल्म की को जो पहले कैदी फिल्म में जो ड्रग्स चोरी होता है जिसको दिल्ली एक जगह से दूसरी जगह बचा के ले आता है ये सभी चीजें आपको जो देखने को मिलती है वो इस फिल्म के साथ कनेक्टेड है वो सभी चीजें वो जो ड्रग्स है वो रोलेक्स का था वहीं पे इस फिल्म में जो ड्रग्स चोरी होता है वो विजय सेतुपति का बताया जाता है बाद में आखिर में पता चलता है कि वो भी रोलेक्स का है तो रोलेक्स ने काफ़ी घाटा खाया हुआ है जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा खुखार हो चुका है और उसके बाद में फिल्म को एंड कर दिया जाता है तब देखते हैं कि विक्रम 2 में किस तरह से इन सभी चीज़ों को डेवलप किया जा सा है कहानी के ऊपर बातचीत करें तो एक फिल्म की कहानी है वो एक हेवी ऐसा ड्रग कंटेनर रहता है वो चेन्नई से मिसिंग होता है वो और ड्रग कंटेनर के मालिक थे शांतनम और वो रोल प्ले कर रहे विजय सेतुपति जो ह्यूजली अपसेट है इस रोबरी के चलते बाद में इस केस को क्रैक करने के लिए एक अंडर कवर कॉप को बुलाया जाता है जिसका नाम है अमर जिसका रोल प्ले कर रहे फाद फासिल जब वो इस सीन में आते हैं तो अब इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये रोबरी कोई नोटरिस किलिंग में, मास्क मैन है उसके द्वारा की जा रही है और वो सिटी में काफ़ी सारे ऐसे क्राइम कर रहा है और उसका कनेक्शन सीधा एक ड्रंकड़ पियकड़ आदमी है कर्नन उसके साथ जुड़ा हुआ है और वो रोल प्ले करे कमल हसन तो अब ये कर्नन कौन है उसकी बैक स्टोरी क्या है वो किस तरह से इस माफिया सेटअप के साथ इन्वॉल्व है वही सब सवालों के जाओ फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है इस फिल्म की इस कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है फिल्म की कहानी में काफ़ी डिटेलिंग है काफ़ी लेयर है जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश किया हुआ है सभी कैरेक्टर को जिस तरह से बारीकी डिटेल के साथ लिखा हुआ है जिस तरह से छोटे से छोटे किरदार का फिल्म में इंपॉर्टेंट दिखाया हुआ है तो कहानी में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई थी उतनी बेहतरीन वे में डायरेक्टर ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी लिखा हुआ है उनके नेरेशन की तारीफ़ करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आता है फाथ फासल इस फिल्म में एक मीठी रोल प्ले कर रहे हैं उन्होंने अपने पार्ट को काफ़ी बेहतरीन तरीके से निभाया हुआ है वो काफ़ी जगह जगह पर एक सबल परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते और अपने डायलॉग डिलीवरी अपनी इमोशनल परफॉर्मेंस के थ्रू वो फिल्म में सभी ऑडियंस को अच्छी तरह से एंगेज और कनेक्ट करके रखते है विजय सेतुपति इस फिल्म में जिस तरह से एक माफिया डोन का रोल प्ले कर रहे हैं उनको देखने देखते समय आपको जरूर अच्छा लगेगा जहाँ पे वो ड्रग्स वाले सीन लेते जहाँ पे वो ड्रग्स का एक टेबलेट लेके मुंह में दबा लेते उसके बाद में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है विजय सेतुपति के जो फेशियल एक्सप्रेशन थे बॉडी लैंग्वेज थी स्क्रीन प्रेजेंस था उनके जो डायलॉग डिलीवरी थी खास करके वो जो और डायलॉग डिलीवरी थोड़ी अलग डायलॉग डिलीवरी देखने को मिलती है वो हिंदी वर्जन में नहीं पता चलेगा अगर तमिल वर्जन देखोगे तो आपको वो डायलॉग डिलीवरी फील होगी तो वो सभी चीज़ों में उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई और और भी बेहतर लगर आ रही नज़र आ रही थी उस किरदार को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया हुआ है अपने छोटे से किरदार के साथ वो फिल्म में काफ़ी बेहतरीन इम्पेक्ट क्रिएट करने में कामयाब रहे थे हालाँकि उनका किरदार बेटर वे में लिखा जा सकता था लेकिन जिससे सा भी किरदार लिखा उसके ऊपर उनका काम ज़्यादा अच्छा था इसके अलावा उनके जितने भी फाद फ़ासिल और कमल हसन के साथ सीन फिल्माए गए कंट्रंटेशन के वो काफ़ी लाजवाब है उसका एग्जीक्यूशन काफ़ी बढ़िया और परफेक्ट नज़र आ रहा था इस फिल्म के एक और मेजर प्लस पॉइंट है वो है अनिरुद्ध रविचंदर उनका बैकग्राउंड स्कोर सेकंड हाफ में जिस तरह से उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर के साथ सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए वो अनदर लेवल पे फिल्म के कुछ सीन्स सा आपको शायद थोड़े बहुत बोरिंग और डल नज़र आ सकते थे लेकिन इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इतना अव्वल दर्जे का है इतना बेहतरीन है जिस वजह से ये सभी चीज़ें और एक लेवल पे अप चली जाती है और वो सभी चीजों की मेज का कमी खलती नहीं है लास्ट बट नोट द लेस्ट कमल हसन उन्होंने इस फिल्म में ऐसा कम किया हुआ है चौक काफ़ी बढ़िया है उनका ये एक्शन अवतार इस एज में जिस तरह से वो एक्शन अवतार कर रहे हैं उनकी डायलॉग डिलीवरी उनका बॉडी लैंग्वेज अलग अलग सेट्स उनके देखने को मिलते हैं जिस तरह से अपने किरदार में जो पंच वो मारते वो सभी चीज़ें काफ़ी पावरफुल थी उनका ये पावर पैक परफॉर्मेंस आपको ज़रूर पसंद आएगा सेकेंड हाफ़ में उन्होंने जिस तरह से एक्शन ब्लॉक क्रिएट किए हुए वो सभी सुपरभ है ये सभी चीज़ें न्यूट्रल ऑडियंस और फैंस को खास करके पसंद आएगी हाँ फिल्म के फर्स्ट हाफ से ऑडियंस कुछ ऑडियंस ऐसी है इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में जिस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है जिस तरह से स्टोरी को इस्टेब्लिश किया हुआ है कैरेक्टर को इस्टेब्लिश किया हुआ है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया जाता है जिसके चलते कुछ लोगों को वो सभी चीज़ें स्लो या थोड़ी बोरिंग लग सकती है लेकिन अगर शांति से बैठ के देखोगे तो वो स्क्रीन प्ले को इस तरह से लिखा जाता है जिसके चलते सेकंड हाफ़ आप में आपको ज़रा भी रेस्ट करने का टाइम नहीं रहता है फिल्म का सेकंड हाफ पूलॉन एक्शन से भरपूर है जहाँ पे इमोशनल एक्शन ड्रामा वो सभी चीज़ों का एक परफेक्ट मिश्रण रखा हुआ है और क्लाइमेक्स में तो फिल्म फाड़ देती है फिल्म का इंटरवल क्लाइमेक्स इतना दमदार है जिसके चलते आपको ये सभी चीज़ें जरूर पसंद आएगी फिल्म के छोटे से छोटे किरदार को जिस तरह से हमारे सामने कैरेक्टराइज करेक्टराइज करके दिखाया हुआ है जिस तरह से उनको पेश किया गया है वो सभी चीज़ें भी अच्छा खासा गुस्बर क्रिएट कर देती हैं इस फिल्म का जो बीजेम है वो काफ़ी ज़्यादा टॉप नोट था जिस वजह से वो सभी चीज़ें और बेहतर नजर आती है कैमरा वर्क काफी अव्वल दर्जे का था इस तरह के डार्क थीम में जिस तरह से कम कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो लाजवाब था फिल्म के जो क्लाइमेक्स है सेकंड हाफ ही ले लो इंटरवल ब्लॉक है जहां पे जिस तरह से कैमरा चलाया गया है फाइटिंग सिक्वेंस के तहत वो लाजवाब था वो वैसा कैमरा वर्क मैंने अभी तक कोई फिल्मों में नहीं देखा हुआ है इस फिल्म में उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से उन सभी चीजों को दिखाया हुआ है सूर्या का जिस तरह से क्लाइमेक्स में एक छोटा सा इंट्रो दिखाया जाता है वो पूरी तरह से इस फिल्म में विलन का किरदार में जो सेटअप सेट किया हुआ था उसमें एक हाई परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहते हैं उनका जो केमी ऑपिरन्स है फिल्म को चार चांद लगा देता है और वो रोलेक्स वाले किरदार में काफी जच रहे थे वो एक खुखार ड्रेडेड क्रिमिनल नजर आ रहे थे इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रोडक्शन डिजाइन है उसको काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे सभी चीज़ें रियल नज़र आ रही थी लाइटिंग का अच्छा यूज है कलर टोन बढ़िया तरीके से फिल्म के डायलॉग काफी नीट रखे हुए हैं जहाँ पे एक्शन सीन्स में तो काफ़ी ज्यादा स्पेशल में एक्शन सीन्स में तो काफ़ी नीट डायलॉग सुनने को मिलते हैं इसके अलावा जो इमोशनल डायलॉग है इस दूसरे कुछ डायलॉग्स है उसमें काफ़ी आपको अहमियत पता चलेगी उन डायलॉग्स की और वो डायलॉग्स काफ़ी देवते वाले क्रिएट किए हुए इस फिल्म में जिस तरह तो से क्लाइमैक्स देखने को मिलता है सूर्या देखने को मिलता है वो ऑडियंस को एक हाई पॉइंट पर ला रख देता है और वो सेकंड हाफ देखने की उत्सुकता और बढ़ा देता है हाँ फिल्म के फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत छोटा किया जा सकता था तो शायद जो ऑडियंस को सभी चीज़ें इग्नोर इग्नोरेंस लग रही थी वो नहीं लगती कुछ रिपीटेड सीन्स को भी काट सकते थे अदरवाइज बाकी टोटली totally फिल्म इतनी परफेक्ट है जिसमें कोई भी कामी नहीं है फिल्म की स्टोरी फिल्म का स्क्रीन प्ले फिल्म का डायलॉग फिल्म की राइटिंग इसके अलावा फिल्म का कैमरा वर्क म्यूजिक डायरेक्शन इसके अलावा फ़िल्म की जो ट्विस्ट और टर्नस है वो सभी चीज़ें इतनी परफेक्ट है जिस वजह से इस फिल्म को काफ़ी मज़बूती वे में टेक्निकल परफॉर्मेंसेस सभी तरह से मजबूत फिल्म माना जाएगा तो ये एक्शन थ्रिलर फिल्म आपको मिस नहीं करनी चाहिए जहाँ पे फिल्म का ड्रामा एक्शन इमोशंस सभी चीज़ें परफेक्ट वे में एग्जीक्यूट हुए हैं फिल्म के इमोशन इतने बेहतरीन है जो एक्शन देखते समय आपको ज़रूर महसूस होंगे इस फिल्म को जरूर स्टार्ट नोट के स्लो नोट के साथ स्टार्ट किया जाता है लेकिन फिल्म को जिस तरह से धीरे धीरे गियर अप किया जाता है तो एक्शन पे एक का सेकंड आप आपको जरूर एंटरटेन करेगा कमल हसन का कम आपको जरूर पसंद आएगा फाद फासिल कमल हसन और विजय सेतुपति तीनों में से एक तो ऐसा रहता है जो स्क्रीन पर आपको हमेशा देखने को मिलेगा जिसके चलते फिल्म का स्क्रीन प्ले को जरूर पसंद आएगा तो ये फिल्म मिस नहीं करनी चाहिए अगर नहीं देखी हो तो जरूर देखनी चाहिए अब रिलीज के ऊपर बातचीत करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म को यूए सर्टिफिकेट के साथ 174 मिनट के रन टाइम के साथ 3 जून 2022 को मेजर तेलुगु फिल्म और साथ ही में आ, हिंदी फिल्म पृथ्वीराज के साथ रिलीज़ किया गया था सम्राट पृथ्वीराज के साथ तो फिल्म को हिंदी वर्जन में थोड़े स्क्रीन्स कम मिले थे लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने सभी वर्जन में धमाका मचाया हुआ है जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स के ऑडियंस की तरफ से इतने ज़्यादा पॉजिटिव और साथ ही में इतने बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते फिल्म इतना बढ़िया तरीके से वर्क करे कि फिल्म ने वीकेंड काफ़ी लंबा लिया होता था खास करके तमिल वर्जन से फिल्म इतना बेहतरीन वे में कलेक्शन करके दे रही थी जिसके चलते फिल्म ने कुछ ही दिनों में प्रॉफिटेबल बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था इस फिल्म में टोटल आई पे छब्बीस वोट मिले हुए जिसमें आठ आठ की हाई रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इस फिल्म को कितना ज़्यादा पसंद आया था इस फिल्म को कितना पॉजिटिव बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया हुआ है और ये भी विक्रम फिल्म कमल हसन के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई वन ऑफ द हाईएस्ट क्या सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली फिल्म उनके करियर की साबित हुई है जहाँ पे कमल हसन के डायरेक्टर यानी कि इस फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनक ने जो उनके फैन भी है उन्होंने एक परफेक्ट ट्रिब्यूट दिया हुआ है इस फिल्म का बजट करीबन एक से एक करोड़ था तो उस बजट के सामने फिल्म ने करीब साढ़े चार सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन निकाला हुआ है जहाँ पे तमिलनाडु से फिल्म में काफी ने काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था हिंदी वर्जन में कम प्राइस में बेचा हुआ था जिसके चलते हिंदी वर्जन में फिल्म हिट साबित हुई थी जिस तरह से फिल्म ने कलेक्शन किया था वो चौका देने वाला था इस फिल्म ने तमिलनाडु से ही पच्चीस करोड़ का पहले दिन कलेक्शन किया हुआ था केरला से पाँच करोड़ का कर्नाटक से चार करोड़ का आंध्र प्रदेश से पौने चार करोड़ का तेलंगाना से डेढ़ करोड़ का वहीं पर टोटल जो इंडिया का कलेक्शन था वो चौंतीस करोड़ था पहले दिन के कलेक्शन की बात कर रहा हूँ और इसमें चौबीस करोड़ था तो दोनों का मिला के अट्ठावन करोड़ और इस फिल्म ने जरूर काफी बेहतरीन रिस्पांस हासिल किया है लोगों ने उतनी उम्मीदें नहीं लगाई हुई थी इस फिल्म ने हंड्रेड करोड़ का क्लब सिर्फ दो दिन में पार किया हुआ था जो काबिल तारीफ है फिल्म ने दो दिनों में सौ करोड़ पचहत्तर लाख का इंडिया में कलेक्शन क्या हुआ था जहाँ पे ओवरसीज का टोटल कलेक्शन पचास करोड़ था इस तरह से फिल्म ने पहला वीकेंड है वो डेढ़ सौ से एक सौ सत्तर करोड़ का लिया हुआ था जहाँ पे तमिलनाडु से तिरासी करोड़ बीस करोड़ केरला से तेरह करोड़ कर्नाटका से सोलह करोड़ तेलुगु लैंग्वेज स्पीकिंग स्टेट से और बाकी के साढ़े पाँच करोड़ नॉर्थ इंडिया रेस्ट ऑफ इंडिया से कलेक्ट किए हुए थे तेलुगु कन्नडा हिंदी मलयालम जितने नॉर्थ इंडिया में स्क्रीन्स मिली थी उससे इस फिल्म का ओपनिंग वीकेंड काफ़ी मजबूत था जिसके चलते यूएसए में भी तेरह करोड़ तेईस लाख का ओपनिंग विकेट लिया गया था वहीं पे चार करोड़ का यूके में और ऑस्ट्रेलिया में साढ़े तीन करोड़ का इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया वो काफ़ी खतर, खतरनाक था वो डे बाय डे और बेहतर कलेक्शन कर रही थी जिसके चलते फिल्म ने दो करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सिर्फ सात दिनों में हासिल किया था फिल्म ने चौथे दिन में ही 2.10 मिलियन रसिया से कलेक्ट किए हुए थे दो मिलियन डॉलर मिडल ईस्ट से कलेक्ट किए हुए थे एक मिलियन डॉलर मलेशिया से कलेक्ट किए हुए थे और पॉइंट मिलियन सिंगापुर से कलेक्ट किए हुए थे नॉर्वे और रशिया में इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे भी फिल्म ने अच्छा खासा रिस्पेक्टेड टोटल हासिल किया था पहले वीक में तो इस तरह से फिल्म ने पहले वीक ने दो करोड़ का कॉल कलेक्शन किया और ये हाईएस्ट ग्रोसिंग तमिल फिल्म साबित हुई थी 2022 की जहां पे बेस्ट फिल्म को आसानी से सरपास कर दिया था जहां पे फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया वो 4 जून 2022 तक 436 करोड़ तक पहुंच गया था और वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग तमिल फिल्मों में से एक फ़िल्म साबित हुई तो फिलहाल में ये फिल्म करीबन साढ़े चार आठ सौ करोड़ के आसपास की फिल्म बन चुकी है जहाँ पे हिंदी वर्जन उतना चला नहीं अगर हिंदी वर्जन चलता दूसरी फिल्मों के मुकाबले तो ये फ़िल्म हज़ार करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार कर सकती थी लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने जितना लंबा रन लिया हुआ है जिस तरह से कलेक्शन किया हुआ है वो काबिले तारीफ है जिस तरह से विक्रम फिल्म के साथ लोकेश कनगराज ने एक बढ़िया ट्रिब्यूट दिया हुआ है कमल हसन जी को साथ ही में कमल हसन जी का जो कम बैक देखने को मिलता है जो अपने करियर की ग्रोसिंग फिल्म इस फिल्म के साथ देते वो सभी चीज़ें फिल्म के लिए और बेहतर साबित होती है अब विक्रम टू का जो मार्केट में बर्ज है वो काफ़ी हाई है तब तो देखते हैं कि उस फिल्म के साथ किस तरह का काम रहता है तो इस फिल्म को अब देखना हो तो कहाँ पे कैसे देख सकते हो उसके ऊपर डिटेलिंग दे देते हैं इस फिल्म के सैटेलाइट और ओ राइट्स के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं जहाँ पे फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज के बाद सैटेलाइट और ओ राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने ख़रीदे हुए सभी वर्जनस के लिए जहाँ पे करीबन 112 करोड़ रुपए उन्होंने पे किए हुए फरवरी 2022 में इसके राइट्स बेचे गए थे तो थिएट्रिकल रिलीज़ के एक महीने पहले इस फिल्म के राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे 112 करोड़ में फिल्म के तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन के राइट्स बेचे गए थे अगर ये फिल्म रिलीज़ होती उसके बाद बेचते तो और ज़्यादा मिलते लेकिन उससे पहले बेच दिए थे उसके बावजूद एक करोड़ मिले हुए जिसके राइट्स स्टार इंडिया नेटवर्क के पास है तो ये फिल्म आपको तमिल हिंदी तेलुगु कन्नड़ा मलयालम वर्जन में डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास डिजनी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है तो विक्रम फिल्म सभी वर्जन में देख सकते हो जहाँ पे हिंदी और तेलुगु वर्जन में विक्रम हिट लिस्ट के नाम से देखने को मिलेगी बाकी जो तीन लैंग्वेज है तमिल कन्नडा मलयालम उसमें विक्रम नाम दिया हुआ है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्टार नेटवर्क के पास इस फिल्म के राइट्स है तो ये फिल्म आपको ओ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन विक्रम नाम से तमिल मलयालम कन्नड़ा वर्जन में वहीं पे विक्रम हिट लिस्ट नाम से हिंदी और तेलुगु वर्जन में फिल्म देखने को मिलेगी इसके अलावा सेटेलाइट राइट्स से वो हिंदी वर्जन के खरीदे हुए स्टार गोल्ड वालों ने तो ये फिल्म आपको सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर विक्रम हिटलिस्ट नाम से बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप सैटेलाइट और ओ दोनों वजन फिल्म के एंजॉय कर सकते हो सभी वजन जैसे कि तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम के लिए विक्रम जो 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है विक्रम फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया गया था जहां पर विक्रम फिल्म को तमिल मलयालम और कन्नड़ा में सेम नाम दिया गया था वहीं पर तेलुगू और हिंदी वर्जन में विक्रम हिट लिस्ट नाम से फिल्म को रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया है वो एल यू यूनिवर्स का हिस्सा है यानी कि लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स तो लोकी सिनेमेटिक यूनिवर्स लोकेश कनक राज जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने क्रिएट किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म का जो 986 वाला वर्जन है विक्रम जो आ, कमल हसन की सबसे पहली विक्रम फिल्म थी उससे कैरेक्टर लिया हुआ है के फिल्म से इस फिल्म को कनेक्ट किया हुआ है लिंक किया हुआ है उसके बाद में विक्रम टू के लिए जिस तरह से कहानी छोड़ी हुई है वो सभी चीज़ें इस फिल्म के यूनिवर्स को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल में लोकेस्ट सिनेमेटिक यूनिवर्स की सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी बहस चल रही है ये एक एक्शन थ्रिलर जोनर वाली फिल्म थी जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन सभी चीजें लोकेश कनक ने की हुई है जहाँ पे डायलॉग्स में उनको रत्ना कुमार ने मदद की हुई थी प्रोड्यूसर कमल हसन और आर महेंद्रन हैं जिन्होंने राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म की कास्ट की बात करें तो कमल हसन विजय सेतुपति फाद फासिल आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे नरेन, दर्शन चंबन विनोद जोश कालिदास जयराम संतना भारती इंगव कुमारवेल वसंती गायत्री शंकर जी मारीमुथु अरुलदोस स्वस्तिका कृष्णन गौतम सुंदरराजन माया एस कृष्णन महेश्वरी चाणक्यन आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे वहीं पे शिवानी नारायण म्याना नंदिनी संपत राम गोकुलनाथ रमेश तिलक विनोद जाफर सद्दीकी श्री कुमार अरुणोदयन अनिस पदमाभना पोंडी रवि आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके अलावा सूर्या का रोलेक्स के रोल में केम्यो अपीरियंस है तो ये इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इसके अलावा अर्जुन दास हरीश उथामन धिना हरीश पिराड़ी मोनिका आपको इस फिल्म में केम्यो अपीरियंस में देखने को मिलेंगे जिन्होंने केदी फिल्म से अपने रोल को रिप्राइज किया हुआ है जहाँ पे अर्जुन दास का रोल था अन्बू हरीश उदय अडाई कलम धीना का रोल था कामाची हरीश पेराडी ने स्टीफन राज का रोल प्ले किया हुआ था मोनिका ने अमुधा का रोल प्ले किया हुआ था जो कनक राज है लोकेश कनक राज उनकी 2019 की केजी फिल्म आई थी जिसमें कार्तिक का रोल दिल्ली था ओवरऑल भी इस फिल्म में आपको वॉइस ओवर के रूप में देखने को मिलता है तो उस फिल्म से इस किरदार को इतने किरदार को लिया गया था जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सीन के लिए इस फिल्म का जो लोकी यूनिवर्स है उसको क्रिएट करने के लिए वो सभी चीजें कनेक्ट की हुई थी इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी गिरीश गंधारन ने की हुई है एडिटिंग की हुई फिलोमिन राज ने म्यूजिक दिया हुआ अनिरुद्ध रविचंदर ने जिन्होंने फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इतना बेहतरीन है जिसके चलते वो काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ है नाइनटीन एटी सिक्स के जो विक्रम का एक टाइटल ट्रैक था उसको लेके भी फिल्म का एक बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है इस फिल्म में टोटल आपको पाँच गाने सुनने को मिलेंगे जिसको तमिल तेलुगु हिंदी तीनों वर्जन के लिए क्रिएट किया हुआ है और इन गानों के राइट्स खरीदे हुए सोनी म्यूजिक वालों ने जिन्होंने अच्छी खासी प्राइज में फिल्म के इन गानों के राइट्स खरीदे हुए हैं एडिटिंग की फिल्म इनराज ने जिन्होंने फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे चौवन मिनट की देखने को मिलेगी करीबन करीबन तीन घंटे की इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया है फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है रेड जाइंट मूवीज ने तमिल वर्जन के लिए और हिंदी वर्जन के लिए पेन मूवीज ने इस फिल्म को पेन मरुदगर स्टूडियो के तहत डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तो फिल्म के पास डिस्ट्रीब्यूटर भी काफी ज्यादा थे लेकिन तीन जून को काफी बड़ी बड़ी फिल्में आई थी तेलुगू की तरफ से आई थी मेजर पेन इंडिया फिल्म थी वहीं पे विक्रम तमिलनाडु की तरफ से और हिंदी की तरफ से पृथ्वीराज चौहान नाम से पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज नाम से अक्षय कुमार की एक पेन इंडिया फिल्म आई थी टोटल तीन ऐसी पेन इंडिया फिल्म थी जो एक ही दिन पर रिलीज़ की गई थी जिसके चलते स्क्रीन्स बहुत ही लिमिटेड मिले थे सभी वर्जन्स के अलग अलग स्टेट में उसके बावजूद फिल्म ने सभी फिल्मों ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया सिर्फ पृथ्वीराज को छोड़ के इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो लोकेश कनगराज वैसे भी कमल हसन के बहुत बड़े फैन है तो वो उनके लिए एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे उनके साथ मिलकर एक फिल्म बनाना चाहते थे और उन्होंने ये सभी चीज़ें कई बार कही हुई थी उन्होंने इससे पहले सत्या वीरो जैसी फिल्मों में उन उनके साथ काम कर उन उनके वो काम के वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे जिसके चलते वो डायरेक्टर बनना चाहते थे बाद में डायरेक्टर बनने के बाद वो एक सही प्रोजेक्ट की तलाश में थे जिसके चलते बाद में उनको ये प्रोजेक्ट मिला विक्रम का और उन्होंने सोचा कि इस फिल्म में उनके साथ ये फिल्म बनाने वाले इससे पहले उनकी दो में एक स्क्रिप्ट थी उन्होंने रजनीकांत को नेरेट की थी दिसंबर दो में लेकिन उस स्क्रिप्ट के ऊपर बाद में काम नहीं हुआ धलाई 169 के नाम के साथ मार्च 2020 में उसको शेड्यूल किया गया था लॉन्च किया गया था लेकिन कोविड नाइन्टीन की वजह से इसी चीज़ें काफ़ी डिले हो गई और उसके बाद में लोकेश कनक ने डिफरेंट प्रोजेक्ट और अनाउंस किया जहाँ पे उन्होंने बताया कमल हसन उस फिल्म के लीड रोल में सितंबर 2020 में उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी ऑफिशियल पोस्टर वो 16 सितंबर 2020 को रिलीज किया गया था टेंटेटिव टाइटल रखा गया था कमल हसन टू थर्टी फोर सॉरी टू थर्टी टू यानी कि दो तो सौ बत्तीसवीं कमल हसन की फिल्म है जिस वजह से टाइटल को टेंटेटिव टाइटल यही रखा गया था और उसके बाद में इस फिल्म का जो गाना है जैसे कि विश्व विश्व रूपम से लिया गया था जो प्रमोशनल टीज़र है उसमें यूज़ किया गया था जहाँ पे अक्टूबर 2020 में चेन्नई में टीज़र को वो लॉन्च किया गया था उसके बाद में कोविड 19 के रेगुलेशन को फॉलो करते हुए फिल्म की शूटिंग को लेट किया गया है जहाँ पे एक्टर्स के बर्थडे के ऊपर यानी कि कमल हसन के बर्थडे के मौके पर सात नवंबर 2020 को इस फिल्म का टाइटल टीजर रिवील किया गया था जहां पे कमल हसन के ऊपर एक प्रॉपर टाइटल टीजर रिवील किया गया था जिसमें बताया गया था फिल्म का टाइटल है विक्रम और ये फिल्म का टाइटल ऑलरेडी कमल हसन ने इस टाइटल के साथ उन्नीस में एक फिल्म की हुई थी तब लोगों को नहीं पता था कि उस फिल्म के साथ इस फिल्म का कनेक्शन है उस फिल्म का जो कमल हसन का किरदार है ठीक वही किरदार इस फिल्म में वो रिफ्राइस करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को पोस्टपोन किया गया कोविड की वजह से बाद में प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था जहाँ पे फिल्म के अलग अलग लोकेशन के ऊपर फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और कास्टिंग में भी फिल्म की कास्टिंग में काफ़ी लंबा समय लगा था 2018 से लेकर 2021 तक फिल्म की कास्टिंग चली थी डिफरेंट दिफ्रन, डिफरेंट एक्टर को लेकर जहाँ पे लीड रोल के लिए विजय सेतुपति और फाद फासिल कमल हसन के साथ जुड़े और इतने बड़े नाम जुड़ने के कारण फिल्म और भी ज़्यादा चर्चित हो गई फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 16 जुलाई 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पे फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो 6 अगस्त को रखा गया था उसके बाद में इस फिल्म के अलग अलग लोकेशन पे शूटिंग स्टार्ट की गई थी तो कोविड 19 के चलते फिल्म की शूटिंग में बहुत कम क्रू मेंबर थे जितने भी थे उसको विक्सनाइज करना यानी कि प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते फिल्म का शेड्यूल शूट किया गया था जिसमें काफ़ी टाइम लगा हुआ था फिल्म का सेकंड शेड्यूल था वो 19 सितंबर 2021 में शूट किया गया था चेन्नई में वहीं पे फिल्म का सेकंड शेड्यूल है उसको रेपअप करने में 2 अक्टूबर 2021 आ चुका था 13 अक्टूबर से फिल्म का तीसरा शेड्यूल स्टार्ट किया गया था जिसको शूट करने में काफ़ी लंबा समय गया था जहाँ पे दो ऐसे सिक्वेंस है जिसको तमिलनाडु पुलिस म्यूजियम में चार दिनों के लिए शूट किया गया था जहाँ पे 24-25 अक्टूबर के ये दो दिन थे और बाद में 27-28 अक्टूबर को शूटिंग की गई थी इस लोकेशन के ऊपर उसके बाद में ऑफिशियल परमिशन डिनाइड होने के बाद फिल्म की शूटिंग को दूसरी जगह पर रखने के लिए पोस्टपोन किया गया था सत्रह नवंबर दो को फिल्म का एक महीने वाला लंबा शेड्यूल कोयम्बतर में रखा गया था जहाँ पे कमल हसन सेतुपति और फासिल तीनों उस शेड्यूल में शामिल थे कोमल कमल हसन को कोविड नाइन्टीन होने की वजह से फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा बाद में उनको यूएस ले गया ले जाया गया यूएस में कुछ शूटिंग थी वो पोर्शन कंप्लीट किया गया उसके बाद में फिल्म का जो एक पचास डैमेज कार वाला एक सीक्वेंस था उसको शूट करने के लिए पूरा शेड्यूल सेट किया गया था बाद में फ़िल्म को आखिरी में दिसंबर 2021 में एक शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे कुछ एक्शन सीक्वेंस कुछ चीज़ें बाकी थी उसको कंप्लीट करवाया गया इस तरह से फिल्म के अलग अलग शेड्यूल को सेट किया गया था कुछ शेड्यूल में कमल हसन सेतुपति को साथ में रखा गया था जहाँ पे पाँच फरवरी दो का फाइनल शेड्यूल था वहाँ पर वो क्लाइमैक्स वाला पोर्सन है वहीं पर शूट किया गया था उन दोनों के बीच में और उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से रेप अप करने में एक मार्च 2022 आ चुका था उसके बाद में फ़िल्म के पोस्ट प्रोडक्शन म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग वीएफएक्स इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया और बाद में फिल्म का फाइनल कट किया गया म्यूज़िक के बारे में बात करें तो सोनी म्यूज़िक के पास इस फिल्म के राइट्स है गानों के जहाँ पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट के दोनों को उन्होंने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म और दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर इन गानों को अवेलेबल किया हुआ है इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था अलबाकर रिकॉर्ड चेन्नई और किरमोस इंडोर स्टूडियो चेन्नई में इंदोर स्टूडियो में इस फिल्मों के गानों को रिकॉर्ड किया गया था 15 मई 2022 को सोनी म्यूजिक के द्वारा इन गानों को अवेलेबल किया गया था जिसके म्यूजिक को क्रिएट किया हुआ है निरुद्रा रविचंदन ने फिल्म में टोटल पांच गाने पहला गाना है पथला पथला जिसके लिरिक्स लिखे हुए कमल हसन ने गाया हुआ है कमल हसन और अनिरुद्ध रविचंदर ने वहीं पे विक्रम जो टाइटल रेखे उसको लिखा हुआ है विष्णु इडावन ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर तीसरा गाना था वेस्टेड जिसके लिरिक्स लिखे हुए हिजनबर्ग ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर चौथा गाना था पोरकांडा सिंगम जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे विष्णु इडवान ने और सिंगर थे रवि जी पांचवा गाना था वंस ऑफ ऑन ए टाइम जिसके लिरिक्स लिखे हुए है सन बर्क ने और सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंद्र और ठीक ये सभी चीज़ें तेलुगु वर्जन के लिए भी इन गानों को रिक्रिएट किया गया था जहाँ पे कुछ लिरिसिस्ट और सिंगर अलग थे इन गानों के हिंदी ट्रांसलेशन में जो टाइटल थे उसके बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पे पहला था बदले बदले रेप एक्सटेंडेड वर्जन जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राकीब आलम ने रेप लिखे लिरिक्स लिखे हुए थे रफ्तार ने सिंगर थे कमल हसन और रफ्तार दूसरा गाना था बदले बदले जिसके लिरिक्स राकेब आलम ने लिखे हुए थे सिंगर थे कमल हसन तीसरा गाना था विक्रम टाइटल ट्रेक जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राकीब आलम और अनिरुद्ध रविचंदर और सिद्धार्थ महादेव ने उनको गाया हुआ था चौथा गाना था वेस्टेड जिसके लिरिक्स हेसनबर्ग ने लिखे हुए थे सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर पांचवा गाना एक शेर हो तुम जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राखीब आलम ने और सिंगर थे जुबिन नोटियाल छठा गाना था वंस ऑफ ए टाइम जिसके लिरिक्स लिखे हुए हेसनबर्ग ने और सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर तो इस तरह से हिंदी वर्जन के भी ट्रैक को क्रिएट किया गया था और इन गानों को डिसेंट रिस्पांस मिला था और जब ये गाने फिल्म के साथ चढ़ दिखाई दिए थे फीचर हुए थे तब लोगों के सभी चीज़ें और भी बेहतर वे में पसंद आई थी और इसके बाद में फिल्म की मार्केटिंग की गई थी जहाँ पे फिल्म के टीज़र ट्रेलर ऑडियो लॉन्च किया गया था सात नवंबर 2021 हज़ार इक्कीस को कमल हसन के बर्थडे के मौके के ऊपर सभी चीज़ों को लॉन्च किया गया था उसके बाद में धीरे धीरे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत इस फिल्म की मार्केटिंग और साथ ही में रियलिटी शो के तहत भी जैसे कि हिंदी में कपिल शर्मा शो के तहत भी फिल्म के प्रमोशन को किया गया था अब इस फिल्म की कहानी के ऊपर हम बातचीत करें तो इस फिल्म की कहानी में आपको काफी सारे किरदार देखने को मिलते दे, पहले उसके बारे में डिटेलिंग दे देता हूँ कमल हसन आपको कमांडर अरुण कुमार विक्रम के रोल में दिखाई देंगे ए के एजेंट विक्रम जो एक चीफ है 1987, जो पायलट ब्लैक था उसके और वो एक इनकोटो के तौर पे कर्न के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा विजय सेतुपति आपको शांतनम के रोल में दिखाई देंगे जो एक ड्रग लोड और लीडर है जो वेट्टी वाइग्रन गेंग है उसका लीडर है इसके अलावा फाद फासिल आपको एजेंट अमर के रोल में दिखाई देंगे जो ब्लैक ऑफ स्कोड का कमांडर है नरेंद्र ने इंस्पेक्टर विजय का रोल प्ले किया हुआ है दर्शन ने विक्रम जूनियर का रोल प्ले किया हुआ है जो विक्रम के ग्रैंड सन है वहीं पे चम्बन विनोद जोश ने पुलिस चीफ जोश का रोल प्ले किया हुआ है कालिदास जयराम को ए सी का रोल दिया गया है जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वहीं से वो बिलोंग करते हैं जहाँ पे वो विक्रम के बेटे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शांतना भारती ने एजेंट उपिलापन का रोल प्ले किया हुआ है जो

वारफेयर स्पेशल एजेंट थी जहाँ पे वो नाइनटी स्पाइलोट पायलट ब्लैक की स्कोड में शामिल थी जिन्होंने वालिमल का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डोमेस्टिक हेल्पर है इसके अलावा गायत्री शंकर ने इस फिल्म में गायत्री अमर का रोल प्ले किया हुआ है जो अमर की वाइफ है स्वस्तिका कृष्णन ने प्रभंजन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है जो विक्रम की डॉटर इन लो है जी मारे मुथू आपको कमिश्नर पुलिस नागराज के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे अरुल डोज रुद्र प्रताप के रोल में दिखाई देंगे गौतम सुंदर राजन को वीरा पांडेन का रोल दिया गया माया एस कृष्णन ने इस फिल्म में एक एस्कोर्ट का रोल प्ले किया हुआ है महेश्वरी चाणक्यन ने इस फिल्म में शांतनम की फर्स्ट वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है शिवानी नारायण ने शांतनम की सेकंड वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है म्यानानंदी ने शांतानम की थर्ड वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे संपत राम ने इस फिल्म में संपत के मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है जो वैगन वेट्टी गेंगे उसके मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है गोकुलनाथ ने वेट्टी वाइगन के मेम्बर का रोल प्ले किया हुआ है रमेश तिलक आपको इलांगा के रोल में दिखाई देंगे जो वेट्टी वाइगन के मेम्बर है विनोद भी मुन्ना के रोल में दिखाई देंगे वो भी वेट्टी वाइगन का जो मेंबर है वहीं पे जाफिर सदीक श्री कुमार अरुण धई वो सभी लोग जैसे कि अनिश पद्माना बन, वो सभी लोग आ, मेंबर के रोल में दिखाई देंगे जहाँ पे श्री कुमार अलुदोस आपको ब्लैक ऑफ स्कोड के मेंबर के तौर पे दिखाई देंगे जहाँ पे सदीक विनोद आपको वेटरी वाइगर रन के स्कॉड में दिखाई देंगे सॉरी गैंग गे, में दिखाई देंगे अनिश पद्मनाभन आपको ब्लैक स्कॉड में देखने को मिलेंगे वहीं पे पौंडी रवि को पुलिस ऑफिसर का रोल दिया गया था सूर्य का एक एक्सटेंडेड केम्योपीरेंस है जो क्लाइमेक्स में आता है पूरी फिल्म में जो रोलेक्स नाम लिया जाता है वो उनका ही किरदार रहता है बाद में किंग पिन जो इनलीगल ड्रग रेकेड है वो वही चला रहे हैं तो उनका जो ड्रग्स का नुकसान हुआ है जिस उनके साथ जो जुड़े हुए हैं जो केजी फिल्म से बिलोंग करते हैं उसमें अर्जुन दास हरीश उथामन धीना हरीश पेडाडी मोनिका और दिल्ली यानी कि कार थी तो उनके सभी किरदार मैंने बता दिए जैसे कि अनबू अदय कलम कामाची स्टीफन राज अमुदा और दिल्ली तो इतने एक्टरों को कैदी फिल्म से भी रिप्राइस किया हुआ है तो इस फिल्म की को जो पहले कैदी फिल्म में जो ड्रग्स चोरी होता है जिसको दिल्ली एक जगह से दूसरी जगह बचा के ले आता है ये सभी चीजें आपको जो देखने को मिलती है वो इस फिल्म के साथ कनेक्टेड है वो सभी चीजें वो जो ड्रग्स है वो रोलेक्स का था वहीं पर इस फिल्म में जो ड्रग्स चोरी होता है वो विजय सेतुपति का बताया जाता है बाद में आखिर में पता चलता है कि वो भी रोलेक्स का है तो रोलेक्स ने काफ़ी घाटा खाया हुआ है जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा खुखार हो चुका है और उसके बाद में फिल्म को एंड कर दिया जाता है तब देखते हैं कि विक्रम टू में किस तरह से इन सभी चीज़ों को डेवलप किया जा सा है कहानी के ऊपर बातचीत करें तो एक फिल्म की कहानी है वो एक हेवी ऐसा ड्रग कंटेनर रहता है वो चेन्नई से मिसिंग होता है वो वो ड्रग कंटेनर के मालिक थे शांतानम और वो रोल प्ले कर रहे विजय सेतुपति जो ह्यूजली अपसेट है इस रोबरी के चलते बाद में इस केस को क्रैक करने के लिए एक अंडरकवर कोप कॉप को बुलाया जाता है जिसका नाम है अमर जिसका रोल प्ले करे फाज फासिल जब वो इस सीन में आते हैं तो अब इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये रोबरी कोई नोटरिस किलिंग में, मास्क मैन है उसके द्वारा की जा रही है और वो सिटी में काफ़ी सारे ऐसे क्राइम कर रहा है और उसका कनेक्शन सीधा एक ड्रंकड पियक्ड आदमी है कर्नन उसके साथ जुड़ा हुआ है और वो रोल प्ले करे कमल हसन तो अब ये कर्नन कौन है उसकी बैक स्टोरी क्या है वो किस तरह से इस माफिया सेटअप के साथ इन्वॉल्व है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है इस फिल्म की इस कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है फिल्म की कहानी में काफ़ी डिटेलिंग है काफ़ी लेयर है जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश किया हुआ है सभी कैरेक्टर को जिस तरह से बारीकी डिटेल के साथ लिखा हुआ है जिस तरह से छोटे से छोटे किरदार का फिल्म में इंपॉर्टेंट दिखाया हुआ है तो कहानी में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई थी उतनी बेहतरीन वे में डायरेक्टर ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी लिखा हुआ है उनके नेरेशन की तारीफ़ करनी पड़ेगी काफ़ी ज्यादा मजबूत नजर आता है फाद इस फिल्म में एक मीठी रोल प्ले कर रहे हैं उन्होंने अपने पार्ट को काफी बेहतरीन तरीके से निभाया हुआ है वो काफी जगह जगह पर एक सबल परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते है और अपने डायलॉग डिलीवरी अपनी इमोशनल परफॉर्मेंस के थ्रू वो फिल्म में सभी ऑडियंस को अच्छी तरह से एंगेज और कनेक्ट करके रखते हैं विजय सेतुपति इस फिल्म में जिस तरह से एक माफिया डॉन का रोल प्ले कर रहे हैं उनको देखने देखते समय आपको ज़रूर अच्छा लगेगा जहाँ पे वो ड्रग्स वाले सीन ले रहे थे जहाँ पर वो ड्रग्स का एक टेबलेट लेके मुंह में दबा लेते उसके बाद में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है विजय सेतुपति के जो फेशियल एक्सप्रेशन थे बॉडी लैंग्वेज थी स्क्रीन प्रेजेंस था उनके जो डायलॉग डिलीवरी थी खास करके वो जो और डायलॉग डिलीवरी थोड़ी अलग डायलॉग डिलीवरी देखने को मिलती है वो हिंदी वर्जन में नहीं पता चलेगा अगर तमिल वर्जन देखोगे तो आपको वो डायलॉग डिलीवरी फील होगी तो वो सभी चीज़ों में उन्होंने काफ़ी मेहनत किए हुई है और, और भी बेहतर लगर आ रही नज़र आ रही थी उस किरदार को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंसिएट किया हुआ है अपने छोटे से किरदार के साथ वो फिल्म में काफ़ी बेहतरीन इम्पेक्ट क्रिएट करने में कामयाब रहे थे हालाँकि उनका किरदार बेटर वे में लिखा जा सकता था लेकिन जिस शेसा भी किरदार लिखा उसके ऊपर उनका काम ज़्यादा अच्छा था इसके अलावा उनके जितने भी फाद फ़ासिल और कमल हसन के साथ सीन फिल्माए गए कंसंटेशन के वो काफ़ी लाजवाब है उसका एग्जीक्यूशन काफ़ी बढ़िया और परफेक्ट नज़र आ रहा था इस फिल्म के एक और मेजर प्लस पॉइंट है वो है अनिरुद्ध रविचंदर उनका बैकग्राउंड स्कोर सेकंड हाफ़ में जिस तरह से उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर के साथ सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए वो अनदर लेवल पे फिल्म के कुछ सीन्स आपको शायद थोड़े बहुत बोरिंग और डल नज़र आ सकते थे लेकिन इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इतना अव्वल दर्जे का है इतना बेहतरीन है जिस वजह से ये सभी चीज़ें और एक लेवल पे अप चली जाती है और वो सभी चीजों की मेज का कमी खलती नहीं है लास्ट बट नॉट द लेस्ट कमल हसन उन्होंने इस फिल्म में ऐसा कम किया हुआ है जो काफ़ी बढ़िया है उनका ये एक्शन अवतार इस एज में जिस तरह से वो एक्शन अवतार कर रहे हैं उनकी डायलॉग डिलीवरी उनका बॉडी लैंग्वेज अलग अलग सेट्स उनके देखने को मिलते हैं जिस तरह से अपने किरदार में जो पंच वो मारते वो सभी चीज़ें काफ़ी पावरफुल थी उनका ये पावर पे परफॉर्मेंस आपको ज़रूर पसंद आएगा सेकंड हाफ में उन्होंने जिस तरह से एक्शन ब्लॉक क्रिएट किए हुए वो सभी सुपरभ है ये सभी चीज़ें न्यूट्रल ऑडियंस और फैंस को खास करके पसंद आएगी हाँ फिल्म के फर्स्ट हाफ से ऑडियंस कुछ ऑडियंस ऐसी है इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में जिस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है जिस तरह से स्टोरी को स्टेब्लिश किया हुआ है कैरेक्टर को स्टेब्लिश किया हुआ है उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लिया जाता है जिसके चलते कुछ लोगों को वो सभी चीजें स्लो या थोड़ी बोरिंग लग सकती है लेकिन अगर शांति से बैठ के देखोगे तो वो स्क्रीन प्ले को इस तरह से लिखा जाता है जिसके चलते सेकंड हाफ आप में आपको जरा भी रेस्ट करने का टाइम नहीं रहता है फिल्म का सेकंड हाफ ऑन एक्शन से भरपूर है जहाँ पे इमोशनल एक्शन ड्रामा वो सभी चीज़ों का एक परफेक्ट मिश्रण रखा हुआ है और क्लाइमेक्स में तो फिल्म फाड़ देती है फिल्म का इंटरवल क्लाइमेक्स इतना दमदार है जिसके चलते आपको ये सभी चीज़ें ज़रूर पसंद आएगी फिल्म के छोटे से छोटे किरदार को जिस तरह से हमारे सामने कैरेक्टराइज करेक्टराइज करके दिखाया हुआ है जिस तरह से उनको पेश किया गया है वो सभी चीज़ें भी अच्छा खासा गुस्बर क्रिएट कर देती हैं इस फिल्म का जो बीजेम है वो काफ़ी ज़्यादा टॉप नोट था जिस वजह से वो सभी चीज़ें और बेहतर नजर आती है कैमरा वर्क काफ़ी अव्वल दर्जे का था इस तरह के डार्क थीम में जिस तरह से कम कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो लाजवाब था फिल्म के जो क्लाइमेक्स है सेकंड हाफ ही ले लो इंटरवल ब्लॉक है यहाँ पे जिस तरह से कैमरा चलाया गया फाइटिंग सिक्वेंस के तहत वो लाजवाब था वो वैसा कैमरा वर्क मैंने अभी तक कोई फिल्मों में नहीं देखा हुआ है इस फिल्म में उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से उन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है सूर्या का जिस तरह से क्लाइमेक्स में एक छोटा सा इंट्रो दिखाया जाता है वो पूरी तरह से इस फिल्म में विलन का किरदार में जो सेटअप सेट किया हुआ था उसमें एक हाई परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहते हैं उनका जो किम्यू ऑपिरस है फिल्म को चार चांद लगा देता है और वो रोलेक्स वाले किरदार में काफ़ी जज रहे थे वो एक खुखार ड्रेडेड क्रिमिनल नज़र आ रहे थे इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रोडक्शन डिजाइन है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे सभी चीज़ें रियल नज़र आ रही थी लाइटिंग का अच्छा यूज़ है कलर टोन बढ़िया तरीके से फिल्म के डायलॉग काफी नीट रखे हुए हैं जहाँ पे एक्शन सीन्स में तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल मैं एक्सन एक्शन सीन्स में तो काफ़ी नीट डायलॉग सुनने को मिलते हैं इसके अलावा जो इमोशनल डायलॉग है दूसरे कुछ डायलॉग्स है उसमें काफ़ी आपको अहमियत पता चलेगी उन डायलॉग्स की और वो डायलॉग्स काफी देवते वाले क्रिएट किए हुए इस फिल्म में जिस तरह तो से क्लाइमेक्स देखने को मिलता है सूर्या देखने को मिलता है वो ऑडियंस को एक हाई पॉइंट पर ला रख देता है और वो सेकंड हाफ देखने की उत्सुकता और बढ़ा देता है हाँ फिल्म के फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत छोटा किया जा सकता था तो शायद जो ऑडियंस को सभी चीज़ें इग्नोर इग्नोरेंस लग रही थी वो नहीं लगती कुछ रिपीटेड सीन्स को भी काट सकते थे अदरवाइज बाकी टोटली totally फिल्म इतनी परफेक्ट है जिसमें कोई भी कामी नहीं है फिल्म की स्टोरी फिल्म का स्क्रीन प्ले फिल्म का डायलॉग फिल्म की राइटिंग इसके अलावा फिल्म का कैमरा वर्क म्यूजिक डायरेक्शन इसके अलावा फिल्म की जो ट्विस्ट और टर्नस है वो सभी चीज़ें इतनी परफेक्ट है जिस वजह से इस फिल्म को काफ़ी मजबूती वे में टेक्निकल परफॉर्मेंसेस सभी तरह से मजबूत फिल्म माना जाएगा तो ये एक्शन थ्रिलर फिल्म आपको मिस नहीं करनी चाहिए जहाँ पे फिल्म का ड्रामा एक्शन इमोशंस सभी चीजें परफेक्ट वे में एग्जीक्यूट हुए हैं फिल्म के इमोशन इतने बेहतरीन है जो एक्शन देखते समय आपको जरूर महसूस होंगे इस फिल्म को जरूर स्टार्ट नोट के स्लो नोट के साथ स्टार्ट किया जाता है लेकिन फिल्म को जिस तरह से धीरे धीरे गियर अप किया जाता है तो एक्शन पे एक सेकंड आप आपको जरूर एंटरटेन करेगा कमल हसन का कम आपको जरूर पसंद आएगा फात फासिल कमल हसन और विजय सेतुपति तीनों में से एक तो ऐसा रहता है जो स्क्रीन पर आपको हमेशा देखने को मिलेगा जिसके चलते फिल्म का स्क्रीन आपको जरूर पसंद आएगा तो ये फिल्म मिस नहीं करनी चाहिए अगर नहीं देखी हो तो जरूर देखनी चाहिए अब रिलीज के ऊपर बातचीत करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म को यूए सर्टिफिकेट के साथ 174 मिनट के रन टाइम के साथ 3 जून 2022 को मेजर तेलुगु फिल्म और साथ ही में आ, हिंदी फिल्म पृथ्वीराज के साथ रिलीज किया गया था सम्राट पृथ्वीराज के साथ तो फिल्म को हिंदी वर्जन में थोड़े स्क्रीन्स कम मिले थे लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने सभी वर्जन में धमाका मचाया हुआ है जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स के ऑडियंस की तरफ से इतने ज़्यादा पॉजिटिव और साथ ही में इतने बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते फिल्म इतना बढ़िया तरीके से वर्क करे कि फिल्म ने वीकेंड काफ़ी लंबा लिया हुआ था खास करके तमिल वर्जन से फिल्म इतना बेहतरीन वे में कलेक्शन करके दे रही थी जिसके चलते फिल्म ने कुछ ही दिनों में प्रॉफिटेबल बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था इस फिल्म में टोटल आई एम डी वी पे छब्बीस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट आठ की हाई रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इस फिल्म को कितना ज़्यादा पसंद आया था इस फिल्म को कितना पॉजिटिव बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया हुआ है और ये भी विक्रम फिल्म कमल हसन के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म साबित हुई वन ऑफ द हाईएस्ट क्या सबसे ज्यादा हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली फिल्म उनके करियर की साबित हुई है जहाँ पे कमल हसन के डायरेक्टर यानी कि इस फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने जो उनके फैन भी है उन्होंने एक परफेक्ट ट्रिब्यूट दिया हुआ है इस फिल्म का बजट करीबन 120 से 650 करोड़ था तो उस बजट के सामने फिल्म करीबन साढ़े चार सौ करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन निकाला हुआ है जहाँ पे तमिलनाडु से फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था हिंदी वर्जन में कम प्राइस में बेचा हुआ था जिसके चलते हिंदी वर्जन में फिल्म हिट साबित हुई थी जिस तरह से फिल्म ने कलेक्शन किया था वो चौंका देने वाला था इस फिल्म ने तमिलनाडु से ही पच्चीस करोड़ का पहले दिन कलेक्शन किया हुआ था केरला से पाँच करोड़ का कर्नाटक से चार करोड़ का आंध्र प्रदेश से पौने चार करोड़ का तेलंगाना से डेढ़ करोड़ का वहीं पर टोटल जो इंडिया का कलेक्शन था वो चौंतीस करोड़ था पहले दिन के कलेक्शन की बात कर रहा हूँ और चौबीस करोड़ था तो दोनों का मिला के अट्ठावन करोड़ और सिस में इस फिल्म ने जरूर काफी बेहतरीन रिस्पांस हासिल किया है लोगों ने उतनी उम्मीदें नहीं लगाई हुई थी इस फिल्म ने हंड्रेड करोड़ का क्लब सिर्फ दो दिन में पार किया हुआ था जो काबिल है फिल्म ने दो दिनों में सौ करोड़ पचहत्तर लाख का इंडिया में कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे ओवरसीज का टोटल कलेक्शन पचास करोड़ था इस तरह से फिल्म ने पहला वीकेंड वो डेढ़ सौ से एक सौ सत्तर करोड़ का लिया हुआ था जहाँ पे तमिलनाडु से तिरासी करोड़ बीस करोड़ केरला से तेरह करोड़ कर्नाटका से सोलह करोड़ तेलुगु लैंग्वेज स्पीकिंग स्टेट से और बाकी के साढ़े पाँच करोड़ नॉर्थ इंडिया रेस्ट ऑफ इंडिया से कलेक्ट किए हुए थे तेलुगु कन्नडा हिंदी मलयालम जितने नॉर्थ इंडिया में स्क्रीन्स मिली थी उससे इस फिल्म का ओपनिंग वीकेंड काफ़ी मजबूत था जिसके चलते यूएसए में भी तेरह करोड़ तेईस लाख का ओपनिंग विकेट लिया गया था वहीं पे चार करोड़ का यूके में और ऑस्ट्रेलिया में साढ़े तीन करोड़ का इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया वो काफ़ी खतर, खतरनाक था वो डे बाय डे और बेहतर कलेक्शन कर रही थी जिसके चलते फिल्म ने दो करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सिर्फ सात दिनों में हासिल किया था फिल्म ने चौथे दिन में ही 2.10 मिलियन रसिया से कलेक्ट किए हुए थे दो मिलियन डॉलर मिडल ईस्ट से कलेक्ट किए हुए थे एक मिलियन डॉलर मलेशिया से कलेक्ट किए हुए थे और पॉइंट मिलियन सिंगापुर से कलेक्ट किए हुए थे नॉर्वे और रशिया में इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे भी फिल्म ने अच्छा खासा रिस्पेक्टेड टोटल हासिल किया था पहले वीक में तो इस तरह से फिल्म पहले वीक में ने दो करोड़ का करोड़ कलेक्शन किया और ये हाईएस्ट ग्रोसिंग तमिल फिल्म साबित हुई थी 2022 की जहां पे बेस्ट फिल्म को आसानी से सरपास कर दिया था जहां पे फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया वो 4 जून 2022 तक 436 करोड़ तक पहुंच गया था और वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग तमिल फिल्मों में एक फिल्म साबित हुई तो फिलहाल में ये फिल्म करीबन साढ़े चार सौ करोड़ के आसपास की फिल्म बन चुकी है, तो है कलेक्शन किया हुआ है वो काबिल तारीफ है जिस तरह से विक्रम फिल्म के साथ लोकेश कनक ने एक बढ़िया ट्रिब्यूट दिया हुआ है कमल हसन जी को साथ ही में कमल हसन जी का जो एक कम देखने को मिलता है जो अपने करियर की हाइएस्ट ग्रोथिंग फिल्म इस फिल्म के साथ दे थे वो सभी चीज़ें फिल्म के लिए और बेहतर साबित होती है अब विक्रम का का जो मार्केट में बज है है वो काफ़ी हाई है, तो देखते हैं कि उस फिल्म के साथ किस तरह का काम रहता है तो इस फिल्म को अब देखना हो तो कहां पे कैसे देख सकते हो उसके ऊपर डिटेलिंग दे देते हैं इस फिल्म के सैटेलाइट और ओ राइट्स के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं जहां पर फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज के बाद सेटेलाइट और ओ राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए सभी वर्जन के लिए जहाँ पे करीबन 112 करोड़ रुपए उन्होंने पे किए हुए फरवरी 2022 में इसके राइट्स बेचे गए थे तो थिएट्रिकल रिलीज़ के एक महीने पहले इस फिल्म के राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे 112 करोड़ में फिल्म के तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन के राइट्स बेचे गए थे अगर ये फिल्म रिलीज़ होती उसके बाद बेचते तो और ज़्यादा मिलते लेकिन उससे पहले बेच दिए थे उसके बावजूद एक करोड़ मिले हुए जिसके राइट स्टार इंडिया नेटवर्क के पास है तो ये फिल्म आपको तमिल हिंदी तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्जन में डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास डिजनी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है तो विक्रम फिल्म सभी वर्जन में देख सकते हो जहाँ पे हिंदी और तेलुगु वर्जन में विक्रम हिट लिस्ट के नाम से देखने को मिलेगी बाकी जो तीन लैंग्वेज है तमिल कन्नडा मलयालम उसमें विक्रम नाम दिया हुआ है तो एक विक्रम जो 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है विक्रम फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया गया था जहाँ पर विक्रम फिल्म को तमिल मलयालम और कन्नड़ा में सेम नाम दिया गया था वहीं पर तेलुगू और हिंदी वर्जन में विक्रम हिट लिस्ट नाम से फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया है वो एल सी यू यूनिवर्स का हिस्सा है यानी कि लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स तो लोकी सिनेमेटिक यूनिवर्स लोकेश कनक राज जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने क्रिएट किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म का जो 986 वाला वर्जन है विक्रम जो आ, कमल हसन की सबसे पहली विक्रम फिल्म थी उससे कैरेक्टर लिया हुआ है केदी फिल्म से इस फिल्म को कनेक्ट किया हुआ है लिंक किया हुआ है उसके बाद में विक्रम टू के लिए जिस तरह से कहानी छोड़ी हुई है वो सभी चीज़ें इस फिल्म के यूनिवर्स को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल में लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स की सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी बहस चल रही है ये एक एक्शन थ्रिलर जोनर वाली फिल्म थी जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन सभी चीजें लोकेश कनकराज ने की हुई है जहाँ पे डायलॉग्स में उनको रत्ना कुमार ने मदद की हुई थी प्रोड्यूसर कमल हसन और आर महेंद्रन है जिन्होंने राज कमल फिल्म इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म की कास्ट की बात करें तो कमल हसन विजय सेतुपति फाद फासिल आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे नरेन, दर्शन चंबन विनोद जोश कालिदास जयराम संतना भारती इंगव कुमारवेल वसंती गायत्री शंकर जी मारीमुथु दोस स्वस्तिका कृष्णन गौतम सुंदरराजन माया एस कृष्णन महेश्वरी चाणक्यन आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे वहीं पे शिवानी नारायण म्याना नंदिनी संपत राम गोकुलनाथ रमेश तिलक विनोद जाफर सद्दीकी श्री कुमार अरुणोदयन अनिस पदमा भना पोंडी रवि आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके अलावा सूर्या का रोलेक्स के रोल में केम्यो अपीरियंस है तो ये इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने फिल्म में इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इसके अलावा अर्जुन दास हरीश उथामन धिना हरीश पिराडी मोनिका आपको इस फिल्म में केम्यू अपीरियंस में देखने को मिलेंगे जिन्होंने कैदी फिल्म से अपने रोल को रिप्राइज किया हुआ है जहाँ पे का का रोल था का था अडाई कलम धीना का रोल था कामाची हरीश पेराडी ने स्टीफन राज का रोल प्ले किया हुआ था मोनिका ने अमुदा का रोल प्ले किया हुआ था जो कनक राज है लोकेश कनक राज उनकी 2019 की केजी फिल्म आई थी जिसमें कार्तिक का रोल दिल्ली था वोवरॉल भी इस फिल्म में आपको वॉइस ओवर के रूप में देखने को मिलता है तो उस फिल्म से इस किरदार को इतने किरदार को लिया गया था जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सीन के लिए इस फिल्म का जो लोकी यूनिवर्स है उसको क्रिएट करने के लिए वो सभी चीज़ें कनेक्ट की हुई थी इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी गिरीश गंधारन ने की हुई है एडिटिंग की हुई फिलोमिन राज ने म्यूजिक दिया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदर ने जिन्होंने फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इतना बेहतरीन है जिसके चलते है, वो काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ है नाइनटीन एटी के जो विक्रम का एक टाइटल ट्रैक था उसको लेके भी फिल्म का एक बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है इस फिल्म में टोटल आपको पाँच गाने सुनने को मिलेंगे जिसको तमिल तेलुगु हिंदी तीनों वर्जन के लिए क्रिएट किया हुआ है और इन गानों के राइट्स खरीदे हुए सोनी म्यूजिक वालों ने जिन्होंने अच्छी खासी प्राइज में फिल्म के इन गानों के राइट्स खरीदे हुए हैं एडिटिंग की फिल्म इनराज ने जिन्होंने फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है

वहीं पे विक्रम तमिलनाडु की तरफ से और हिंदी की तरफ से पृथ्वीराज चौहान नाम से पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज नाम से अक्षय कुमार की एक पेन इंडिया फिल्म आई थी टोटल तीन ऐसी पेन इंडिया फिल्म थी जो एक ही दिन पे रिलीज़ की गई थी जिसके चलते स्क्रीन्स बहुत ही लिमिटेड मिले थे सभी वर्जन्स के अलग अलग स्टेट में उसके बावजूद फिल्म ने सभी फिल्मों ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया सिर्फ पृथ्वीराज को छोड़ के इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो लोकेश कनगराज वैसे भी कमल हसन के बहुत बड़े फैन हैं तो वो उनके लिए एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे उनके साथ मिलकर एक फिल्म बनाना चाहते थे और उन्होंने ये सभी चीज़ें कई बार कही हुई थी उन्होंने इससे पहले सत्या वीरो जैसी फिल्मों में उन उनके साथ आ, काम कर उन, उनके वो काम के वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे जिसके चलते वो डायरेक्टर बनना चाहते थे बाद में डायरेक्टर बनने के बाद वो एक सही प्रोजेक्ट की तलाश में थे जिसके चलते बाद में उनको ये प्रोजेक्ट मिला विक्रम का और उन्होंने सोचा कि इस फिल्म में उनके साथ ये फिल्म बनाने वाले इससे पहले उनकी दो में एक स्क्रिप्ट थी उन्होंने रजनीकांत को नेरिट की थी दिसंबर दो में लेकिन उस स्क्रिप्ट के ऊपर बाद में काम नहीं हुआ धलाई 169 वन सिक्सटी नाइन के नाम के साथ मार्च दो हज़ार बीस में उसको शेड्यूल किया गया था लॉन्च किया गया था लेकिन कोविड नाइन्टीन की वजह से चीज़ें काफ़ी डिले हो गई और उसके बाद में लोकेश कनक राज ने डिफरेंट प्रोजेक्ट एक और अनाउंस किया जहाँ पे मैं उन्होंने बताया कमल हसन उस फिल्म के लीड रोल में सितंबर 2020 में उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी ऑफिशियल पोस्टर वो 16 सितंबर 2020 को रिलीज किया गया था टेंटेटिव टाइटल रखा गया था कमल हसन टू थर्टी फोर सॉरी टू थर्टी टू यानी कि दो तो सौ बत्तीसवीं कमल हसन की फिल्म है जिस वजह से टाइटल को टेंटेटिव टाइटल यही रखा गया था और उसके बाद में इस फिल्म का जो गाना है जैसे कि विश्व विश्व रूपम से लिया गया था जो प्रमोशनल टीज़र है उसमें यूज़ किया गया था जहाँ पे अक्टूबर 2020 में चेन्नई में टीज़र को वो लॉन्च किया गया था उसके बाद में कोविड 19 के रेगुलेशन को फॉलो करते हुए फिल्म की शूटिंग को लेट किया गया जहाँ एक्टर्स के बर्थडे के ऊपर यानी कि कमल हसन के बर्थडे के मौके पर सात नवंबर 2020 को इस फिल्म का टाइटल टीजर रिवील किया गया था जहां पे कमल हसन के ऊपर एक प्रॉपर टाइटल टीजर रिवील किया गया था जिसमें बताया गया था फिल्म का टाइटल है विक्रम और ये फिल्म का टाइटल ऑलरेडी कमल हसन इस टाइटल के साथ न उन्नीस में एक फिल्म की हुई थी तब लोगों को नहीं पता था कि उस फिल्म के साथ इस फिल्म का कनेक्शन है उस फिल्म का जो कमल हसन का किरदार है ठीक वही किरदार इस फिल्म में वो रिप्राइस करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को पोस्टपोन किया गया कोविड की वजह से बाद में प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था जहाँ पे फिल्म के अलग अलग लोकेशन के ऊपर फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और कास्टिंग में भी फिल्म की कास्टिंग में काफ़ी लंबा समय लगा था 2018 से लेकर 2021 तक फिल्म की कास्टिंग चली थी डिफरेंट डिफरेंट एक्टर को लेकर जहाँ पे लीड रोल के लिए विजय सेतुपति और फाद फासिल कमल हसन के साथ जुड़े और इतने बड़े नाम जुड़ने के कारण फिल्म और भी ज़्यादा चर्चित हो गई फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 16 जुलाई 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पे फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो 6 अगस्त को रखा गया था उसके बाद में इस फिल्म के अलग अलग लोकेशन पे शूटिंग स्टार्ट की गई थी तो कोविड नाइन्टीन के चलते फिल्म की शूटिंग में बहुत कम क्रू मेंबर थे जितने भी थे उसको वैक्सीनाइज करना यानी कि प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते फिल्म का शेड्यूल शूट किया गया था जिसमें काफ़ी टाइम लगा हुआ था फिल्म का सेकंड शेड्यूल था वो 19 सितंबर 2021 में शूट किया गया था चेन्नई में वहीं पे फिल्म का सेकंड शेड्यूल है उसको रेपअप करने में 2 अक्टूबर 2021 आ चुका था 13 अक्टूबर से फिल्म का तीसरा शेड्यूल स्टार्ट किया गया था जिसको शूट करने में काफ़ी लंबा समय लगाया था जहाँ पे दो ऐसे सिक्वेंस है जिसको तमिलनाडु पुलिस म्यूजियम में चार दिनों के लिए शूट किया गया था जहाँ पे 24-25 अक्टूबर के ये दो दिन थे और बाद में 27-28 अक्टूबर को शूटिंग की गई थी इस लोकेशन के ऊपर उसके बाद में होने के बाद फिल्म की शूटिंग को एक महीने वाला लंबा हसन सेतुपति और फासिल तीनों उस शेड्यूल में शामिल थे कोमल कमल हसन को कोविड नाइन्टीन होने की वजह से फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा बाद में उनको यूएस ले गया ले जाया गया यूएस में कुछ शूटिंग थी वो पोर्सन कम्प्लीट किया गया उसके बाद में फिल्म का जो एक पचास डैमेज कार वाला एक सीक्वेंस था उसको शूट करने के लिए पूरा शेड्यूल सेट किया गया था बाद में फ़िल्म को आखिरी में दिसंबर 2021 में एक शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे कुछ एक्शन सीक्वेंस कुछ चीज़ें बाकी थी उसको कंप्लीट करवाया गया इस तरह से फिल्म के अलग अलग शेड्यूल को सेट किया गया था कुछ शेड्यूल में कमल हसन सेतुपति को साथ में रखा गया था जहाँ पे पाँच फरवरी दो का फाइनल शेड्यूल था वहाँ पर वो क्लाइमेक्स वाला पोर्सन है वहीं पर शूट किया गया था उन दोनों के बीच में और उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से रेप अप करने में एक मार्च 2022 आ चुका था उसके बाद में फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग वीएफएक्स इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया और बाद में फिल्म का फाइनल कट किया गया म्यूज़िक के बारे में बात करें तो सोनी म्यूजिक के पास इस फिल्म के राइट्स है गानों के जहाँ पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट के दोनों को उन्होंने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म और दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर इन गानों को अवेलेबल किया हुआ है इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था अलबाकर रिकॉर्ड चेन्नई और किरमोस योर स्टूडियो चेन्नई में इन दो स्टूडियो में इस फिल्मों के गानों को रिकॉर्ड किया गया था 15 मई 2022 को सोनी म्यूजिक के द्वारा इन गानों को अवेलेबल किया गया था जिसके म्यूजिक को क्रिएट किया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदन ने फिल्म में टोटल टो पांच गाने पहला गाना है पथला पथला जिसके लिरिक्स लिखे हुए कमल हसन ने गाया हुआ है कमल हसन और अनिरुद्ध रविचंदर ने वहीं पे विक्रम जो टाइटल रेखे उसको लिखा हुआ है विष्णु इडावन ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर तीसरा गाना था वेस्टेड जिसके लिरिक्स लिखे हुए हिजनबर्ग ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर चौथा गाना था पोरकांडा सिंगम जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे विष्णु इडवान ने और सिंगर थे रवि जी पांचवा गाना था वंस ऑपोन ए टाइम जिसके लिरिक्स लिखे हुए हैं सन बर्क ने और सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंद्र और ठीक ये सभी चीज़ें तेलुगु वर्जन के लिए भी इन गानों को रिक्रिएट किया गया था जहाँ पे कुछ लिरिसिस्ट और सिंगर अलग थे इन गानों के हिंदी ट्रांसलेशन में जो टाइटल थे उसके बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पे पहला था बदले बदले रेप एक्सटेंडेड वर्जन जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राकेब आलम ने रेप लिखे लिरिक्स लिखे हुए थे रफ्तार ने सिंगर थे कमल हसन और रफ्तार दूसरा गाना था बदले बदले जिसके लिरिक्स राकेब आलम ने लिखे हुए थे सिंगर थे कमल हसन तीसरा गाना था विक्रम टाइटल ट्रेक जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राकीब आलम और अनिरुद्ध रविचंदर और सिद्धार्थ महादेव ने उनको गाया हुआ था चौथा गाना था वेस्टेड जिसके लिरिक्स हेसनबर्ग ने लिखे हुए थे सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर पांचवा गाना एक शेर हो तुम जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राकीब आलम ने और सिंगर थे जुबिन नोटियाल छठा गाना था वंस ऑफ ऑन टाइम जिसके लिरिक्स लिखे हुए हेसनबर्ग ने और सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर तो इस तरह से हिंदी वर्जन के भी ट्रैक को क्रिएट किया गया था और इन गानों को डिसेंट रिस्पांस मिला था और जब ये गाने फिल्म के साथ चढ़ दिखाई दिए थे फीचर हुए थे तब लोगों को ये सभी चीज़ें और भी बेहतर वे में पसंद आई थी और इसके बाद में फ़िल्म की मार्केटिंग की गई थी जहाँ पे फिल्म के टीज़र ट्रेलर ऑडियो लॉन्च किया गया था सात नवंबर 2021 को कमल हसन के बर्थडे के मौके के ऊपर सभी चीज़ों को लॉन्च किया गया था उसके बाद में धीरे धीरे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत इस फिल्म की मार्केटिंग और साथ ही में रियलिटी शो के तहत भी जैसे कि हिंदी में कपिल शर्मा शो के तहत भी फिल्म के प्रमोशन को किया गया था अब इस फिल्म की कहानी के ऊपर हम बातचीत करें तो इस फिल्म की कहानी में आपको काफी सारे किरदार देखने को मिलते दे, पहले उसके बारे में डिटेलिंग दे देता हूँ कमल हसन आपको कमांडर अरुण कुमार विक्रम के रोल में दिखाई देंगे ए के एजेंट विक्रम जो एक चीफ है 1987, जो पायलट ब्लैक था उसके और वो एक इनकोगिटो के तौर पर कर्न के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा विजय सेतुपति आपको शांतनम के रोल में दिखाई देंगे जो एक ड्रग लॉर्ड और लीडर है जो वेट्टी वाइग्रन गैंग है उसका लीडर है इसके अलावा फाद फासिल आपको एजेंट अमर के रोल में दिखाई देंगे जो ब्लैक ऑफ स्कॉड का कमांडर है नरेंद्र ने इंस्पेक्टर विजय का रोल प्ले किया हुआ है दर्शन ने विक्रम जूनियर का रोल प्ले किया हुआ है जो विक्रम के ग्रैंड सन है वहीं पे चंबन विनोद जोश ने पोलिस चीफ जोश का रोल प्ले किया हुआ है कालिदास जयराम को ए सी का रोल दिया गया है जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वहीं से वो बिलोंग करते हैं जहाँ पे वो विक्रम के बेटे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शांतनाप भारती ने एजेंट उपिलापन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट थे नाइनटीन जो पायलट ब्लैक स्कोर है उसके लिए जिसका जिम ओनर के तौर पर इनको डिगिटो टाइटल दिया गया था इन गालो इलंगो कुमार आपको एजेंट लॉरेंस के रोल में दिखाई देंगे जो वेपन थे, का जो वेपन स्पेशलिस्ट थे का पायलट ब्लैक है उसके लिए और वो एक कैब ड्राइवर का रोल प्ले कर रहे थे इनकोगेटो के मोड के ऊपर इसके अलावा वासंती को इस फिल्म में एजेंट टीना का रोल दिया गया है जो साइकोलॉजिकल वारफेयर स्पेशल एजेंट थी जहाँ पे वो नाइनटी एटीन पायलट ब्लैक की स्कोड में शामिल थी जिन्होंने वालिमल का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डोमेस्टिक हेल्पर है इसके अलावा गायत्री शंकर ने इस फिल्म में गायत्री अमर का रोल प्ले किया हुआ है जो अमर की वाइफ है स्वस्तिका कृष्णन ने प्रबंजन के वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है जो विक्रम की डॉटर इन लो है जी मारे मुथू आपको कमिश्नर पुलिस नागराज के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे रुद्र रुद्रप्रताप के रोल में दिखाई देंगे गौतम सुंदर राजन को वीरा पांड्यन का रोल दिया गया माया एस कृष्णन ने इस फिल्म में एक एस्कोर्ट का रोल प्ले किया हुआ है महेश्वरी चाणक्यन ने इस फिल्म में शांतनम की फर्स्ट वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है शिवानी नारायण ने शांतनम की सेकंड वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है म्याना नंदी ने सांतनम की थर्ड वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर संपत राम ने इस फिल्म में संपत के मेम्बर का रोल प्ले किया हुआ है जो वैगन वट्टी गेंगे उसके मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है गोकुलनाथ ने वेट्टी वाइगन के मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है रमेश तिलक आपको इलांगा के रोल में दिखाई देंगे जो वेट्टी वाइगन के मेंबर है विनोद भी मुन्ना के रोल में दिखाई देंगे वो भी वेट्टी वाइगन का जो मेंबर है वहीं पे जाफिर सदीक श्री कुमार अरुण वो सभी लोग जैसे कि अनिश पद्माना वो सभी लोग आ, मेंबर के रोल में दिखाई देंगे जहाँ पे श्री कुमार अलुदोस आपको ब्लैक ऑफ स्कोड के मेंबर के तौर पे दिखाई देंगे जहां पर सदी विनोद आपको बेटरी वाइगर रन के स्कोड में दिखाई देंगे सॉरी गैंग में दिखाई देंगे अनिश पद्मनाभन आपको ब्लैक सॉप स्कोड में देखने को मिलेंगे वहीं पे पोंडी रवि को पुलिस ऑफिसर का रोल दिया गया था सूर्य का एक एक्सटेंडेड केम्योपीरेंस है जो क्लाइमेक्स में आता है पूरी फिल्म में जो रोलेक्स नाम लिया जाता है वो उनका ही किरदार रहता है बाद में किंग पिन जो ली इनलीगल ड्रग रैकेड है वो वही चला रहे हैं तो उनका जो ड्रग्स का नुकसान हुआ है उनके साथ जो जुड़े हुए हैं जो केजी फिल्म से बिलोंग करते हैं उसमें अर्जुन दास हरीश उथामन धीना हरीश पेडाडी मोनिका और दिल्ली यानी कि कार थी तो उनके सभी किरदार मैंने बता दिए जैसे कि अनबू अदय कलम कामाची स्टीफन राज अमुदा और दिल्ली तो इतने एक्टर को कैदी फिल्म से भी रिप्राइस किया हुआ है तो इस फिल्म की को जो पहले कैदी फिल्म में जो ड्रग्स चोरी होता है जिसको दिल्ली एक जगह से दूसरी जगह बचा के ले आता है ये सभी चीजें आपको जो देखने को मिलती है वो इस फिल्म के साथ कनेक्टेड है वो सभी चीजें वो जो ड्रग्स है वो रोलेक्स का था वहीं पे इस फिल्म में जो ड्रग्स चोरी होता है वो विजय सेतुपति का बताया जाता है बाद आखिर में पता चलता है कि वो भी रोलेक्स का है तो रोलेक्स ने काफ़ी घाटा खाया हुआ है जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा खुखार हो चुका है और उसके बाद में फिल्म को एंड कर दिया जाता है तब देखते हैं कि विक्रम टू में किस तरह से इन सभी चीज़ों को डेवलप किया जा सा है कहानी के ऊपर बातचीत करें तो एक फिल्म की कहानी है वो एक हेवी ऐसा ड्रग कंटेनर रहता है वो चेन्नई से मिसिंग होता है वो वो ड्रग कंटेनर के मालिक थे शांतनम और वो रोल प्ले कर रहे विजय सेतुपति जो ह्यूजली अपसेट है इस रोबरी के चलते बाद में इस केस को क्रैक करने के लिए एक अंडरकवर कॉप को बुलाया जाता है जिसका नाम है अमर जिसका रोल प्ले करे फाद फासिल जब वो इस सीन में आते हैं तो अब इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये रोबरी कोई नोटरिस किलिंग मैन है उसके द्वारा की जा रही है और वो सिटी में काफ़ी सारे ऐसे क्राइम कर रहा है और उसका कनेक्शन सीधा एक ड्रंकड पियक्कड आदमी है कर्नन उसके साथ जुड़ा हुआ है और वो रोल प्ले करे कमल हसन तो अब ये कर्नन कौन है उसकी बैक स्टोरी क्या है वो किस तरह से इस माफिया सेटअप के साथ इन्वॉल्व है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है इस फिल्म की इस कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है फिल्म की कहानी में काफ़ी डिटेलिंग है काफ़ी लेयर है जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश किया हुआ है सभी कैरेक्टर को जिस तरह से बारीकी डिटेल के साथ लिखा हुआ है जिस तरह से छोटे से छोटे किरदार का फिल्म में इंपॉर्टेंट दिखाया हुआ है तो कहानी में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई थी उतनी बेहतरीन वे में डायरेक्टर ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी लिखा हुआ है उनके नेरेशन की तारीफ़ करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आता है फाद फास इस फिल्म में एक मीठी रोल प्ले कर रहे हैं उन्होंने अपने पार्ट को काफी बेहतरीन तरीके से निभाया हुआ है वो काफ़ी जगह जगह पर एक सबल परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते है और अपने डायलॉग डिलीवरी अपनी इमोशनल परफॉर्मेंस के थ्रू वो फिल्म में सभी ऑडियंस को अच्छी तरह से एंगेज और कनेक्ट करके रखते हैं विजय सेतुपति इस फिल्म में जिस तरह से एक माफिया डॉन का रोल प्ले कर रहे हैं उनको देखने देखते समय आपको ज़रूर अच्छा लगेगा जहाँ पे वो ड्रग्स वाले सीन लेते थे जहाँ पे वो ड्रग्स का एक टेबलेट लेके मुंह में दबा लेते उसके बाद में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है विजय सेतुपति के जो फेशियल एक्सप्रेशन थे बॉडी लैंग्वेज थी स्क्रीन प्रेजेंस था उनके जो डायलॉग डिलीवरी थी खास करके वो जो और डायलॉग डिलीवरी थोड़ी अलग डायलॉग डिलीवरी देखने को मिलती है वो हिंदी वर्जन में नहीं पता चलेगा अगर तमिल वर्जन देखोगे तो आपको वो डायलॉग डिलीवरी फील होगी तो वो सभी चीज़ों में उन्होंने काफ़ी मेहनत किए हुई और और भी बेहतर लगर आ रही नज़र आ रही थी उस किरदार को काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया हुआ है अपने छोटे से किरदार के साथ वो फिल्म में काफ़ी बेहतरीन इम्पेक्ट क्रिएट करने में कामयाब रहे थे हालाँकि उनका किरदार बेटर वे में लिखा जा सकता था लेकिन जिस साहब भी किरदार लिखा उसके ऊपर उनका काम ज़्यादा अच्छा था इसके अलावा उनके जितने भी फाद फ़ासिल और कमल हसन के साथ सीन फिल्माए गए कन्फ्रेंटेशन के वो काफ़ी लाजवाब है उसका एग्जीक्यूशन काफ़ी बढ़िया और परफेक्ट नज़र आ रहा था इस फिल्म के एक और मेजर प्लस पॉइंट है वो है अनिरुद्ध रविचंदर उनका बैकग्राउंड स्कोर सेकंड हाफ़ में जिस तरह से उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर के साथ सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए वो अनदर लेवल पे फ़िल्म के कुछ सीन्स आपको शायद थोड़े बहुत बोरिंग और डल नज़र आ सकते थे लेकिन इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इतना अव्वल दर्जे का है इतना बेहतरीन है जिस वजह से ये सभी चीज़ें और एक लेवल पे अप चली जाती है और वो सभी चीजों की मेज का कमी खलती नहीं है लास्ट बट द दिस्ट कमल हसन उन्होंने इस फिल्म में ऐसा कम किया हुआ है जोक काफ़ी बढ़िया है उनका ये एक्शन अवतार इस एज में जिस तरह से वो एक्शन अवतार कर रहे हैं उनकी डायलॉग डिलीवरी उनका बॉडी लैंग्वेज अलग अलग सेट्स उनके देखने को मिलते हैं जिस तरह से अपने किरदार में जो पंच वो मारते हैं वो सभी चीज़ें काफ़ी पावरफुल थी उनका ये पावर पैक परफॉर्मेंस आपको ज़रूर पसंद आएगा सेकंड हाफ में उन्होंने जिस तरह से एक्शन ब्लॉक क्रिएट किए हुए हैं वो सभी सुपभ है ये सभी चीज़ें न्यूट्रल ऑडियंस और फैंस को खास करके पसंद आएगी हाँ फिल्म के फर्स्ट हाफ से ऑडियंस कुछ ऑडियंस ऐसी है इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में जिस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है जिस तरह से स्टोरी को स्टैब्लिस किया हुआ है कैरेक्टर को किया हुआ है उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लिया जाता है जिसके चलते कुछ लोगों को वो सभी चीज़ें स्लो या थोड़ी बोरिंग लग सकती है लेकिन अगर शांति से बैठ के देखोगे तो वो स्क्रीन प्ले को इस तरह से लिखा जाता है जिसके चलते सेकंड हाफ आप में आपको ज़रा भी रेस्ट करने का टाइम नहीं रहता है फिल्म का सेकंड हाफ पूलॉन एक्शन से भरपूर है जहाँ पे इमोशनल एक्शन ड्रामा वो सभी चीज़ों का एक परफेक्ट मिश्रण रखा हुआ है और क्लाइमेक्स में तो फिल्म फाड़ देती है फिल्म का इंटरवल क्लाइमेक्स इतना दमदार है जिसके चलते आपको ये सभी चीज़ें ज़रूर पसंद आएगी फिल्म के छोटे से छोटे किरदार को जिस तरह से हमारे सामने करेक्टाइज करेक्टराइज़ करके दिखाया हुआ है जिस तरह से उनको पेश किया गया है वो सभी चीज़ें भी अच्छा खासा घुसब क्रिएट कर देती हैं इस फिल्म का जो बीजेम है वो काफ़ी ज़्यादा टोप नोट था जिस वजह से वो सभी चीज़ें और बेहतर नज़र आती है कैमरा वर्क काफी अव्वल दर्जे का था इस तरह के डार्क थीम में जिस तरह से कम कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो लाजवाब था फिल्म के जो क्लाइमैक्स है सेकंड हाफ ही ले लो इंटरवल ब्लॉक है जहां पे जिस तरह से कैमरा चलाया गया फाइटिंग सिक्वेंस के तहत वो लाजवाब था और वैसा कैमरा वर्क मैंने अभी तक कोई फिल्मों में नहीं देखा हुआ है इस फिल्म में उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से उन सभी चीजों को दिखाया हुआ है सूर्या का जिस तरह से क्लाइमेक्स में एक छोटा सा इंट्रो दिखाया जाता है वो पूरी तरह से इस फिल्म में विलन का किरदार में जो सेटअप सेट किया हुआ था उसमें एक हाई परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहते हैं उनका जो कैम्योपीरेंस है फिल्म को चार चांद लगा देता है और वो रोलेक्स वाले किरदार में काफ़ी जच रहे थे वो एक खुखार ड्रेडेड क्रिमिनल नज़र आ रहे थे इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रोडक्शन डिजाइन है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है जहाँ पर सभी चीज़ें रियल नज़र आ रही थी लाइटिंग का अच्छा यूज़ है कलर टोन बढ़िया तरीके से फिल्म के डायलॉग काफ़ी नीट रखे हुए हैं जहाँ पे एक्शन सीन्स में तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल मैं एक्सन एक्शन सीन्स में तो काफ़ी नीट डायलॉग सुनने को मिलते हैं इसके अलावा जो इमोशनल डायलॉग है इस दूसरे कुछ डायलॉग्स है उसमें काफ़ी आपको अहमियत पता चलेगी उन डायलॉग्स की और वो डायलॉग्स काफी देवता वाले क्रिएट किए हुए इस फिल्म में जिस तरह तो से क्लाइमेक्स देखने को मिलता है सूर्या देखने को मिलता है वो ऑडियंस को एक हाई पॉइंट पर ला रख देता है और वो सेकंड हाफ देखने की उत्सुकता और बढ़ा देता है हाँ फिल्म के फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत छोटा किया जा सकता था तो शायद जो ऑडियंस को सभी चीज़ें इग्नोर इग्नोरेंस लग रही थी वो नहीं लगती कुछ रिपीटेड सीन्स को भी काट सकते थे अदरवाइज बाकी टोटली फिल्म इतनी परफेक्ट है जिसमें कोई भी खामी नहीं है फिल्म की स्टोरी फिल्म का स्क्रीन प्ले फ़िल्म का डायलॉग फिल्म की राइटिंग इसके अलावा फिल्म का कैमरा वर्क म्यूजिक डायरेक्शन इसके अलावा फ़िल्म की जो ट्विस्ट और टर्नस है वो सभी चीज़ें इतनी परफेक्ट है जिस वजह से इस फिल्म को काफ़ी मज़बूती वे में टेक्निकल परफॉर्मेंसेस सभी तरह से मजबूत फिल्म माना जाएगा तो ये एक्शन थ्रिलर फिल्म आपको मिस नहीं करनी चाहिए जहाँ पे फिल्म का ड्रामा एक्शन इमोशंस सभी चीज़ें परफेक्ट वे में एग्जीक्यूट हुए हैं फिल्म के इमोशन इतने बेहतरीन है जो एक्शन देखते समय आपको जरूर महसूस होंगे इस फिल्म को जरूर स्टार्ट नोट के स्लो नोट के साथ स्टार्ट किया जाता है लेकिन फिल्म को जिस तरह से धीरे धीरे गियर अप किया जाता है तो एक्शन पेक का सेकंड आप आपको जरूर एंटरटेन करेगा कमल हसन का कम आपको जरूर पसंद आएगा फात फासिल कमल हसन और विजय सेतुपति तीनों में से एक तो ऐसा रहता है जो स्क्रीन पर आपको हमेशा देखने को मिलेगा जिसके चलते फिल्म का स्क्रीन प्ले आपको जरूर पसंद आएगा तो ये फिल्म मिस नहीं करनी चाहिए अगर नहीं देखी हो तो जरूर देखनी चाहिए अब रिलीज के ऊपर बातचीत करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट के साथ एक मिनट के रन टाइम के साथ तीन जून दो को मेजर तेलुगु फिल्म और साथ ही में आ, हिंदी फिल्म पृथ्वीराज के साथ रिलीज़ किया गया था सम्राट पृथ्वीराज के साथ तो फिल्म को हिंदी वर्जन में थोड़े स्क्रीन्स कम मिले थे लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने सभी वर्जन में धमाका मचाया हुआ है जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स के ऑडियंस की तरफ से इतने ज़्यादा पॉजिटिव और साथ ही में इतने बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते फिल्म इतना बढ़िया तरीके से वर्क करे कि फिल्म ने वीकेंड काफ़ी लंबा लिया हुआ था खास करके तमिल वर्जन से फिल्म इतना बेहतरीन वे में कलेक्शन करके दे रही थी जिसके चलते फिल्म ने कुछ ही दिनों में प्रॉफिटेबल बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था इस फिल्म में टोटल आई पे छब्बीस वोट मिले हुए जिसमें आठ आठ की हाई रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इस फिल्म को कितना ज़्यादा पसंद आया था इस फिल्म को कितना पॉजिटिव बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया हुआ है और ये भी विक्रम फिल्म कमल हसन के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई वन ऑफ द हाईएस्ट क्या सबसे ज्यादा हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली फिल्म उनके करियर की साबित हुई है जहाँ पे कमल हसन के डायरेक्टर यानी कि इस फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनक ने जो उनके फैन भी है उन्होंने परफेक्ट ट्रिब्यूट दिया हुआ है इस फिल्म का बजट करीबन एक से एक करोड़ था तो उस बजट के सामने फिल्म ने करीबन साढ़े चार सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन निकाला हुआ है जहाँ पे तमिलनाडु से फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था हिंदी वर्जन में कम प्राइस में बेचा हुआ था जिसके चलते हिंदी वर्जन में फिल्म हिट साबित हुई थी जिस तरह से फिल्म ने कलेक्शन किया था वो चौंका देने वाला था इस फिल्म ने तमिलनाडु से ही पच्चीस करोड़ का पहले दिन कलेक्शन किया हुआ था केरला से पाँच करोड़ का कर्नाटक से चार करोड़ का आंध्र प्रदेश से पौने चार करोड़ का तेलंगाना से डेढ़ करोड़ का वहीं पर टोटल जो इंडिया का कलेक्शन था वो चौंतीस करोड़ था पहले दिन के कलेक्शन की बात कर रहा हूँ तो दोनों का मिला के अट्ठावन करोड़ और सिस में इस फिल्म ने जरूर काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स हासिल किया है लोगों ने उतनी उम्मीदें नहीं लगाई हुई थी इस फिल्म ने हंड्रेड करोड़ का क्लब सिर्फ दो दिन में पार किया हुआ था जो काबिले तारीफ है फिल्म ने दो दिनों में सौ करोड़ पचहत्तर लाख का इंडिया में कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे ओवरसीज का टोटल कलेक्शन पचास करोड़ था इस तरह से फिल्म ने पहला वीकेंड है वो डेढ़ सौ से एक सौ सत्तर करोड़ का लिया हुआ था जहाँ पे तमिलनाडु से तिरासी करोड़ बीस करोड़ केरला से तेरह करोड़ कर्नाटका से सोलह करोड़ तेलुगु लैंग्वेज स्पीकिंग स्टेट से और बाकी के साढ़े पाँच करोड़ नॉर्थ इंडिया रेस्ट ऑफ इंडिया से कलेक्ट किए हुए थे तेलुगु कन्नडा हिंदी मलयालम जितने नॉर्थ इंडिया में स्क्रीन्स मिली थी उससे इस फिल्म का ओपनिंग वीकेंड काफ़ी मजबूत था जिसके चलते यूएसए में भी तेरह करोड़ तेईस लाख का ओपनिंग विकेट लिया था वहीं पे चार करोड़ का यूके में और ऑस्ट्रेलिया में साढ़े तीन करोड़ का इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया वो काफ़ी ख़तरनाक खतर था वो डे बाय डे और बेहतर कलेक्शन कर रही थी जिसके चलते फिल्म ने 260 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सिर्फ सात दिनों में हासिल किया था फिल्म ने चौथे दिन में ही 2.10 मिलियन रसिया से कलेक्ट किए हुए थे दो मिलियन डॉलर मिडल ईस्ट से कलेक्ट किए हुए थे एक मिलियन डॉलर मलेशिया से कलेक्ट किए हुए थे और पॉइंट मिलियन सिंगापुर से कलेक्ट किए हुए थे नॉर्वे और रशिया में इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे भी फिल्म ने अच्छा खासा रिस्पेक्टेड टोटल हासिल किया था पहले वीक में तो इस तरह से फिल्म ने पहले वीक में दो साठ करोड़ का कॉल कलेक्शन किया और ये हाईएस्ट ग्रोसिंग तमिल फिल्म साबित हुई थी 2022 की जहाँ पे बेस्ट फिल्म को आसानी से सरपास कर दिया था जहाँ पे फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया वो 4 जून 2022 तक 436 करोड़ तक पहुँच गया था और वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग तमिल फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई तो फिलहाल में ये फिल्म करीबन साढ़े चार करोड़ के आसपास की फिल्म बन चुकी है जहाँ पे हिंदी वर्जन उतना चला नहीं अगर हिंदी वर्जन चलता दूसरे फिल्मों के मुकाबले तो ये फिल्म हज़ार करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार कर सकती थी लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने जितना लंबा रन लिया हुआ है जिस तरह से कलेक्शन किया हुआ है वो काबिल तारीफ है जिस तरह से विक्रम फिल्म के साथ लोकेश कनक ने एक बढ़िया ट्रिब्यूट दिया हुआ है कमल हसन जी को साथ ही में कमल हसन जी का जो एक कम देखने को मिलता है जो अपने करियर की हाइएस्ट ग्रोथिंग फिल्म इस फिल्म के साथ देते वो सभी चीज़ें फिल्म के लिए और बेहतर साबित होती है अब विक्रम टू का जो मार्केट में बर्ज है वो काफ़ी हाई है तब तो देखते हैं कि उस फिल्म के साथ किस तरह का काम रहता है तो इस फिल्म को अब देखना हो तो कहाँ पे कैसे देख सकते हो उसके ऊपर डिटेलिंग दे देते हैं इस फिल्म के सैटेलाइट और ओ राइट्स के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं जहाँ पे फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज के बाद सैटेलाइट और ओ राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने ख़रीदे हुए सभी वर्जनस के लिए जहाँ पे करीबन 112 करोड़ रुपए उन्होंने पे किए हुए फरवरी 2022 में इसके राइट्स बेचे गए थे तो थिएट्रिकल रिलीज़ के एक महीने पहले इस फिल्म के राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे 112 करोड़ में फिल्म के तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन के राइट्स बेचे गए थे अगर ये फिल्म रिलीज़ होती उसके बाद बेचते तो और ज़्यादा मिलते लेकिन उससे पहले बेच दिए थे उसके बावजूद एक करोड़ मिले हुए जिसके राइट्स स्टार इंडिया नेटवर्क के पास है तो ये फिल्म आपको तमिल हिंदी तेलुगू कन्नड़ा मलयालम वर्जन में डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास डिजनी प्लस होटस्टार का सब्सक्रिप्शन है तो विक्रम फिल्म सभी वर्जन में देख सकते हो जहाँ पे हिंदी और तेलगू वर्जन में विक्रम हिट लिस्ट के नाम से देखने को मिलेगी बाकी जो तीन लैंग्वेज है तमिल कन्नडा मलयालम उसमें विक्रम नाम दिया हुआ है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्टार नेटवर्क के पास इस फिल्म के राइड्स है तो ये फिल्म आपको ओ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन विक्रम नाम से तमिल मलयालम कन्नडा वर्जन में वहीं पे विक्रम हिटलिस्ट नाम से हिंदी और तेलुगु वर्जन में फिल्म देखने को मिलेगी इसके अलावा सेटेलाइट राइट से वो हिंदी वर्जन के खरीदे हुए स्टार गोल्ड वालों ने तो ये फिल्म आपको सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर विक्रम हिटलिस्ट नाम से बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप सैटेलाइट और ओ दोनों वजन फिल्म के एंजॉय कर सकते हो सभी वजन जैसे कि तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम के लिए कास्टिंग में भी फिल्म की कास्टिंग में काफ़ी लंबा समय लगा था दो से लेकर दो तक फिल्म की कास्टिंग चली थी डिफरेंट डिफरेंट दि� एक्टर को लेकर जहाँ पे लीड रोल के लिए विजय सेतुपति और फाद फासिल कमल हसन के साथ जुड़े और इतने बड़े नाम जुड़ने के कारण फिल्म और भी ज़्यादा चर्चित हो गई फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 16 जुलाई 2021 को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो 6 अगस्त को रखा गया था उसके बाद में इस फिल्म के अलग अलग लोकेशन पे शूटिंग स्टार्ट की गई थी तो कोविड नाइन्टीन के चलते फिल्म की शूटिंग में बहुत कम क्रू मेंबर थे जितने भी थे उसको वैक्सीनाइज करना यानी कि प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते फिल्म का शेड्यूल शूट किया गया था जिसमें काफ़ी टाइम लगा हुआ था फिल्म का सेकंड शेड्यूल था वो 19 सितंबर 2021 में शूट किया गया था चेन्नई में वहीं पे फिल्म का सेकंड शेड्यूल है उसको रेप अप करने में 2 अक्टूबर 2021 आ चुका था 13 अक्टूबर से फिल्म का तीसरा शेड्यूल स्टार्ट किया गया था जिसको शूट करने में काफ़ी लंबा समय गया था जहाँ पे दो ऐसे सिक्वेंस है जिसको तमिलनाडु पुलिस म्यूजियम में चार दिनों के लिए शूट किया गया था जहाँ पे 24-25 अक्टूबर के ये दो दिन थे और बाद में 27-28 अक्टूबर को शूटिंग की गई थी इस लोकेशन के ऊपर उसके बाद ऑफिशियल परमिशन डिनाइड होने के बाद फिल्म की शूटिंग को दूसरी जगह पर रखने के लिए पोस्टपोन किया गया था सत्रह नवंबर दो को फिल्म का एक महीने वाला लंबा शेड्यूल कोयम्बतर में रखा गया था जहाँ पे कमल हसन सेतुपति और फासिल तीनों उस शेड्यूल में शामिल थे कोमल कमल हसन को कोविड नाइन्टीन होने की वजह से फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा बाद में उनको यूएस ले गया ले जाया गया यूएस में कुछ शूटिंग थी वो पोर्शन कंप्लीट किया गया उसके बाद में फिल्म का जो एक पचास डैमेज कार वाला एक सीक्वेंस था उसको शूट करने के लिए पूरा शेड्यूल सेट किया गया था बाद में फिल्म को आखिरी में दिसंबर 2021 में एक शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे कुछ एक्शन सीक्वेंस कुछ चीज़ें बाकी थी उसको कंप्लीट करवाया गया इस तरह से फिल्म के अलग अलग शेड्यूल को सेट किया गया था कुछ शेड्यूल में कमल हसन सेतुपति को साथ में रखा गया था जहाँ पे पाँच फरवरी दो का फाइनल शेड्यूल था वहाँ पर वो क्लाइमेक्स वाला पोर्सन है वहीं पर शूट किया गया था उन दोनों के बीच में और उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से रेप अप करने में एक मार्च 2022 आ चुका था उसके बाद में फ़िल्म के पोस्ट प्रोडक्शन म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग वीएफएक्स इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया और बाद में फिल्म का फाइनल कट किया गया म्यूज़िक के बारे में बात करें तो सोनी म्यूज़िक के पास इस फिल्म के राइट्स है गानों के जहाँ पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट के दोनों को उन्होंने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म और दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर इन गानों को अवेलेबल किया हुआ है इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था अलबाकर का रिकॉर्ड चेन्नई और किरमोस इंडोर स्टूडियो चेन्नई में इन दो स्टूडियो में इस फिल्मों के गानों को रिकॉर्ड किया गया था 15 मई 2022 को सोनी म्यूजिक के द्वारा इन गानों को अवेलेबल किया गया था जिसके म्यूजिक को क्रिएट किया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदन ने फिल्म में टोटल पाँच गाने पहला गाना है पथला पथला जिसके लिरिक्स लिखे हुए कमल हसन ने गाया हुआ है कमल हसन और अनिरुद्ध रविचंद्र ने वहीं पे विक्रम जो टाइटल रखे उसको लिखा हुआ है विष्णु इडावन ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर तीसरा गाना था वेस्टेड जिसके लिरिक्स लिखे हुए हसन बर्ग ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर चौथा गाना था पोरकांडा सिंगम जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे विष्णु इडवान ने और सिंगर थे रवि जी पांचवा गाना था वंस ऑफ ऑन ए टाइम जिसके लिरिक्स लिखे हुए हसन बर्ग ने और सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंद्र और ठीक ये सभी चीजें तेलुगु वर्जन के लिए भी इन गानों को रिक्रिएट किया गया था जहाँ पे कुछ लिरिसिस्ट और सिंगर अलग थे इन गानों के हिंदी ट्रांसलेशन में जो टाइटल थे उसके बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पे पहला था बदले बदले रेप एक्सटेंडेड वर्जन जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राकीब आलम ने रेप लिखे लिरिक्स लिखे हुए थे रफ्तार ने सिंगर थे कमल हसन और रफ्तार दूसरा गाना था बदले बदले जिसके लिरिक्स राकेब आलम ने लिखे हुए थे सिंगर थे कमल हसन तीसरा गाना था विक्रम टाइटल ट्रेक जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राकेब आलम और अनिरुद्ध रविचंदर और सिद्धार्थ महादेव ने उनको गाया हुआ था चौथा गाना था वेस्टेड जिसके लिरिक्स हेसनबर्ग ने लिखे हुए थे सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर पांचवा गाना एक शेर हो तुम जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राकेब आलम ने और सिंगर थे जुबिन नोटियाल छठा गाना था वंस ऑफ वन टाइम जिसके लिरिक्स लिखे हुए हेसनबर्ग ने और सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर तो इस तरह से हिंदी वर्जन के भी ट्रैक को क्रिएट किया गया था और इन गानों को डिसेंट रिस्पांस मिला था और जब ये गाने फिल्म के साथ चल दिखाई दिए थे फीचर हुए थे तब लोगों के सभी चीज़ें और भी बेहतर वे में पसंद आई थी और इसके बाद में फिल्म की मार्केटिंग की गई थी जहाँ पे फिल्म के टीज़र ट्रेलर ऑडियो लॉन्च किया गया था सात नवंबर 2021 को कमल हसन के बर्थडे के मौके के ऊपर सभी चीज़ों को लॉन्च किया गया था उसके बाद में धीरे धीरे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत इस फिल्म की मार्केटिंग और साथ ही में रियलिटी शो के तहत भी जैसे कि हिंदी में कपिल शर्मा शो के तहत भी फिल्म के प्रमोशन को किया गया था अब इस फिल्म की कहानी के ऊपर हम बातचीत करें तो इस फिल्म की कहानी में आपको काफी सारे किरदार देखने को मिलते दे, पहले उसके बारे में डिटेलिंग दे देता हूँ कमल हसन आपको कमांडर अरुण कुमार विक्रम के रोल में दिखाई देंगे एक एजेंट विक्रम जो एक चीफ है नाइनटीन जो पायलट ब्लैक स्कोड था उसके और वो एक इनकोगीटो के तौर पर कर्नन के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा विजय सेतुपति आपको शांतनम के रोल में दिखाई देंगे जो एक ड्रग लॉर्ड और लीडर है जो वेट्टी वाइग्रन है उसका लीडर है इसके अलावा फाद फासिल आपको एजेंट अमर के रोल में दिखाई देंगे जो ब्लैक ऑफ स्कॉड का कमांडर है नरेंद्र ने इंस्पेक्टर बिजो का रोल प्ले किया हुआ है दर्शन ने विक्रम जूनियर का रोल प्ले किया हुआ है जो विक्रम ग्रैंड सन है वहीं पे चम्बन विनोद जोश ने पोलिस चीफ जोश का रोल प्ले किया हुआ है कालिदास जयराम को ए सी का रोल दिया गया है जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वहीं से वो बिलोंग करते हैं जहाँ पे वो विक्रम के बेटे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शांतना भारती ने एजेंट उपीला पन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक कम्युनिकेशन uh, स्पेशलिस्ट है नाइनटीन जो पायलट ब्लैक ब्लैकोड है उसके लिए जिसका जिम ओनर के तौर पर इनको डिगिटो टाइटल दिया गया था इन गालों इलंगो कुमारवेल आपको एजेंट लॉरेंस के रोल में दिखाई देंगे जो वेपन स्पेशलिस्ट थे नाइनटी का जो पायलट ब्लैक स्कॉड है उसके लिए और वो एक कैब ड्राइवर का रोल प्ले कर रहे थे इनकोगेटो के मोड के ऊपर इसके अलावा वासंती को इस फिल्म में एजेंट टीना का रोल दिया गया है जो साइकोलॉजिकल वारफेयर स्पेशल एजेंट थी जहाँ पे वो नाइनटी एटी पायलोट ब्लैक की स्कॉड में शामिल थी जिन्होंने वालिमल का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डोमेस्टिक हेल्पर है इसके अलावा गायत्री शंकर ने इस फिल्म में गायत्री अमर का रोल प्ले किया हुआ है जो अमर की वाइफ है स्वस्तिका कृष्णन ने प्रभंजन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है जो विक्रम की डॉटर इन लो है जी मारे मुथू आपको कमिश्नर पुलिस नागराज के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे अरुल डोज रुद्र प्रताप के रोल में दिखाई देंगे गौतम सुंदर राजन को वीरा पांड्यन का रोल दिया गया माया एस कृष्णन ने इस फिल्म में एक एस्कोर्ट का रोल प्ले किया हुआ है महेश्वरी चाणक्यन ने इस फिल्म में शांतनम की फर्स्ट वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है शिवानी नारायण ने शांतानम की सेकंड वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है नंदी ने शांतानम की थर्ड वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे संपत राम ने इस फिल्म में संपत के मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है जो वेगन वट्टी गेंगे उसके मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है गोकुलनाथ ने वेट्टी वाइगन के मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है रमेश तिलक आपको इलांगा के रोल में दिखाई देंगे जो वेट्टी वाइगन के मेंबर है विनोद भी मुन्ना के रोल में दिखाई देंगे वो भी वेट्टी वाइगन का जो मेंबर है वहीं पे जाफिर सदीक श्री कुमार अरुण वो सभी लोग जैसे कि अनिश पद्माना भान वो सभी लोग आ, मेंबर के रोल में दिखाई देंगे जहाँ पे श्री कुमार अलुदोस आपको ब्लैक ऑफ स्क्वाड के मेंबर के तौर पे दिखाई देंगे या फिर सदीक विनोद आपको वेटरी वाइगर रन के स्कोड में दिखाई देंगे गैंग गे, में दिखाई देंगे अनिस् पदमा आपको ब्लैक स्कॉड में देखने को मिलेंगे वहीं पे पोंडी रवि को पुलिस ऑफिसर का रोल दिया गया था सूर्य का एक एक्सटेंडेड केम्योपीरेंस है जो क्लाइमेक्स में आता है पूरी फिल्म में जो रोलेक्स नाम लिया जाता है वो उनका ही किरदार रहता है बाद में किंग पिन जो इनलीगल ड्रग रैकेट है वो वही चला रहे हैं तो उनका जो ड्रग्स का नुकसान हुआ है जिस उनके साथ जो जुड़े हुए हैं जो के जी फिल्म से बिलोंग करते हैं उसमें है अर्जुन दास हरीश उथामन धीना हरीश पेडाडी मोनिका और दिल्ली यानी कि कार थी तो उनके सभी किरदार मैंने बता दिए जैसे कि अनबू अदय कलम कामाची स्टीफन राज अमुदा और दिल्ली तो इतने एक्टरों को कैदी फिल्म से भी रिप्राइस किया हुआ है तो इस फिल्म की को जो पहले कैदी फिल्म में जो ड्रग्स चोरी होता है जिसको दिल्ली एक जगह से दूसरी जगह बचा के ले आता है ये सभी चीजें आपको जो देखने को मिलती है वो इस फिल्म के साथ कनेक्टेड है वो सभी चीजें वो जो ड्रग्स है वो रोलेक्स का था वहीं पे इस फिल्म में जो ड्रग्स चोरी होता है वो विजय सेतु पति का बताया जाता है बाद में आखिर में पता चलता है कि वो भी रोलेक्स का है तो रोलेक्स ने काफी घाटा खाया हुआ है जिसके चलते वो काफी ज्यादा खुखार हो चुका है और उसके बाद में फिल्म को एंड कर दिया जाता है तब देखते हैं कि विक्रम टू में किस तरह से इन सभी चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है कहानी के ऊपर बातचीत करें तो एक फिल्म की कहानी है वो एक हेवी ऐसा ड्रग कंटेनर रहता है वो चेन्नई से मिसिंग होता है वो ड्रग कंटेनर के मालिक थे शांतनम और वो रोल प्ले कर रहे विजय सेतुपति जो ह्यूजली अपसेट है इस रोबरी के चलते बाद में इस केस को क्रैक करने के लिए एक अंडर कवर कॉप को बुलाया जाता है जिसका नाम है अमर जिसका रोल प्ले कर रहे फाद फासिल जब वो इस सीन में आते हैं तो अब इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये रोबरी कोई नोटरिस किलिंग में मास्क मैन है उसके द्वारा की जा रही है और वो सिटी में काफ़ी सारे ऐसे क्राइम कर रहा है और उसका कनेक्शन सीधा एक ड्रंकड पियकड़ आदमी है कर्नन उसके साथ जुड़ा हुआ है और वो रोल प्ले करे कमल हसन तो अब यह कर्नन कौन है उसकी बैक स्टोरी क्या है वो किस तरह से इस माफिया सेटअप के साथ इन्वॉल्व है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है इस फिल्म की इस कहानी काफी इंटरेस्टिंग नजर आती है फिल्म की कहानी में काफी डिटेलिंग है काफी लेयर है जिसको काफी बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश किया हुआ है सभी कैरेक्टर को जिस तरह से बारीकी डिटेल के साथ लिखा हुआ है जिस तरह से छोटे से छोटे किरदार का फिल्म में इंपॉर्टेंट दिखाया हुआ है तो कहानी में काफी ज्यादा मेहनत की हुई थी उतनी बेहतरीन वे में डायरेक्टर ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी लिखा हुआ है उनके नेरेशन की तारीफ़ करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आता है फाथ इस फिल्म में एक मीठी रोल प्ले कर रहे हैं उन्होंने अपने पार्ट को काफ़ी बेहतरीन तरीके से निभाया हुआ है वो काफ़ी जगह पर एक सबल परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते और अपने डायलॉग डिलीवरी अपनी इमोशनल परफॉर्मेंस के थ्रू वो फिल्म में सभी ऑडियंस को अच्छी तरह से एंगेज और कनेक्ट करके रखते हैं विजय सेतुपति इस फिल्म में जिस तरह से एक माफिया डोन का रोल प्ले कर रहे हैं उनको देखने देखते समय आपको जरूर अच्छा लगेगा जहाँ पे वो ड्रग्स वाले सीन लेते जहाँ पे वो ड्रग्स का एक टेबलेट लेके मुंह में दबा लेते उसके बाद में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है विजय सेतुपति के जो फेशियल एक्सप्रेशन थे बॉडी लैंग्वेज थी स्क्रीन प्रेजेंस था उनके जो डायलॉग डिलीवरी थी खास करके वो जो और डायलॉग डिलीवरी थोड़ी अलग डायलॉग डिलीवरी देखने को मिलती है वो हिंदी वर्जन में नहीं पता चलेगा अगर तमिल वर्जन देखोगे तो आपको वो डायलॉग डिलीवरी फील होगी तो वो सभी चीज़ों में उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई और और भी बेहतर लगर आ रही नज़र आ रही थी उस किरदार को काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया हुआ है अपने छोटे से किरदार के साथ वो फिल्म में काफ़ी बेहतरीन इम्पेक्ट क्रिएट करने में कामयाब रहे थे हालाँकि उनका किरदार बेटर वे में लिखा जा सकता था लेकिन जिससे सा भी किरदार लिखा उसके ऊपर उनका काम ज़्यादा अच्छा था इसके अलावा उनके जितने भी फाद फासिल और कमल हसन के साथ सीन फिल्माए गए कंट्रंटेशन के वो काफी लाजवाब है उसका एग्जीक्यूशन काफी बढ़िया और परफेक्ट नजर आ रहा था इस फिल्म के एक और मेजर प्लस पॉइंट है वो है अनिरुद्ध रविचंदर उनका बैकग्राउंड स्कोर सेकंड हाफ में जिस तरह से उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर के साथ सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए वो अनदर लेवल पे फिल्म के कुछ सीन्स आपको शायद थोड़े बहुत बोरिंग और डल नज़र आ सकते थे लेकिन इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इतना अव्वल दर्जे का है इतना बेहतरीन है जिस वजह से ये सभी चीज़ें और एक लेवल पर अब चली जाती है और वो सभी चीज़ों की मेज़ कमी खलती नहीं है लास्ट बट नॉट द लेस्ट कमल हसन उन्होंने इस फिल्म में ऐसा कम किया हुआ है जो काफ़ी बढ़िया है उनका ये एक्शन अवतार इस एज में जिस तरह से वो एक्शन अवतार कर रहे हैं उनकी डायलॉग डिलीवरी उनका बॉडी लैंग्वेज अलग अलग सेट्स उनके देखने को मिलते हैं जिस तरह से अपने किरदार में जो पंच वो मारते हैं वो सभी चीज़ें काफ़ी पावरफुल थी उनका ये पावर पैक परफॉर्मेंस आपको ज़रूर पसंद आएगा सेकंड हाफ़ में उन्होंने जिस तरह से एक्शन ब्लॉक क्रिएट किए हुए वो सभी सुपर है ये सभी चीज़ें न्यूट्रल ऑडियंस और फैंस को खास करके पसंद आएगी हाँ फिल्म के फर्स्ट हाफ से ऑडियंस कुछ ऑडियंस ऐसी है इस फिल्म के फ़र्स्ट हाफ में जिस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है जिस तरह से स्टोरी को इस्टेब्लिश किया हुआ है कैरेक्टर को इस्टेब्लिश किया हुआ है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया जाता है जिसके चलते कुछ लोगों को वो सभी चीज़ें स्लो या थोड़ी बोरिंग लग सकती है लेकिन अगर शांति से बैठ के देखोगे तो वो स्क्रीन प्ले को इस तरह से लिखा जाता है जिसके चलते सेकंड हाफ़ आप में आपको ज़रा भी रेस्ट करने का टाइम नहीं रहता है फिल्म का सेकंड हाफ पूलोन एक्शन से भरपूर है जहाँ पे इमोशनल एक्शन ड्रामा वो सभी चीज़ों का एक परफेक्ट मिश्रण रखा हुआ है और क्लाइमेक्स में तो फिल्म फाड़ देती है फिल्म का इंटरवल क्लाइमेक्स इतना दमदार है जिसके चलते आपको ये सभी चीज़ें जरूर पसंद आएगी फिल्म के छोटे से छोटे किरदार को जिस तरह से हमारे सामने कैरेक्टराइज करेक्टराइज करके दिखाया हुआ है जिस तरह से उनको पेश किया गया है वो सभी चीज़ें भी अच्छा खासा घुसबर क्रिएट कर देती है इस फिल्म का जो बीजेम है वो काफ़ी ज़्यादा टॉप नोट था जिस वजह से वो सभी चीज़ें और बेहतर नजर आती है कैमरा वर्क काफ़ी अव्वल दर्जे का था इस तरह के डार्क थीम में जिस तरह से कम कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो लाजवाब था फिल्म के जो क्लाइमेक्स है सेकंड हाफ ही ले लो इंटरवल ब्लॉक है यहाँ पे जिस तरह से कैमरा चलाया गया है फाइटिंग सिक्वेंस के तहत वो लाजवाब था वो वैसा कैमरा वर्क मैंने अभी तक कोई फिल्मों में नहीं देखा हुआ है इस फिल्म में उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से उन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है सूर्या का जिस तरह से क्लाइमेक्स में एक छोटा सा इंट्रो दिखाया जाता है वो पूरी तरह से इस फिल्म में विलन का किरदार में जो सेटअप सेट किया हुआ था उसमें एक हाई परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहते हैं उनका जो केमी ओपिरंस है फिल्म को चार चांद लगा देता है और वो रोलेक्स वाले किरदार में काफ़ी जच रहे थे वो एक खुखार ड्रेडेड क्रिमिनल नजर आ रहे थे इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रोडक्शन डिजाइन है उसको काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे सभी चीज़ें रियल नज़र आ रही थी लाइटिंग का अच्छा यूज है कलर टोन बढ़िया तरीके से फिल्म के डायलॉग काफ़ी नीट रखे हुए हैं जहाँ पे एक्शन सीस में तो काफ़ी ज्यादा स्पेशल में एक्शन सीन्स में तो काफ़ी नीट डायलॉग सुनने को मिलते हैं इसके अलावा जो इमोशनल डायलॉग है इस दूसरे कुछ डायलॉग्स है उसमें काफ़ी आपको अहमियत पता चलेगी उन डायलॉग्स की और वो डायलॉग्स काफ़ी देवता वाले क्रिएट किए हुए इस फिल्म में जिस तरह तो से क्लाइमेक्स देखने को मिलता है सूर्या देखने को मिलता है वो ऑडियंस को एक हाई पॉइंट पर ला रख देता है और वो सेकंड हाफ देखने की उत्सुकता और बढ़ा देता है हाँ फिल्म के फर्स्ट हाफ़ में थोड़ा बहुत छोटा किया जा सकता था तो शायद जो ऑडियंस को सभी चीज़ें इग्नोर इग्नोरेंस लग रही थी वो नहीं लगती कुछ रिपीटेड सीन्स को भी काट सकते थे अदरवाइज बाकी टोटली totally फिल्म इतनी परफेक्ट है जिसमें कोई भी कामी नहीं है फिल्म की स्टोरी फिल्म का स्क्रीन प्ले फिल्म का डायलॉग फिल्म की राइटिंग इसके अलावा फिल्म का कैमरा वर्क म्यूजिक डायरेक्शन इसके अलावा फ़िल्म की जो ट्विस्ट और टर्नस है वो सभी चीज़ें इतनी परफेक्ट है जिस वजह से इस फिल्म को काफ़ी मजबूती वे में टेक्निकल परफॉर्मेंसेस सभी तरह से मजबूत फिल्म माना जाएगा तो ये एक्शन थ्रिलर फिल्म आपको मिस नहीं करनी चाहिए जहाँ पे फिल्म का ड्रामा एक्शन इमोशंस सभी चीज़ें परफेक्ट वे में एग्जीक्यूट हुए हैं फिल्म के इमोशन इतने बेहतरीन है जो एक्शन देखते समय आपको जरूर महसूस होंगे इस फिल्म को जरूर स्टार्ट नोट के स्लो नोट के साथ स्टार्ट किया जाता है लेकिन फिल्म को जिस तरह से धीरे धीरे गियर अप किया जाता है तो एक्शन पे एक का सेकंड आपको जरूर एंटरटेन करेगा कमल हसन का कम आपको जरूर पसंद आएगा फाद फासिल कमल हसन और विजय सेतुपति तीनों में से एक तो ऐसा रहता है जो स्क्रीन पर आपको हमेशा देखने को मिलेगा जिसके चलते फिल्म का स्क्रीन प्ले को जरूर पसंद आएगा तो ये फिल्म मिस नहीं करनी चाहिए अगर नहीं देखी हो तो जरूर देखनी चाहिए अब रिलीज के ऊपर बातचीत करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट के साथ एक मिनट के रन टाइम के साथ तीन जून दो को मेजर तेलुगु फिल्म और साथ ही में आ, हिंदी फिल्म पृथ्वीराज के साथ रिलीज़ किया गया था सम्राट पृथ्वीराज के साथ तो फिल्म को हिंदी वर्जन में थोड़े स्क्रीन कम मिले थे लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने सभी वर्जन में धमाका मचाया हुआ है जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स के ऑडियंस की तरफ से इतने ज़्यादा पॉजिटिव और साथ ही में इतने बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते फिल्म इतना बढ़िया तरीके से वर्क करे कि फिल्म ने वीकेंड काफ़ी लंबा लिया होता था खास करके तमिल वर्जन से फिल्म इतना बेहतरीन वे में कलेक्शन करके दे रही थी जिसके चलते फिल्म ने कुछ ही दिनों में प्रॉफिटेबल बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था इस फिल्म में टोटल आई पे छब्बीस वोट मिले हुए जिसमें आठ आठ की हाई रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इस फिल्म को कितना ज़्यादा पसंद आया था इस फिल्म को कितना पॉजिटिव बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया हुआ है और ये भी विक्रम फिल्म कमल हसन के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म साबित हुई वन ऑफ द हाईएस्ट क्या सबसे ज्यादा हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली फिल्म उनके करियर की साबित हुई है जहाँ पे कमल हसन के डायरेक्टर यानी कि इस फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनक ने जो उनके फैन भी है उन्होंने परफेक्ट ट्रिब्यूट दिया हुआ है इस फिल्म का बजट करीबन एक से एक करोड़ था तो उस बजट के सामने फिल्म ने करीबन साढ़े चार सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन निकाला हुआ है जहाँ पे तमिलनाडु से फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था हिंदी वर्जन में कम प्राइस में बेचा हुआ था जिसके चलते हिंदी वर्जन में फिल्म हिट साबित हुई थी जिस तरह से फिल्म ने कलेक्शन किया था वो चौंका देने वाला था इस फिल्म ने तमिलनाडु से ही पच्चीस करोड़ का पहले दिन कलेक्शन किया हुआ था केरला से पाँच करोड़ का कर्नाटक से चार करोड़ का आंध्र प्रदेश से पौने चार करोड़ का तेलंगाना से डेढ़ करोड़ का वहीं पर टोटल जो इंडिया का कलेक्शन था वो चौंतीस करोड़ था पहले दिन के कलेक्शन की बात कर रहा हूँ और चौबीस करोड़ था तो दोनों का मिला के अट्ठावन करोड़ और इस फिल्म ने जरूर काफी बेहतरीन रिस्पांस हासिल किया है लोगों ने उतनी उम्मीदें नहीं लगाई हुई थी इस फिल्म ने हंड्रेड करोड़ का क्लब सिर्फ दो दिन में पार किया हुआ था जो काबिल तारीफ है फिल्म ने दो दिनों में 100 करोड़ पचहत्तर लाख का इंडिया में कलेक्शन क्या हुआ था जहाँ पे ओवरसीज का टोटल कलेक्शन 50 करोड़ था इस तरह से फिल्म ने पहला वीकेंड है वो 150 से एक करोड़ का लिया हुआ था जहाँ पे तमिलनाडु से तिरासी करोड़ 20 करोड़ केरला से 13 करोड़ कर्नाटका से 16 करोड़ तेलुगु लैंग्वेज स्पीकिंग स्टेट से और बाकी के साढ़े पाँच करोड़ नॉर्थ इंडिया रेस्ट ऑफ इंडिया से कलेक्ट किए हुए थे तेलुगु कन्नडा हिंदी मलयालम जितने नॉर्थ इंडिया में स्क्रीन्स मिली थी उससे इस फिल्म का ओपनिंग वीकेंड काफ़ी मजबूत था जिसके चलते यूएसए में भी तेरह करोड़ तेईस लाख का ओपनिंग विकेट लिया गया था वहीं पे चार करोड़ का यूके में और ऑस्ट्रेलिया में साढ़े तीन करोड़ का इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया वो काफ़ी खतर, खतरनाक था वो डे बाय डे और बेहतर कलेक्शन कर रही थी जिसके चलते फिल्म ने दो करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सिर्फ सात दिनों में हासिल किया था फिल्म ने चौथे दिन में ही 2.10 मिलियन रसिया से कलेक्ट किए हुए थे दो मिलियन डॉलर मिडल ईस्ट से कलेक्ट किए हुए थे एक मिलियन डॉलर मलेशिया से कलेक्ट किए हुए थे और पॉइंट मिलियन सिंगापुर से कलेक्ट किए हुए थे नॉर्वे और रशिया में इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे भी फिल्म ने अच्छा खासा रिस्पेक्टेड टोटल हासिल किया था पहले वीक में तो इस तरह से फिल्म पहले वीक में ने दो करोड़ का कॉल कलेक्शन किया और ये हाईएस्ट ग्रोसिंग तमिल फ़िल्म साबित हुई थी 2022 की जहाँ पे बेस्ट फिल्म को आसानी से सरपास कर दिया था जहां पे फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया वो 4 जून 2022 तक 436 चार करोड़ तक पहुंच गया था और वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग तमिल फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई तो फिलहाल में ये फिल्म करीबन साढ़े चार सौ करोड़ के आसपास की फिल्म बन चुकी है जहां पे हिंदी वर्जन उतना चला नहीं अगर हिंदी वर्जन चलता दूसरी फिल्मों के मुकाबले तो ये फिल्म हज़ार करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार कर सकती थी लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने जितना लंबा रन लिया हुआ है जिस तरह से कलेक्शन किया हुआ है वो काबिल तारीफ़ है जिस तरह से विक्रम फिल्म के साथ लोकेश कनगराज ने एक बढ़िया ट्रिब्यूट दिया हुआ है कमल हसन जी को साथ ही में कमल हसन जी का जो एक कम देखने को मिलता है जो अपने करियर की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म इस फिल्म के साथ देते वो सभी चीज़ें फिल्म के लिए और बेहतर साबित होती है अब विक्रम टू का जो मार्केट में बर्ज है वो काफ़ी हाई है तो अब देखते हैं कि उस फिल्म के साथ किस तरह का काम रहता है तो इस फिल्म को अब देखना हो तो कहाँ पे कैसे देख सकते हो उसके ऊपर डिटेलिंग दे देते हैं इस फिल्म के सैटेलाइट और ओ राइट्स के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं जहाँ पे फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद सैटेलाइट और ओ राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने ख़रीदे हुए सभी वर्जन के लिए जहाँ पे करीबन 112 करोड़ रुपए उन्होंने पे किए हुए फरवरी 2022 में इसके राइट्स बेचे गए थे तो थिएट्रिकल रिलीज के एक महीने पहले इस फिल्म के राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे 112 करोड़ में फिल्म के तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन के राइट्स बेचे गए थे अगर ये फिल्म रिलीज़ होती उसके बाद बेचते तो और ज़्यादा मिलते लेकिन उससे पहले बेच दिए थे उसके बावजूद एक करोड़ मिले हुए जिसके राइट्स स्टार इंडिया नेटवर्क के पास है तो ये फिल्म आपको तमिल हिंदी तेलुगु कन्नड़ा मलयालम वर्जन में डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास डिजनी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है तो विक्रम फिल्म सभी वर्जन में देख सकते हो जहाँ पे हिंदी और तेलुगु वर्जन में विक्रम हिट लिस्ट के नाम से देखने को मिलेगी बाकी जो तीन लैंग्वेज है तमिल कन्नडा मलयालम उसमें विक्रम नाम दिया हुआ है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्टार नेटवर्क के पास इस फिल्म के राइट्स है तो ये फिल्म आपको ओ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन विक्रम नाम से तमिल मलयालम कन्नड़ा वर्जन में वहीं पे विक्रम हिटलिस्ट नाम से हिंदी और तेलुगु वर्जन में फिल्म देखने को मिलेगी इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स से वो हिंदी वर्जन के खरीदे हुए स्टार गोल्ड वालों ने तो ये फिल्म आपको सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर विक्रम हिटलिस्ट नाम से बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप सैटेलाइट और ओ दोनों वजन फिल्म के एंजॉय कर सकते हो सभी वजन जैसे कि तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम के लिए विक्रम जो 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है विक्रम फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था जहां पर विक्रम फिल्म को तमिल मलयालम और कन्नड़ा में सेम नाम दिया गया था वहीं पर तेलुगू और हिंदी वर्जन में विक्रम हिट लिस्ट नाम से फिल्म को रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया है वो एल यूनिवर्स का हिस्सा है यानी कि लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स तो लोकी सिनेमेटिक यूनिवर्स लोकेश कनक राज जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने क्रिएट किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म का जो 986 वाला वर्जन है विक्रम जो आ, कमल हसन की सबसे पहली विक्रम फिल्म थी उससे कैरेक्टर लिया हुआ है केदी फिल्म से इस फिल्म को कनेक्ट किया हुआ है लिंक किया हुआ है उसके बाद में विक्रम टू के लिए जिस तरह से कहानी छोड़ी हुई है वो सभी चीज़ें इस फिल्म के यूनिवर्स को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल में लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स की सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी बहस चल रही है ये एक एक्शन थ्रिलर जोनर वाली फिल्म थी जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें लोकेश कनक ने की हुई है जहाँ पे डायलॉग्स में उनको रत्ना कुमार ने मदद की हुई थी प्रोड्यूसर कमल हसन और आर महेंद्रन है जिन्होंने राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म की कास्ट की बात करें तो कमल हसन विजय सेतुपति फाद फासिल आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे नरेन, दर्शन चंबन विनोद जोश कालिदास जयराम संतना भारती इलांगव कुमारवेल वसंती गायत्री शंकर जी मारीमुथु अरुलदोस स्वस्तिका कृष्णन गौतम सुंदरराजन माया एस कृष्णन महेश्वरी चाणक्यन आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे वहीं पे शिवानी नारायण म्याना नंदिनी संपत राम गोकुलनाथ रमेश तिलक विनोद जाफर सद्दीकी श्री कुमार अरुणोदयन अनिस पद्माभना पोंडी रवि आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके अलावा सूर्या का रोलेक्स के रोल में केम्यो अपीरियंस है तो ये इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इसके अलावा अर्जुन दास हरीश उत्थामन धीना हरीश पिराडी मोनिका आपको इस फिल्म में केम्यो अपीरियंस में देखने को मिलेंगे जिन्होंने केदी फिल्म से अपने रोल को रिप्राइज किया हुआ है जहां पे अर्जुन दास का रोल था अनबू हरीश उथामन का था अदय अडाई कलम धीना का रोल था कामाची हरीश पेराडी ने स्टीफन राज का रोल प्ले किया हुआ था मोनिका ने अमुदा का रोल प्ले किया हुआ था जो कनक राज है लोकेश कनक राज उनकी 2019 की केजी फिल्म आई थी जिसमें कार्तिक का रोल दिल्ली था वो रोल भी इस फिल्म में आपको वॉइस ओवर के रूप में देखने को मिलता है तो उस फिल्म से इस किरदार को इतने किरदार को लिया गया था जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सीन के लिए इस फिल्म का जो लोकी यूनिवर्स है उसको क्रिएट करने के लिए वो सभी चीज़ें कनेक्ट की हुई थी इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी गिरीश गंधारन ने की हुई है एडिटिंग की हुई फिलोमिन राज ने म्यूजिक दिया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदर ने जिन्होंने फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इतना बेहतरीन है जिसके चलते वो काफी बड़ा हिट साबित हुआ है नाइनटीन के जो विक्रम का एक टाइटल ट्रैक था उसको लेके भी फिल्म का एक बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है इस फिल्म में टोटल आपको पाँच गाने सुनने को मिलेंगे जिसको तमिल तेलुगु हिंदी तीनों वर्जन के लिए क्रिएट किया हुआ है और इन गानों के राइट्स खरीदे हुए सोनी म्यूजिक वालों ने जिन्होंने अच्छी खासी प्राइज में फिल्म के इन गानों के राइट्स खरीदे हुए हैं एडिटिंग की फिल्म इन राज ने जिन्होंने फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे चौवन मिनट की देखने को मिलेगी करीबन करीबन तीन घंटे की

हिंदी की तरफ से पृथ्वीराज चौहान नाम से पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज नाम से अक्षय कुमार की एक पेन इंडिया फिल्म आई थी टोटल तीन ऐसी पेन इंडिया फिल्म थी जो एक ही दिन पर रिलीज़ की गई थी जिसके चलते स्क्रीन्स बहुत ही लिमिटेड मिले थे सभी वर्जन्स के अलग अलग स्टेट में उसके बावजूद फिल्म ने सभी फिल्मों ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया सिर्फ पृथ्वीराज को छोड़ के इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो लोकेश कनगराज वैसे भी कमल हसन के बहुत बड़े फैन है तो वो उनके लिए एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे उनके साथ मिलकर एक फिल्म बनाना चाहते थे और उन्होंने ये सभी चीज़ें कई बार कही हुई थी उन्होंने इससे पहले सत्या वीरो जैसी फिल्मों में उन उनके साथ आ, काम कर उन उनका वो काम के वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे जिसके चलते वो डायरेक्टर बनना चाहते थे बाद में डायरेक्टर बनने के बाद वो एक सही प्रोजेक्ट की तलाश में थे जिसके चलते बाद में उनको ये प्रोजेक्ट मिला विक्रम का और उन्होंने सोचा कि इस फिल्म में उनके साथ ये फिल्म बनाने वाले इससे पहले उनकी दो में एक स्क्रिप्ट थी उन्होंने रजनीकांत को नेरेट की थी दिसंबर दो में लेकिन उस स्क्रिप्ट के ऊपर बाद में काम नहीं हुआ धलाई 169 के नाम के साथ मार्च 2020 में उसको शेड्यूल किया गया था लॉन्च किया गया था लेकिन कोविड नाइन्टीन की वजह से चीज़ें काफ़ी डिले हो गई और उसके बाद में लोकेश कनक ने डिफरेंट प्रोजेक्ट एक और अनाउंस किया जहाँ पे उन्होंने बताया कमल हसन उस फिल्म के लीड रोल में सितंबर 2020 में उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी ऑफिशियल पोस्टर वो 16 सितंबर 2020 को रिलीज किया गया था टेंटेटिव टाइटल रखा गया था कमल हसन टू थर्टी फोर सॉरी टू थर्टी टू यानी कि दो तो सौ बत्तीसवीं कमल हसन की फिल्म है जिस वजह से टाइटल को टेंटेटिव टाइटल यही रखा गया था और उसके बाद में इस फिल्म का जो गाना है जैसे कि विश्व विश्व रूपम से लिया गया था जो प्रमोशनल टीज़र है उसमें यूज़ किया गया था जहाँ पे अक्टूबर 2020 में चेन्नई में टीज़र को वो लॉन्च किया गया था उसके बाद में कोविड 19 के रेगुलेशन को फॉलो करते हुए फ़िल्म की शूटिंग को लेट किया गया जहाँ एक्टर्स के बर्थडे के ऊपर यानी कि कमल हसन के बर्थडे के मौके पर सात नवंबर 2020 को इस फिल्म का टाइटल टीजर रिवील किया गया था जहां पे कमल हसन के ऊपर एक प्रॉपर टाइटल टीजर रिवील किया गया था जिसमें बताया गया था फिल्म का टाइटल है विक्रम और ये फिल्म का टाइटल ऑलरेडी कमल हसन इस टाइटल के साथ उन्नीस सौ में एक फिल्म की हुई थी तब लोगों को नहीं पता था कि उस फिल्म के साथ इस फिल्म का कनेक्शन है उस फिल्म का जो कमल हसन का किरदार है ठीक वही किरदार इस फिल्म में वो रिप्राइस करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को पोस्टपोन किया गया कोविड की वजह से बाद में प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था जहाँ पर फिल्म के अलग अलग लोकेशन के ऊपर फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और कास्टिंग में भी फिल्म की कास्टिंग में काफ़ी लंबा समय लगा था emasal, 2018 से लेकर 2021 तक फिल्म की कास्टिंग चली थी डिफरेंट डिफरेंट एक्टर को लेकर जहाँ पे लीड रोल के लिए विजय सेतुपति और फाद फासिल कमल हसन के साथ जुड़े और इतने बड़े नाम जुड़ने के कारण फिल्म और भी ज़्यादा चर्चित हो गई फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 16 जुलाई 2021 को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो 6 अगस्त को रखा गया था उसके बाद में इस फिल्म के अलग अलग लोकेशन पे शूटिंग स्टार्ट की गई थी तो कोविड 19 के चलते फिल्म की शूटिंग में बहुत कम क्रू मेंबर थे जितने भी थे उसको विक्सनाइज करना यानी कि प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते फिल्म का शेड्यूल शूट किया गया था जिसमें काफ़ी टाइम लगा हुआ था फिल्म का सेकंड शेड्यूल था वो 19 सितंबर 2021 में शूट किया गया था चेन्नई में वहीं पे फिल्म का सेकंड शेड्यूल है उसको रेपअप करने में 2 अक्टूबर 2021 आ चुका था 13 अक्टूबर से फिल्म का तीसरा शेड्यूल स्टार्ट किया गया था जिसको शूट करने में काफ़ी लंबा समय लगा था जहाँ पे दो ऐसे सिक्वेंस थे जिसको तमिलनाडु पोलिस म्यूजियम में चार दिनों के लिए शूट किया गया था जहाँ पे 24 पच्चीस अक्टूबर के ये दो दिन थे और बाद में 27 28 अक्टूबर को शूटिंग की गई थी इस लोकेशन के ऊपर उसके बाद में ऑफिशियल परमिशन डिनाइड होने के बाद फिल्म की शूटिंग को दूसरी जगह पे रखने के लिए पोस्टपोन किया गया था 17 नंबर 2021 को फिल्म का एक महीने वाला लंबा शेड्यूल कोयम्बतोर में रखा गया था जहाँ पे कमल हसन सेतुपति और फासिल तीनों उस शेड्यूल में शामिल थे कोमल कमल हसन को कोविड नाइन्टीन होने की वजह से फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा बाद में उनको यूएस ले गया ले जाया गया यूएस में कुछ शूटिंग थी वो पोर्शन कंप्लीट किया गया उसके बाद में फिल्म का जो एक पचास डैमेज कार वाला एक सीक्वेंस था उसको शूट करने के लिए पूरा शेड्यूल सेट किया गया था बाद में फिल्म को आखिरी में दिसंबर 2021 में एक शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे कुछ एक्शन सीक्वेंस कुछ चीज़ें बाकी थी उसको कंप्लीट करवाया गया इस तरह से फिल्म के अलग अलग शेड्यूल को सेट किया गया था कुछ शेड्यूल में कमल हसन सेतुपति को साथ में रखा गया था जहाँ पे पाँच फरवरी दो का फाइनल शेड्यूल था वहाँ पर वो क्लाइमेक्स वाला पोर्सन है वहीं पर शूट किया गया था उन दोनों के बीच में और उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से रेप अप करने में एक मार्च 2022 आ चुका था उसके बाद में फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग वीएफएक्स इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया और बाद में फिल्म का फाइनल कट किया गया म्यूज़िक के बारे में बात करें तो सोनी म्यूज़िक के पास इस फिल्म के राइट्स गानों के जहाँ पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट के दोनों को उन्होंने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म और दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर इन गानों को अवेलेबल किया हुआ है इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था अलबाकर का रिकॉर्ड चेन्नई और किरमोस इंडोर स्टूडियो चेन्नई में इन दो स्टूडियो में इस फिल्मों के गानों को रिकॉर्ड किया गया था 15 मई 2022 को सोनी म्यूजिक के द्वारा इन गानों को अवेलेबल किया गया था जिसके म्यूजिक को क्रिएट किया हुआ है निरुद्रा रविचंदन ने फिल्म में टोटल पाँच गाने पहला गाना है पथला पथला जिसके लिरिक्स लिखे हुए कमल हसन ने गाया हुआ है कमल हसन और अनिरुद्ध रविचंदर ने वहीं पे विक्रम जो टाइटल रेखे उसको लिखा हुआ है विष्णु इडावन ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर तीसरा गाना था वेस्टेड जिसके लिरिक्स लिखे हुए हसन बर्ग ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर चौथा गाना था पोरकांडा सिंगम जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे विष्णु इडवान ने और सिंगर थे रवि जी पांचवा गाना था वंस ऑफन ए टाइम जिसके लिरिक्स लिखे हुए हसन बर्ग ने और सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंद्र और ठीक ये सभी चीजें तेलुगु वर्जन के लिए भी इन गानों को रिक्रिएट किया गया था जहां पे कुछ लिरिसिस्ट और सिंगर अलग थे इन गानों के हिंदी ट्रांसलेशन में जो टाइटल थे उसके बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पे पहला था बदले बदले रेप एक्सटेंडेड वर्जन जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राखिब आलम ने रेप लिखे लिरिक्स लिखे हुए थे रफ्तार ने सिंगर थे कमल हसन और रफ्तार दूसरा गाना था बदले बदले जिसके लिरिक्स राकेब आलम ने लिखे हुए थे सिंगर थे कमल हसन तीसरा गाना था विक्रम टाइटल ट्रेक जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राकेब आलम और अनिरुद्ध रविचंदर और सिद्धार्थ महादेव ने उनको गाया हुआ था चौथा गाना था वेस्टेड जिसके लिरिक्स हेसनबर्ग ने लिखे हुए थे सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर पांचवा गाना एक शेर हो तुम जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे राकीब आलम ने और सिंगर थे जुबिन नोटियाल छठा गाना था वंस ऑफ एट टाइम जिसके लिरिक्स लिखे हुए सनबर्ग ने और सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर तो इस तरह से हिंदी वर्जन के भी ट्रैक को क्रिएट किया गया था और इन गानों को डिसेंट रिस्पांस मिला था और जब ये गाने फिल्म के साथ चढ़ दिखाई दिए थे फीचर हुए थे तब लोगों के सभी चीज़ें और भी बेहतर वे में पसंद आई थी और इसके बाद में फिल्म की मार्केटिंग की गई थी जहाँ पे फिल्म के टीज़र ट्रेलर ऑडियो लॉन्च किया गया था सात नवंबर 2021 को कमल हसन के बर्थडे के मौके के ऊपर सभी चीज़ों को लॉन्च किया गया था उसके बाद में धीरे धीरे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत इस फिल्म की मार्केटिंग और साथ ही में रियलिटी शो के तहत भी जैसे कि हिंदी में कपिल शर्मा शो के तहत भी फिल्म के प्रमोशन को किया गया था अब इस फिल्म की कहानी के ऊपर हम बातचीत करें तो इस फिल्म की कहानी में आपको काफी सारे किरदार देखने को मिलते दे, हैं पहले उसके बारे में डिटेलिंग दे देता हूँ कमल हसन आपको कमांडर अरुण कुमार विक्रम के रोल में दिखाई देंगे के एजेंट विक्रम जो एक चीफ है 987 जो पायलट ब्लैक स्कोड था उसके और वो एक इनकोगिटो के तौर पे कर्नन के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा विजय सेतुपति आपको शांतनम के रोल में दिखाई देंगे जो एक ड्रग लॉर्ड और लीडर है जो वेट्टी वाइग्रंट गेंग है उसका लीडर है इसके अलावा फाद फासिल आपको एजेंट अमर के रोल में दिखाई देंगे जो ब्लैक ऑफ स्कॉड का कमांडर है नरेंद्र ने इंस्पेक्टर विजय का रोल प्ले किया हुआ है दर्शन ने विक्रम जूनियर का रोल प्ले किया हुआ है जो विक्रम के ग्रेंड सन है वहीं पे चम्बन विनोद जोश ने पोलिस चीफ जोश का रोल प्ले किया हुआ है कालिदास जयराम को ए सी का रोल दिया गया है जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वहीं से वो बिलोंग करते हैं जहाँ पे वो विक्रम के बेटे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शांतनाप भारतीय ने एजेंट उपिलापन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक कम्युनिकेशन uh, स्पेशलिस्ट है 987 जो पायलट ब्लैक ब्लैकोड है उसके लिए जिसका जिम ओनर के तौर पे इनको डिग टाइटल दिया गया था इन गालो इलंगो इस फिल्म में एजेंटीना का रोल दिया गया है जो साइकोलॉजिकल वारफेयर स्पेशल एजेंट थी जहाँ पे वो नाइनटी एटीन पायलोट ब्लैक की स्कोड में शामिल थी जिन्होंने वाली मल का रोल प्ले किया हुआ है जो एक डोमेस्टिक हेल्पर है इसके अलावा गायत्री शंकर ने इस फिल्म में गायत्री अमर का रोल प्ले किया हुआ है जो अमर की वाइफ है स्वस्तिका कृष्णन ने प्रभंजन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है जो विक्रम की डॉटर इन लो है जी मारे मुत्तो आपको कमिश्नर पुलिस नागराज के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे अरुण डोज रुद्र प्रताप के रोल में दिखाई देंगे गौतम सुंदर राजन को वीरा पांड्यन का रोल दिया गया माया एस कृष्णन ने इस फिल्म में एक एस्कोर्ट का रोल प्ले किया हुआ है महेश्वरी चाणक्यन ने इस फिल्म में शांतनम की फर्स्ट वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है शिवानी नारायण ने शांतनम की सेकंड वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है म्यानानंदी ने शांतानम की थर्ड वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे संपत राम ने इस फिल्म में संपत के मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है जो वेगन वेट गेंगे उसके मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है गोकुलनाथ ने वेट्टी वाइगन के मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है रमेश तिलक आपको इलांगा के रोल में दिखाई देंगे जो वेट्टी वाइगन के मेंबर है विनोद भी मुन्ना के रोल में दिखाई देंगे वो भी वेट्टी वाइगन का जो मेंबर है वहीं पे जाफिर सदीक श्री कुमार अरुण अध वो सभी लोग जैसे कि अनिश पद्माना बन, वो सभी लोग आ, मेंबर के रोल में दिखाई देंगे जहाँ पे श्री कुमार अलुदोस आपको ब्लैक ऑफ स्कोड के मेंबर के तौर पे दिखाई देंगे जहाँ पे सदीक विनोद आपको बेटरी वाइगर रन के स्कॉड में दिखाई देंगे सॉरी गैंग में दिखाई देंगे अनिश पद्मनाभन बन आपको ब्लैक स्कॉड में देखने को मिलेंगे वहीं पे पोंडी रवि को पुलिस ऑफिसर का रोल दिया गया था सूर्य का एक एक्सटेंडेड केमियोपीरेंस है जो क्लाइमेक्स में आता है पूरी फिल्म में जो रोलेक्स नाम लिया जाता है वो उनका ही किरदार रहता है बाद में किंग पिन जो इनलीगल ड्रग रेकेड है वो वही चला रहे हैं तो उनका जो ड्रग्स का नुकसान हुआ है जिस उनके साथ जो जुड़े हुए जो के फिल्म से बिलोंग करते हैं उसमें है अर्जुन दास हरीश उथामन धीना हरीश पेडाडी मोनिका और दिल्ली यानी कि कार थी तो उनके सभी किरदार मैंने बता दिए जैसे कि अनबू अदय कलम कामाची स्टीफन राज और दिल्ली तो इतने एक्टरों को कैदी फिल्म से भी रिप्राइस किया हुआ है तो इस फिल्म की को जो पहले कैदी फिल्म में जो ड्रग्स चोरी होता है जिसको दिल्ली एक जगह से दूसरी जगह बचा के ले आता है ये सभी चीज़ें आपको जो देखने को मिलती है वो इस फिल्म के साथ कनेक्टेड है वो सभी चीजें वो जो ड्रग्स है वो रोलेक्स का था वहीं पे इस फिल्म में जो ड्रग्स चोरी होता है वो विजय सेतुपति का बताया जाता है बाद में आखिर में पता चलता है कि वो भी रोलेक्स का है तो रोलेक्स ने काफ़ी घाटा खाया हुआ है जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा खुखार हो चुका है और उसके बाद में फिल्म को एंड कर दिया जाता है तब देखते हैं कि विक्रम टू में किस तरह से इन सभी चीज़ों को डेवलप किया जा सा है कहानी के ऊपर बातचीत करें तो एक फिल्म की कहानी है वो एक हेवी ऐसा ड्रग कंटेनर रहता है वो चेन्नई से मिसिंग होता है वो वो ड्रग कंटेनर के मालिक थे शांतनम और वो रोल प्ले कर रहे विजय सेतुपति जो ह्यूजली अपसेट है इस रोबरी के चलते बाद में इस केस को क्रैक करने के लिए एक अंडरकवर कोप को बुलाया जाता है जिसका नाम है अमर जिसका रोल प्ले कर रहे फाद फासिल जब वो इस सीन में आते हैं तो अब इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये रोबरी कोई नोटरिस किलिंग मैन है उसके द्वारा की जा रही है और वो सिटी में काफ़ी सारे ऐसे क्राइम कर रहा है और उसका कनेक्शन सीधा एक ड्रंक्ड पियक्कड़ आदमी है कर्नन उसके साथ जुड़ा हुआ है और वो रोल प्ले करे कमल हसन तो अब यह कर्नन कौन है उसकी बैक स्टोरी क्या है वो किस तरह से इस माफिया सेटअप के साथ इन्वॉल्व है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है इस फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है फिल्म की कहानी में काफ़ी डिटेलिंग है काफ़ी लेयर है जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश किया हुआ है सभी कैरेक्टर को जिस तरह से बारीकी डिटेल के साथ लिखा हुआ है जिस तरह से छोटे से छोटे किरदार का फिल्म में इंपॉर्टेंट दिखाया हुआ है तो कहानी में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई थी उतनी बेहतरीन वे में डायरेक्टर ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी लिखा हुआ है उनके नेरेशन की तारीफ़ करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आता है फाद फाथ फास फिल्म में एक मीठी रोल प्ले कर रहे हैं उन्होंने अपने पार्ट को काफ़ी बेहतरीन तरीके से निभाया हुआ है वो काफ़ी जगह जगह पर एक सबल परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते है और अपने डायलॉग डिलीवरी अपनी इमोशनल परफॉर्मेंस के थ्रू वो फिल्म में सभी ऑडियंस को अच्छी तरह से एंगेज और कनेक्ट करके रखते हैं विजय सेतुपति इस फिल्म में जिस तरह से एक माफिया डॉन का रोल प्ले कर रहे हैं उनको देखने देखते समय आपको ज़रूर अच्छा लगेगा जहाँ पे वो ड्रग्स वाले सीन ले रहे थे जहाँ पर वो ड्रग्स का एक टेबलेट लेके मुंह में दबा लेते उसके बाद में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है विजय सेतुपति के जो फेशियल एक्सप्रेशन थे बॉडी लैंग्वेज थी स्क्रीन प्रेजेंस था उनके जो डायलॉग डिलीवरी थी खास करके वो जो और डायलॉग डिलीवरी थोड़ी अलग डायलॉग डिलीवरी देखने को मिलती है वो हिंदी वर्जन में नहीं पता चलेगा अगर तमिल वर्जन देखोगे तो आपको वो डायलॉग डिलीवरी फील होगी तो वो सभी चीज़ों में उन्होंने काफ़ी मेहनत किए हुई और और भी बेहतर लगर आ रही नज़र आ रही थी उस किरदार को काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया हुआ है अपने छोटे से किरदार के साथ वो फिल्म में काफ़ी बेहतरीन इम्पेक्ट क्रिएट करने में कामयाब रहे थे हालाँकि उनका किरदार बेटर वे में लिखा जा सकता था लेकिन जिस शेसा भी किरदार लिखा उसके ऊपर उनका काम ज़्यादा अच्छा था इसके अलावा उनके जितने भी फाद फासिल और कमल हसन के साथ सीन फिल्माए गए कंप्रंटेशन के वो काफ़ी लाजवाब है उसका एग्जीक्यूशन काफ़ी बढ़िया और परफेक्ट नज़र आ रहा था इस फिल्म के एक और मेजर प्लस पॉइंट है वो है अनिरुद्ध रविचंदर उनका बैकग्राउंड स्कोर सेकंड हाफ़ में जिस तरह से उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर के साथ सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए वो अनदर लेवल पे फ़िल्म के कुछ सीन्स सा आपको शायद थोड़े बहुत बोरिंग और डल नज़र आ सकते थे लेकिन इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इतना अव्वल दर्ज़े का है इतना बेहतरीन है जिस वजह से ये सभी चीज़ें और एक लेवल पे अप चली जाती है और वो सभी चीजों की मेज का कमी खलती नहीं है लास्ट बट नॉट द लेस्ट कमल हसन उन्होंने इस फिल्म में ऐसा कम किया हुआ है जो काफ़ी बढ़िया है उनका ये एक्शन अवतार इस एज में जिस तरह से वो एक्शन अवतार कर रहे हैं उनकी डायलॉग डिलीवरी उनका बॉडी लैंग्वेज अलग अलग सेट्स उनके देखने को मिलते हैं जिस तरह से अपने किरदार में जो पंच वो मारते वो सभी चीज़ें काफ़ी पावरफुल थी उनका ये पावर पे परफॉर्मेंस आपको जरूर पसंद आएगा सेकंड हाफ में उन्होंने जिस तरह से एक्शन ब्लॉक क्रिएट किए हुए वो सभी सुपभ है ये सभी चीज़ें न्यूट्रल ऑडियंस और फैंस को खास करके पसंद आएगी हाँ फिल्म के फर्स्ट हाफ से ऑडियंस कुछ ऑडियंस ऐसी है इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में जिस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है जिस तरह से स्टोरी को इस्टेब्लिश किया हुआ है कैरेक्टर को इस्टेब्लिश किया हुआ है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया जाता है जिसके चलते कुछ लोगों को वो सभी चीज़ें स्लो या थोड़ी बोरिंग लग सकती है लेकिन अगर शांति से बैठ के देखोगे तो वो स्क्रीन प्ले को इस तरह से लिखा जाता है जिसके चलते सेकंड हाफ़ आप में आपको ज़रा भी रेस्ट करने का टाइम नहीं रहता है फिल्म का सेकंड हाफ ऑन एक्शन से भरपूर है जहाँ पे इमोशनल एक्शन ड्रामा वो सभी चीज़ों का एक परफेक्ट मिश्रण रखा हुआ है और क्लाइमेक्स में तो फिल्म फाड़ देती है फिल्म का इंटरवल क्लाइमेक्स इतना दमदार है जिसके चलते आपको ये सभी चीज़ें ज़रूर पसंद आएगी फिल्म के छोटे से छोटे किरदार को जिस तरह से हमारे सामने करेक्टाइज करेक्टराइज करके दिखाया हुआ है जिस तरह से उनको पेश किया गया है वो सभी चीज़ें भी अच्छा खासा गुस्बर क्रिएट कर देती हैं इस फिल्म का जो बीजे है वो काफ़ी ज़्यादा टॉप नोट था जिस वजह से वो सभी चीज़ें और बेहतर नजर आती है कैमरा वर्क काफ़ी अव्वल दर्जे का था इस तरह के डार्क थीम में जिस तरह से कम कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो लाजवाब था फिल्म के जो क्लाइमेक्स है सेकंड हाफ ही ले लो इंटरवल ब्लॉक है यहाँ पे जिस तरह से कैमरा चलाया गया फाइटिंग सिक्वेंस के तहत वो लाजवाब था वो वैसा कैमरा वर्क मैंने अभी तक कोई फिल्मों में नहीं देखा हुआ है इस फिल्म में उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से उन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है सूर्या का जिस तरह से क्लाइमेक्स में एक छोटा सा इंट्रो दिखाया जाता है वो पूरी तरह से इस फिल्म में विलन का किरदार में जो सेटअप सेट किया हुआ था उसमें एक हाई परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहते हैं उनका जो के मो है फिल्म को चार चांद लगा देता है और वो रोलेक्स वाले किरदार में काफ़ी जज रहे थे वो एक खुखार ड्रेडेड क्रिमिनल नज़र आ रहे थे इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रोडक्शन डिजाइन है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे सभी चीज़ें रियल नज़र आ रही थी लाइटिंग का अच्छा यूज है कलर टोन बढ़िया तरीके से फिल्म के डायलॉग काफ़ी नीट रखे हुए हैं जहाँ पे एक्शन सीन्स में तो काफी ज़्यादा स्पेशल मेन एक्सन एक्शन सीन्स में तो काफ़ी नीट डायलॉग सुनने को मिलते हैं इसके अलावा जो इमोशनल डायलॉग है इस दूसरे कुछ डायलॉग्स है उसमें काफ़ी आपको अहमियत पता चलेगी उन डायलॉग्स की और वो डायलॉग्स काफ़ी देवते वाले क्रिएट किए हुए हैं इस फिल्म में जिस तरह तो से क्लाइमेक्स देखने को मिलता है सूर्या देखने को मिलता है वो ऑडियंस को एक हाई पॉइंट पर ला रख देता है और वो सेकंड हाफ देखने की उत्सुकता और बढ़ा देता है हाँ फिल्म के फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत छोटा किया जा सकता था तो शायद जो ऑडियंस को सभी चीज़ें इग्नोर इग्नोरेंस लग रही थी वो नहीं लगती कुछ रिपीटेड सीन्स को भी काट सकते थे अदरवाइज बाकी टोटली totally फिल्म इतनी परफेक्ट है जिसमें कोई भी कामी नहीं है फिल्म की स्टोरी फिल्म का स्क्रीन प्ले फिल्म का डायलॉग फिल्म की राइटिंग इसके अलावा फिल्म का कैमरा वर्क म्यूजिक डायरेक्शन इसके अलावा फिल्म की जो ट्विस्ट और टर्नस है वो सभी चीज़ें इतनी परफेक्ट है जिस वजह से इस फिल्म को काफ़ी मजबूती वे में टेक्निकल परफॉर्मेंसेस सभी तरह से मजबूत फिल्म माना जाएगा तो ये एक्शन थ्रिलर फिल्म आपको मिस नहीं करनी चाहिए जहाँ पे फिल्म का ड्रामा एक्शन इमोशंस सभी चीज़ें परफेक्ट वे में एग्जीक्यूट हुए हैं फिल्म के इमोशन इतने बेहतरीन है जो एक्शन देखते समय आपको ज़रूर महसूस होंगे इस फिल्म को जरूर स्टार्ट नोट के स्लो नोट के साथ स्टार्ट किया जाता है लेकिन फिल्म को जिस तरह से धीरे धीरे गियर अप किया जाता है तो एक्शन पे एक से आप जरूर करेंग का सेकंड आपको ज़रूर एंटरटेन करेगा कमल हसन का कम आपको ज़रूर पसंद आएगा फात फासिल कमल हसन और विजय सेतुपति तीनों में से एक तो ऐसा रहता है जो स्क्रीन पे आपको हमेशा देखने को मिलेगा जिसके चलते फिल्म का स्क्रीन प्ले को जरूर पसंद आएगा तो ये फिल्म मिस नहीं करनी चाहिए अगर नहीं देखी हो तो जरूर देखनी चाहिए अब रिलीज के ऊपर बातचीत करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म को यूए सर्टिफिकेट के साथ 174 मिनट के रन टाइम के साथ 3 जून 2022 को मेजर तेलुगु फिल्म और साथ ही में आ, हिंदी फिल्म पृथ्वीराज के साथ रिलीज़ किया गया था सम्राट पृथ्वीराज के साथ तो फिल्म को हिंदी वर्जन में थोड़े स्क्रीन्स कम मिले थे लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने सभी वर्जन में धमाका मचाया हुआ है जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स के ऑडियंस की तरफ से इतने ज़्यादा पॉजिटिव और साथ ही में इतने बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते फिल्म इतना बढ़िया तरीके से वर्क करी कि फिल्म ने वीकेंड काफ़ी लंबा लिया हुआ था खास करके तमिल वर्जन से फिल्म इतना बेहतरीन वे में कलेक्शन करके दे रही थी जिसके चलते फिल्म ने कुछ ही दिनों में प्रॉफिटेबल बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था इस फिल्म में टोटल आई एम री वी छब्बीस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट आठ की हाई रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इस फिल्म को कितना ज़्यादा पसंद आया था इस फिल्म को कितना पॉजिटिव बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया हुआ है और ये भी विक्रम फिल्म कमल हसन के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म साबित हुई वन ऑफ द हाईएस्ट क्या सबसे ज्यादा हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली फिल्म उनके करियर की साबित हुई है जहाँ पे कमल हसन के डायरेक्टर यानी कि इस फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने जो उनके फैन भी है उन्होंने एक परफेक्ट ट्रिब्यूट दिया हुआ है इस फिल्म का बजट तकरीबन 120 से 650 करोड़ था तो उस बजट के सामने फिल्म ने करीबन साढ़े चार सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन निकाला हुआ है जहाँ पे तमिलनाडु से फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ था हिंदी वर्जन में कम प्राइस में बेचा हुआ था जिसके चलते हिंदी वर्जन में फिल्म हिट साबित हुई थी जिस तरह से फिल्म ने कलेक्शन किया था वो चौंका देने वाला था इस फिल्म ने तमिलनाडु से ही पच्चीस करोड़ का पहले दिन कलेक्शन किया हुआ था केरला से पाँच करोड़ का कर्नाटक से चार करोड़ का आंध्र प्रदेश से पौने चार करोड़ का तेलंगाना से डेढ़ करोड़ का वहीं पर टोटल जो इंडिया का कलेक्शन था वो चौंतीस करोड़ था पहले दिन के कलेक्शन की बात कर रहा हूँ और चौबीस करोड़ था तो दोनों का मिला के अट्ठावन करोड़ और में इस फिल्म ने जरूर काफी बेहतरीन रिस्पांस हासिल किया है लोगों ने उतनी उम्मीदें नहीं लगाई हुई थी इस फिल्म ने हंड्रेड करोड़ का क्लब सिर्फ दो दिन में पार किया हुआ था जो काबिल है फिल्म ने दो दिनों में सौ करोड़ पचहत्तर लाख का इंडिया में कलेक्शन क्या हुआ था जहाँ पे ओवरसीज़ का टोटल कलेक्शन पचास करोड़ था इस तरह से फिल्म ने पहला वीकेंड वो डेढ़ सौ से एक सौ सत्तर करोड़ का लिया हुआ था जहाँ पे तमिलनाडु से तिरासी करोड़ बीस करोड़ केरला से तेरह करोड़ कर्नाटका से सोलह करोड़ तेलुगु लैंग्वेज स्पीकिंग स्टेट से और बाकी के साढ़े पाँच करोड़ नॉर्थ इंडिया रेस्ट ऑफ इंडिया से कलेक्ट किए हुए थे तेलुगु कन्नडा हिंदी मलयालम जितने नॉर्थ इंडिया में स्क्रीन्स मिली थी उससे इस फिल्म का ओपनिंग वीकेंड काफ़ी मजबूत था जिसके चलते यूएसए में भी तेरह करोड़ तेईस लाख का ओपनिंग विकेट लिया गया था वहीं पे चार करोड़ का यूके में और ऑस्ट्रेलिया में साढ़े तीन करोड़ का इस फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया वो काफ़ी खतरनाक खतर था वो डे बाय डे और बेहतर कलेक्शन कर रही थी जिसके चलते फिल्म ने दो करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सिर्फ सात दिनों में हासिल किया था फिल्म ने चौथे दिन में ही 2.10 मिलियन रसिया से कलेक्ट किए हुए थे दो मिलियन डॉलर मिडल ईस्ट से कलेक्ट किए हुए थे एक मिलियन डॉलर मलेशिया से कलेक्ट किए हुए थे और पॉइंट मिलियन सिंगापुर से कलेक्ट किए हुए थे नॉर्वे और रशिया में इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे भी फिल्म ने अच्छा खासा रिस्पेक्टेड टोटल हासिल किया था पहले वीक में तो इस तरह से फिल्म ने पहले वीक में 260 करोड़ का कॉल कलेक्शन किया और ये हाइस्ट ग्रोसिंग तमिल फ़िल्म साबित हुई थी 2022 की जहां पे बेस्ट फिल्म को आसानी से सरपास कर दिया था जहां पे फिल्म ने जिस तरह से कलेक्शन किया वो 4 जून 2022 तक 436 करोड़ तक पहुंच गया था और वन ऑफ दी हाइस्ट ग्रोसिंग तमिल फ़िल्मों में से एक फ़िल्म साबित हुई तो फिलहाल में ये फिल्म करीबन साढ़े चार करोड़ के आसपास की फिल्म बन चुकी है जहाँ पे हिंदी वर्जन उतना चला नहीं अगर हिंदी वर्जन चलता दूसरे फिल्मों के मुकाबले तो ये फ़िल्म हज़ार करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार कर सकती थी लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने जितना लंबा रन लिया हुआ है जिस तरह से कलेक्शन किया हुआ है वो काबिले तारीफ है जिस तरह से विक्रम फिल्म के साथ लोकेश कनगराज ने एक बढ़िया ट्रिब्यूट दिया हुआ है कमल हसन जी को साथ ही में कमल हसन जी का जो कम बैक देखने को मिलता है जो अपने करियर की हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म, इस फिल्म के साथ देते वो सभी चीज़ें फिल्म के लिए और बेहतर साबित होती है अब विक्रम टू का जो मार्केट में बर्ज है वो काफ़ी हाई है तब देखते हैं कि उस फिल्म के साथ किस तरह का काम रहता है तो इस फिल्म को अब देखना हो तो कहाँ पे कैसे देख सकते हो उसके ऊपर डिटेलिंग दे देते हैं इस फिल्म के सैटेलाइट और ओ राइट्स के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं जहाँ पे फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद सैटेलाइट और ओ राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने ख़रीदे हुए सभी वर्जनस के लिए जहाँ पे करीबन 112 करोड़ रुपए उन्होंने पे किए हुए फरवरी 2022 में इसके राइट्स बेचे गए थे तो थिएट्रिकल रिलीज के एक महीने पहले इस फिल्म के राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे 112 करोड़ में फिल्म के तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन के राइट्स बेचे गए थे अगर ये फिल्म रिलीज़ होती उसके बाद बेचते तो और ज़्यादा मिलते लेकिन उससे पहले बेच दिए थे उसके बावजूद एक करोड़ मिले हुए जिसके राइट स्टार इंडिया नेटवर्क के पास है तो ये फिल्म आपको तमिल हिंदी तेलुगु कन्नड़ा मलयालम वर्जन में डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास डिजनी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है तो विक्रम फिल्म सभी वर्जन में देख सकते हो जहाँ पे हिंदी और तेलुगु वर्जन में विक्रम हिट लिस्ट के नाम से देखने को मिलेगी बाकी जो तीन लैंग्वेज है तमिल कन्नडा मलयालम उसमें विक्रम नाम दिया हुआ है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्टार नेटवर्क के पास इस फिल्म के राइड्स तो है विक्रम नाम से तमिल मलयालम कन्नडा वर्जन में वहीं पे विक्रम हिट लिस्ट नाम से हिंदी और तेलुगु वर्जन में फिल्म देखने को मिलेगी इसके अलावा सैटेलाइट राइट से वो हिंदी वर्जन के खरीदे हुए स्टार गोल्ड वालों ने तो ये फिल्म आपको सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर विक्रम हिटलिस्ट नाम से बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप सैटेलाइट और ओ दोनों वर्जन फिल्म के एंजॉय कर सकते हो सभी वर्जन जैसे कि तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम के लिए तो बस गए इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी डिटेलिंग दे दिए इसके अलावा फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग दे दिए फिल्म का एक रिव्यू हो चुका है जहाँ पर मैंने आपको फिल्म की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस सपोर्टिंग कास्ट टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में चर्चा करके दिए हुए स्टोरी का एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है के और विक्रम टू के बारे में भी जानकारी दी हुई लोग यूनिवर्स के ऊपर भी डिटेलिंग दे दी है तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू